फिर की भाई। हाँ भाई, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, जब तक सब हाँ लोग आ जाओ। हाँ हाँ वो ठीक है। ये जो स्पेस का हमने ट्वीट जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, जो भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो ही लोग शेयर करें, सिर्फ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और अंग्रेजों के लोग दूर रहें हमारे स्पेस से। तो जो भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी लोग दूर रहें हमारे स्पेस से, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऐसे लोग अगर आए हैं यहाँ पर तो जो रिट्वीट नहीं कर रहे हैं वो अपने आप ही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, और वो हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं हेट करते हैं, वही लोग सिर्फ शेयर नहीं करेंगे इसको। और भाई तुम्हारे जो दोस्त वगैरह अगर कोई हो व्हाट्सएप अगर को भेजना है लिंक तो वहां भी भेज सकते हो, कहीं से भी जहां भी हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कबूतर से, जहां भेजना हो भेज दो भाई फटाफट, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। कोई एंटी इंडियन ही होगा लेकिन जो ऐसे स्पेस के बारे में किसी को बताता नहीं होगा और अच्छी कहानियां नहीं लाता होगा, और जो बोरिंग कहानी लाया होगा ना कहीं ना कहीं, वो भी एक एंटी इंडियन ही है, वो चाहता नहीं कि इंडियन स्पेस को कुछ अच्छा हाइप मिले। अभी भी स्पेस में लगभग कितने लोग होंगे, अभी कितने लोग दिख रहे हैं फिर की 500 भाई लोग अब, दिखा रहा है मुझे, और 500 मुझे लोग हैं। और 61 RT है सिर्फ, कितने सपोर्टिव लोग हैं पहले आप ये देखो। नहीं तो ये तो क्लियर हो गया ना कि 61 RTO, तो हमारे स्पेस में 500 में से 61 लोग भारत का पासपोर्ट रखते हैं, बाकी लोग घुसपैठिए हैं, ये लोग किसी और देश पे आके यहाँ पर हक जता रहे हैं कि हम इंडियन हैं। अच्छा मुझे ना 3 लोगों का मैसेज आ रखा है स्पेस के लिए, तो मैं उनका नाम बोलूंगा आप लोग आ जाना। एक हैं ओजस भाई हैं, उनका आया था मुझे DM, एक स्टोरी आई थी उनकी, और एक पैराडॉक्स भाई हैं उनका आया था, तो आप दोनों आ जाना प्लीज। देखो सच्चे हिंदुस्तानी अभी आरटी कर रहे हैं। ए भाई, एक मिनट एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, स्टोरी भेजना है, किसको भेजू? मेरा माइक नहीं चल रहा ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं हमको तो आवाज आ रही है, तो यहीं बोल दो ना आप स्टोरी आपकी। नहीं, स्टोरी थोड़ी लंबी है, आप ही ले लो। लास्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना स्टोरी का, मैं बता रहा था पिछले हफ्ते, तो नहीं हुआ था ना, वो नेट चला जाता है मेरा, इसलिए किसको भेजू? मैंने लिख के अभी रखी है, सही आवाज आ रही है ना लेकिन। मैंने लिखी लिखी है, कोई भी सुना दो, यानी अच्छा थोड़ी ठीक है, लॉन्ग है। आप केशु को डीएम कर दो, केशु एंड में सुना देगा। हाँ थोड़ी थोड़ी लॉन्ग है लेकिन सुन लो, यानी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा। केशु एक कॉल ले लेंदे, एक मिनट। हाँ एक हाँ कॉल हाँ ले ठीक लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हूँ तब तक आ भी जाएंगे लोग। आप लोग इसको इसका लिंक भी शेयर कर दो आपकी प्रोफाइल पे, थोड़े दो चार हमें हो सकता है कुछ स्टोरीज मिल जाए, हमारे लिए तो अभी फिलहाल वही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टोरी नहीं, लास्ट वाले स्पेस में अच्छी स्टोरीज नहीं आई थी, और आज भी हम लोग मतलब ऐसा बनाने के बहुत संशय में थे कि बनाए कि नहीं बनाए, बट मैंने फिर को बोला कि यार चलो एक कर लेते हैं, देखते हैं एक चांस देके। भाई मैं कब घर पहुंचा हूँ, खाना भी नहीं ठीक से खा पाया हूँ स्पेस के चक्कर में। 1 रुपए पेटीएम करते हैं ये लोग यार, 1 रुपए, 1 रुपए तो आजकल कोई भिखारी को नहीं देता यार, 1 रुपए पेटीएम करते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है इन लोगों पर जो 1 रुपए पेटीएम करते हैं, पर फिर मैं सोचता हूँ कि इनकी नहीं तो पैसों की इज्जत रख लूँ, तो इनको वापस नहीं कर पाऊंगी, तो सोचता भी हूँ वापस कर दूँ। नहीं ठीक है, 1-1 रुपए अगर 18 लोग भेजेंगे तो एक सिगरेट का जुगाड़ हो जाता होगा। नहीं 20 की आती है ना एक। अच्छा हाँ ये भी एक दिक्कत है भाई, लेकिन ये लोग यार अभी पता है कोई फालतू जगह पे स्कैम वाले में और कहीं पे ऐप वैप में जहां इनका नुकसान होगा वहां पैसा नहीं, डालेंगे, लेकिन ये 1000-2000 रुपए। जिन्होंने जिन्होंने 1-1 रुपए भेजे हैं ना, उनको तो देखना, उनका 1-1 लाख का नुकसान होगा अभी थोड़े ही दिनों में। IPL में होगा सब, सट सब हार जाएंगे पैसा। भाई मेरे बहुत बंगाली दोस्त हैं, मैंने सबके जितने पेटीएम करे ना सबके नाम वो कर दिए कैसे करना है। ये सही है, मेरे बहुत बंगाली दोस्त है भाई, हमारे पास सारी इलाज है, वशीकरण करना हो किसी का। मेरे पीछे से किसी की आवाज तो नहीं आ रही है ना। अभी आई थी। अच्छा ठीक है, सो भाई देखो, मैं कहीं
केशु आज बाहर था, फिर भी आज मेरे को सिर्फ ये मैं भी काम बाहर है ही कि घर से हूँ, मैं भी भाई, बाहर ही मैं हूँ। तो कहीं पे किसी यहाँ आया हुआ था और यहाँ पर मेरे को आज यहीं रुकना था, मतलब यहीं मेरा कुछ था, मैं 3-4 बजे घर जाने वाला था, कुछ वो था, लेकिन फिर भी मेरे को डर के मारे स्पेस करना पड़ा कि ये लोग गालियाँ देते हैं बिना वजह, तो इस कारण मेरे को स्पेस करना पड़ा भाई। ना मुझे भी गालियां पड़ती, इनको इसलिए लगता है मैंने कि ये कहीं नहीं जाए, बस ये बैठे रहे एक जगह ही और हमारे सबसे लिए बड़ी बात, स्पेस इनको करते अगर हैं। अपना कोई काम करना होता है ना तो हमें तो पता चलता नहीं, ये तो जाके अपना काम करके आ जाते हाँ, ये हैं, तो म्यूट ठीक पे है। रख के कर लेंगे काम, हाँ कल भी लेकिन चले जाएंगे, जब मन आए, जब मन जाए, अभी हम कहीं चले जाए तो सैटरडे को इतनी गालियां दे देते हैं कि पूरा संडे खराब हो जाता है। मिनिमाइज करके कुछ भी और देखते रहेंगे, स्टोरी नहीं हाँ अच्छी होगी बोल देंगे वहाँ पे कि स्टोरी अच्छी नहीं है, क्या पता हम हमारे ऊपर वाले ने कैसा दिल दे दिया, जो इतने बेकार लोगों के लिए भी हमारा दिल अच्छा है कि ठीक है यार इनको वो कर दो, हाँ इनके लिए भाई, भी इसलिए मैंने आज बोला कि नहीं आज कर लेते हैं। विनेश, विनेश फोगाट जी आई है, विनेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खाप पंचायत गोल्ड मेडल के लिए, ओलंपिक में तो नहीं जीत पाए विनेश जी, लेकिन खाप पंचायत के गोल्ड मेडल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी ट्विटर वासियों की तरफ से आपको बधाई हो। अच्छा अभी कोई स्टोरी सुनाने वाला आ रहा है या 1 घंटे से टाइम पास का स्पेस करके बंद कर देंगे शो? भाई मैं स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी कैसी स्टोरी है आपकी भाई की? मेरी थोड़ी डरावनी है, रियल स्टोरी है भाई। अच्छा ठीक है, ये अभी इतने सारे स्पीकर थे, ये सब भाग कैसे गए यार? अभी 2-3 ही दिख रहे हैं मेरे स्पीकर, मुझे अभी दिख तो रहे बहुत हैं सारे स्पीकर थे, स्पीकर्स, तो मुझे 4-5 दिख रहे हैं। अभी तो ज्यादा थे लेकिन कम हो गए अचानक से। ये भी कोई ग्लिच होगा, ठीक है आ जाएंगे वापस। भाई मैं सुनाऊं क्या स्टोरी? हाँ हाँ सुनाना ना, बिल्कुल सुनाना भाई, अपनी अपनी सुनाना, अच्छी इसके भाई डरावनी केशु सुनाना। भाई, देखो आज हमने एक स्टोरी को बैन किया है कि अगर आपको हाईवे पे कोई आदमी एक बार दिखा और 10 किलोमीटर बाद वापस दिखा तो उस स्टोरी को हमसे शेयर ही ना करें आप। हाँ, नहीं, वैसा नहीं है, ये मेरा स्टोरी नहीं है, हाँ मेरे दादाजी का है, मतलब ये अच्छा भूत वाला नहीं है, जो बोलते हैं ना कि अच्छा मतलब कोई रास्ता दिखाता है, ये दिखाता है, हाँ वैसा वाला है। ये तब की बात है जब मेरे दादाजी अराउंड 30-32 ईयर्स के थे, अभी अच्छा अभी कितने साल के हैं सर? वो है अराउंड 80 ईयर्स के, 80 ईयर्स के? अच्छा मतलब पचास करीबन 50, लगभग 50 साल साल पुराने पहले की कहानी है स्टोरी है। तो वो जी। टाइम पे लाइक जब जो महाराष्ट्र में रहते होंगे लोग उनको मालूम होगा कि ST जो है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस रहती है ना, वो तब नई नई स्टार्ट हुई थी, तो वो टाइम की रेट का है। तो लाइक मेरे दादाजी खेती वाले हैं, मतलब खेती करते हैं, तो वो जो संतरे के झाड़ रहते हैं ना, तो संतरे के झाड़ के बीज नहीं रहते, उसका लाइक झाड़ बनता है, वो कलम काट के झाड़ बनता है, तो वो कलम बेचने के लिए कहीं आकुट करके गांव है वहां गए थे। एंड जो लोग महाराष्ट्र के होंगे उनको लाइक मालूम होगा कि एक गजानन महाराज करके शेगांव के, तो वो उससे अराउंड 50-60 किलोमीटर्स दूर है ये आकोट, तो वहां गए थे वो बेचने के लिए। तो उन्होंने सोचा, मेरे दादाजी ने, कि इतने दूर आ गया हूँ तो मैं शेगांव चले जाता हूँ करके, बट उन्हें इतना आइडिया नहीं था वो गांव का। तो एक आदमी आता है, उनसे जितना भी सामान था उनका, जो कुली बोलते हैं, कुली बोल सकते हैं हम लोग, जो हमाल बोलते हैं ना, जो सामान वगैरह उठाता है, तो हाँ जी भाई जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए भाई, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, है ना, वो बोलूंगा तो फिर बीच में डिस्टर्ब होता है ना, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए। उन्होंने, वो कूली आया, उसने वो सामान वगैरह उठाया एंड उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ दिया, क्योंकि दादाजी को कुछ भी आइडिया नहीं था वो साइड का। तो अब कोई भी कूली बिना पैसे लिए कैसे वापस जाएगा जब वो तुम्हारा सामान वगैरह छोड़ के जा रहा है? तो कूली ने लाइक सामान वगैरह रखा एंड मेरे दादाजी बस उसे पैसे देने मुड़े एंड वो कूली गायब हो गया। वो कुली उन्हें दिखाई नहीं फिर से। तो मेरे दादाजी का ऐसा बोलना है कि उन्हें साक्षात जो गजानन महाराज है, अच्छा आप लाइक गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, गजानन महाराज मंदिर शेगांव करके, बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे शिरडी के साई बाबा है ना, हाँ जी वैसे ही है उनका, बट थोड़ा अच्छा है। लाइक शिरडी जाओगे आप और अगर शेगांव जाओगे तो शिरडी से अच्छा मैनेजमेंट शेगांव में, तो ऐसा एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया था।
मेरे पास लाइक एक दो और भी स्टोरीज हैं, बट जैसे आप बोलते हो ना कि एक टाइम पे एक ही, तो हाँ बाकी हाँ स्टोरीज तो भी ये कम दूसरे है। लोग सुनाएंगे ना, फिर हम सुनेंगे और भी। हाँ ठीक है, और मेरा ऐसे ही था, ये लाइक हाँ डरावना नहीं था, बट लाइक जो अच्छी हाँ एंटिटी वाला रहता है। जी, ये भगवान से हमारी कहानी शुरू हुई है, इसको खत्म भी हम ऐसे ही करेंगे भगवान के साथ, बीच बीच में शैतानों की स्टोरी सुनते रहेंगे। तो धन्यवाद भाई बहुत बहुत आपका आने के ठीक लिए और है, अपना थैंक स्टोरी शेयर करने के लिए। यू भाई, थैंक यू भाई। चलिए तो गणेश जी, गणपति महाराज जी कुल उनके गए हेलो, थे किसी की सेवा करने, तो बढ़िया लगा सुन के। और आप लोग अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कूली की मदद जरूर करें भाई, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ऐसे होते हैं, कई बार मैं भी गया हूँ स्टेशन पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे साथ जो थे उन लोगों ने उनसे भावताव किए कि भैया नहीं 100 ले लो, 50 ले लो या 200 ले लो, जो भी था। तो मुझे सही नहीं लगता यार कि ये 100-200 रुपये के लिए कोई इंसान सामान आपका सारा वजन उठा के ले जा रहा है, और अगर वो कर रहा है तो उसको यार 100-200 रुपये अगर आपकी जेब से निकल जाएंगे ना, तो आप कोई गरीब नहीं हो जाओगे यार। मतलब कोशिश करो कि यार वो जो बुजुर्ग रहते हैं बेचारे सामान भी उठा रहे हैं तो उनको दे दिया करो यार, ऐसे मत करा करो 100-200 रुपये के लिए, ऐसे ही उड़ा देते हो, अभी नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स में ही दे दोगे है ना, तो दे दिया करो। मेरा मतलब यही, जो भी छोटे वेंडर जो मेहनत से पैसा करके कमाते हैं उनसे भावताव मत करा करो, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे हैं उनसे, है ना। मैं भी नहीं करता हूँ, किसी भी छोटे इंसान से भावताव मत करा करो, जो जिसको पता है कि 100-200-500 ही घर ले जाना है उससे मत करा करो भावताव, कोशिश करा करो, है ना। पैसों की वैल्यू बिल्कुल करो, ऐसा नहीं कि आप पैसा फेंक दो रोड पे, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा रखो ऐसे लोगों के साथ जो बहुत बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं। धन्यवाद। चलो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। मनीष है हमारे साथ, मनीष सिंह राजावत भाई आप बोल सकते हैं। लूसीफर जी आप म्यूट कर लीजिए जब तक, और जो भी हैंड रेस कर रहे हैं भाई मैं जैसे जैसे माइक से रिमूव करूंगा दूसरे लोगों को माइक देते जाऊंगा। चलिए मनीष जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी भैया, सबसे पहले फिर की भाई हेलो। मैं काफी दिन से मतलब आपका स्पेस सुनता वगैरह, तो अच्छा, आज सोचा मैंने कि मैं भी एक स्टोरी सुना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और आप अगर ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनके कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं तो भाई आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लिया करो यार, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत से लोग ट्विटर पे नहीं होते हैं पर उनको पता रहती है ऐसी कुछ कहानियां, तो वो भी आके सुना सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, मैं आज अपने दोस्त की कहानी सुनाने वाला हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए भाई। जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, भूत का नहीं है बट हाँ अच्छा है। तो अभी मैं मतलब मर्चेंट नेवी में हूँ, तो अभी मैं इंस्टीट्यूट में था, तो वहाँ हॉस्टल में था, तो हम लोग सारे दोस्त लोग मिलके 2-3 बजे तक बैठते थे। तो ऐसी बातें, नई नई बातें आती थी, तो उसी में से कहानी। तो मेरा एक दोस्त है अक्षत नाम का, तो वो उत्तराखंड का है, तो देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को। तो वो क्या करता था, जैसे जब वो 12th में था तो एक दिन उसका रैंडम प्लान बना कि वो अपने एक दोस्त के साथ ट्यूशन बंक करके, मतलब देहरादून साइड रहता था, तो उसका प्लान बना हिल्स जाएगा घूमने के लिए। बट ऐसा था कि जैसे ट्यूशन जाते थे 1-2 किलोमीटर दूर, तो उन्होंने सोचा कि चल आज चल ही देते हैं भाई, बर्फ ऊपर साइड, देहरादून में बर्फ नहीं पड़ती बट ऊपर साइड कहते हैं वो लोग कि मनाली साइड या कोई है जगह जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो वहाँ हम आज बर्फ देख के आएंगे। उनका ये प्लान बना रैंडम ट्यूशन के लिए निकलने के बाद। तो उन्होंने मतलब ऐसे दोस्तों दोस्तों में शर्त टाइप लग जाती है ना कि चल आज तो जाके दिखाएंगे भाई, चलते ही हैं चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, दोनों के पास कुछ 100-200 रुपये पड़े थे, तो उन्होंने कहा चल आज चल ही लेते हैं, जो हुआ देखा जाएगा। तो दोनों अंडर 18 थे, तो ना किसी पे लाइसेंस था ना हेलमेट वगैरह था, दोनों स्कूटी लेके चल देते हैं। इस लाइसेंस ना होने की वजह से दोनों मेन हाईवे की वजह से नहीं जा पाते, वो लोग जाते हैं कच्चे रास्ते से जो ऐसे पहाड़ियों से घूम के हो जाता है। तो जब वो जा रहे थे, मतलब स्कूटी ठीक ठाक चला लेते थे बट बारिश हो रखी थी, तो वो कच्चा रास्ता था, तो काफ़ी स्कूटी फिसल वगैरह रही थी। तो जैसे ऐसे वो ऊपर जाते हैं, स्कूटी में पेट्रोल भरवाते हैं, जितने 150 पैसे थे रुपए थे वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका वही मोटिव था कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए जाएंगे। तो वो जाते रहते हैं जाते रहते हैं, फिर एक ऊपर चाय चाय की दुकान दिखती है और बगल में एक नीले कलर का घर होता है। तो उनका मन था चाय पीने का, फिर ठंड बहुत हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, जैसे रैंडम प्लान था इसलिए ग्लव्स भी नहीं थे, जैकेट वैकेट मतलब टाइट तगड़ी वाली जैकेट नहीं थी। तो उन्होंने सोचा चल चाय का जुगाड़ करते हैं कुछ, तो चाय पीने गए बट पैसे नहीं थे। तो वो ऐसे ही सोचने लगे कि
10 रुपए तू कर दे, 20 मैं करता हूँ, तो ऐसे चाय पी लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जुगाड़ उगाड़ करने लगे। तो उतने में एक अंकल देखता है उनको, नीले कलर का घर होता है बगल से, तो वहां से निकल के आते हैं, कहते हैं बेटा चलो चाय तुम्हें मैं पिला देता हूँ। उन्होंने चाय पिलाई, नाश्ता वास्ता कराया, फिर ऐसे ही रैंडम पूछा कि बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो बताते हैं अंकल आज हम ऐसे ही दोस्त, हम दोनों आज हमें बर्फ़ देखने का बहुत मन कर रहा है तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो अंकल कहते हैं बेटा पर आपके पास तो ग्लव्स वगैरह नहीं है, बरसात का मौसम भी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और ऊपर जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं अंकल हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे करके कहते हैं, अंकल के पास टालने लगते हैं। बट अंकल इन्हें बहुत अच्छे से समझाता है कि बेटा बात मानो, एक काम करो आज आप वापस चले जाओ और 2-3 दिन बाद जैकेट पहन के ग्लव्स वगैरह लेके प्रॉपर प्लान बना के आना, वरना दिक्कत हो सकती है। तो कहते हैं मानते नहीं है, बट लास्ट में अंकल उन्हें कन्वेंस कर देता है और वो जैसे तैसे फिर स्कूटी मोड़ते हैं और अपने घर की तरफ आते हैं। तो वो मतलब उस दिन उनकी 2-3 बार जान जाते जाते बची, क्योंकि खाई वाला रास्ता था और जैसे ही स्कूटी चला रहे थे तो स्कूटी बहुत फिसल रही थी और बस गिरते गिरते 2-3 बार बचे, फिर वो घर आ गए वापस। फिर उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिए एंड उसके 1-2 महीने बाद उन्होंने फिर से प्लान करा, इस बार घर पे बताया कि मम्मी हम लोग जा रहे हैं, पैसे ऐसे लिए, कपड़े ग्लव्स सब लिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ गए उसी रास्ते से। बट जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सोचा यार उस दिन अंकल ने बहुत मदद करी, उस दिन सच में मर जाते अगर जाते, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, ठीक ठाक कपड़े कुछ मतलब सप्लाईज भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा चल एक बार अंकल को थैंक यू बोल के आते। तो जैसे ही वो उस रास्ते पे गए उन्होंने देखा कि अच्छा अंकल के नीला कलर का घर था, उनको याद था, तो अंकल को एक बार थैंक यू बोल के आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कोई नीले कलर का घर ही नहीं है, ना वहाँ कोई चाय की दुकान है, ना ही कोई घर है, मतलब पूरा एकदम खाली इलाका है। फिर वो काफ़ी सोच में पड़े, फिर वो ऊपर गए बर्फ़ देखने, उन्हें लगा कि आप तो आगे हो तो एक ही रास्ता है, मतलब ऊपर जाने के लिए एक ही रास्ता है, बीच में ही घर पड़ता है। तो उन्हें लगा कि आप तो थोड़ा आगे हो, 1-2 किलोमीटर आगे हो। वो ऊपर तक गए, बर्फ देखी, नीचे आए, पूरा रास्ता ढूंढते हुए आए कि उन अंकल को आज थैंक यू बोलना है, उनके पैर छूने, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे। बट जैसे उन्होंने देखा कि वो घर ही नहीं है, तब उन्होंने उनको लगा कि हाँ उस दिन कोई पावर थी या कोई एनर्जी थी जिन्होंने उनको बचाया, क्योंकि उस दिन वो बच्चे अपन में या जिद पकड़ के जा रहे थे जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो बाद में उन्होंने मैं उसने दोस्त ने मेरे को कहानी बताई, 2-3 बज रहे थे हॉस्टल के, तो यही कहानी थी फिर की भाई। धन्यवाद मनीष भाई। तो जो मनीष भाई की कहानी थी भाई, वो भी कहीं ना कहीं किसी अच्छी एनर्जी की कहानी थी, पॉजिटिव एनर्जी जी। तो आज जो 2 स्टोरी आई है, एक में जो कूली थे वो अच्छी एनर्जी के साथ थे, भगवान दिखे उनको, दूसरे में भी ऐसे ही रास्ता दिखाने वाले कोई अच्छे दिखे। तो भाई देखो, हमें जो मेन मज़ा आता है ना वो आता है कोई भूत चुड़ैल की कहानी सुनने में, और बाकी लोग भी वही चाहते हैं ना, कोई ऐसी चुड़ैल हो, किसी को खा गई हो, किसी के बच्चे खा गई हो। जैसे एक लड़का है यहाँ पे वेलू, वो एक तरीके से ऐसे ही एनर्जी है, वो पूरी नेगेटिव एनर्जी है, वो कुछ भी लिखता है तो उसके साथ किसी का अच्छा लिख देगा तो उसका बुरा हो जाएगा। MBA चाय वाला के बारे में अगर ये लिख देना तो उसका भी बुरा हो जाएगा, ये इतना बुरा लिख सकता है। तो ऐसे ही हमें ऐसी ही नेगेटिव कहानियाँ यहाँ पर लोग सुनना पसंद करते हैं, जो कि किसी चुड़ैल आ जाए, किसी के ऊपर लग जाए, किसी पे कब्जा कर ले, किसी की आत्मा पे, है ना, और फिर घर वालों को पीट रही है, ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हो तो बिल्कुल आप शेयर करें, धन्यवाद। और बाकी नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। विक्की आया हमारा दोस्त, क्या हाल है भाई विक्की? हेलो भाई, आ रही आवाज़? हाँ जी बिल्कुल आ रही भाई। बस भाई बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। एक छोटी सी स्टोरी थी भाई मेरे पास। हाँ सुनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल शेयर करो भाई, अपने इस पे से कोई किसी ने पैसे नहीं दिए, जो सुनाना सुनो। तो ये स्टोरी है, अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल हो गया अभी, 1 साल पहले हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे। हेलो। हाँ हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ भाई, आप बोलते जाओ। तो अभी 1 साल पहले हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे जॉब के लिए, ठीक है। अच्छा। मैं और मेरे कुछ दोस्त। हाँ। तो हुआ यूं कि हम लोग को तो अभी फ्लैट ढूंढना था, नया फ्लैट। हाँ। तो यहाँ जो ऑफिस में पहले से ही लोग थे उन्होंने हाँ। बता दिया कि इस वाले एरिया पे आ जाओ। हाँ। हाँ। और लोकेशन वगैरह भी बहुत अच्छी थी, तो हम लोग हाँ। आ गए सीधा इधर ही। हाँ।
और इधर से व्यू व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा था, बालकनी का सब कुछ अच्छा था, सब सही लगा हमें, तो हमने ले लिया ये फ्लैट। उसके बाद फिर कुछ टाइम हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद फिर कुछ कुछ चीजें होना स्टार्ट हुई यहाँ पे। अच्छा। जैसे किचन में बर्तन की आवाज आती थी, तो ये सब तो कॉमन ही था, लेकिन डेली होने लगा फिर ये, तो हम लोग इग्नोर ही करते थे कि ठीक है, फिर रूम में है और क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है। तो फिर कई बार बाहर निकल के भी देखा कि किसी और फ्लैट से तो नहीं आ रही, क्योंकि फ्लैट्स कनेक्टेड होते हैं तो बगल से भी आवाज आ जाती है, तो हम लोग निकल के भी देखते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब किसी और फ्लैट से नहीं आती थी आवाज। फिर आके फिर बैठ गए अपने रूम पे, तो फिर से आवाज आना स्टार्ट हो जाती थी, तो फिर हम लोग इग्नोर ही करते थे, काफी टाइम तक इग्नोर किया। फिर क्या हुआ कि हम तीनों में से एक दोस्त की तबीयत खराब होने लगी, उसको फीवर आने लगा, मतलब हर एक दो दिन पे फीवर आ जाता था उसको। तो फिर एक दिन हम लोग ऑफिस गए, तो वो नहीं गया ऑफिस, उसको बहुत ज्यादा फीवर था उस दिन, तो दवा वगैरह दे दिया था हमने उसको, मेडिसिन बोला कि रुक जाओ घर पे ही, आराम से रेस्ट करो आज। तो फिर जब हम लोग ऑफिस में थे, तो उसका मैसेज आता है कि जल्दी से घर आ जाओ। तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा पैनिक तो हो ही गए थे, लेकिन आए फिर ऑफिस के बाद ही आए। फिर आए क्या, हाँ तो आए, फिर उसने बताया, रात में बताया उसने खाना वाना खाने के बाद, कि स्लीप पैरालिसिस तो बहुत कॉमन है, हो जाता है लोगों को आजकल, तो उसके साथ स्लीप पैरालिसिस तो हुआ था पहले भी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जैसे डबल बेड पे वो लेटा हुआ है बीच में अपने रूम पे, ठीक है, और पूरा रूम अंधेरा, वो दिन में सोता भी है तो लाइट बंद करके ही सोता है, लाइट बंद करके गेट बंद कर देगा, तो मस्त सोया हुआ था, और उसकी आंखें खुली है, स्लीप पैरालिसिस उसको हुआ, वो उठ नहीं पा रहा है, तो स्लीप पैरालिसिस में ये फील होता है कि कोई हमारे ऊपर चढ़ के बैठा है, उठने नहीं दे रहा, ये तो उसको फील हो ही रहा था, और बाकी उसको क्लियरली तीन लोग दिख रहे थे सामने। अच्छा। हाँ, तीन लोग दिखे हैं, एक लेडी थी, एक आदमी था और एक छोटा सा बच्चा था। अच्छा। तो हाँ, और वो पूरा अपनी माँ की कसम, तीन लोगों को देखा है, तो इस फ्लैट पे तो अब नहीं रह पाएंगे हम लोग, पूजा वूजा भी नहीं करते थे, टाइम ही नहीं मिलता इतना। फिर खाली तो कर दिया आप लोगों ने, डर तो बहुत गए थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि अब खाली तो करना ही पड़ेगा, फिर इधर उधर देखा कुछ टाइम तो मिला नहीं, फिर तो हम लोग सेम मल्टी में ही दूसरे फ्लैट पे आ गए, वो फ्लैट छोड़ दिया हमने। अच्छा, तो वो वाला फ्लैट छोड़, ये लोग नीचे नहीं आए जहाँ आप शिफ्ट हुए, वहाँ नहीं आए ये लोग, नहीं यहाँ नहीं आए अभी तक, अभी तक इनका एक्सेस वहीं तक है सर। हाँ, वहीं तक ही था एक्सेस। कौन तीन लोग कौन थे ये, मतलब कोई लेडी थी और आदमी और बच्चा, फैमिली थी क्या? हाँ, पूरी फैमिली थी। फिर हमने पूछा भी, मतलब गार्ड से पूछा और बहुत सारे लोगों से पूछा कि कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या यहाँ पे, तो उनने भी बताया नहीं, उनको भी शायद ना पता हो क्योंकि ये लोग भी बहुत बाद में, लेकिन इतना बताया इन्होंने कि ये जो सोसाइटी बनी है ना, तो पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। अच्छा। पहले ऐसे ग्रेवयार्ड वगैरह रहा होगा यहाँ पे, तो उस पे ही बना है, तो हम लोग फिर नए फ्लैट पे आए, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो, कभी होता अभी... है तो अपने को फिर एक और कहानी मिलेगी। नहीं, अभी हम लोग पूजा करवाने वाले यहाँ पे, पूजा करवा लो तो एक दो हफ्ते बाद करा लो, एक आध कोई स्टोरी कुक हो जाए। जरूर भाई, एक स्टोरी और कुक करेंगे। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो फैमिली होगी, तो ये खाना बनाती होगी, इनका टाइमिंग अलग होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि क्योंकि इनका इनका अगर मकसद परेशान करना होता आपको, तो आपको कुछ डराते छूते हैं ना। अब जैसे ये अकेला होगा, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगा होगा कि यार ये अकेला है, उनके पास खाना ज्यादा बन गया होगा, तो इसके लायक भी होगा, तो उन्होंने यही सोचा होगा इसको भी खिला देते हैं, ऐसा कुछ सीन होगा। तीन लोग भी थे तो इतना डर वाला माहौल भी नहीं था, हम लोग भी इग्नोर ही कर देते थे, लेकिन ये था कि अभी जो मेरे दोस्त को दिखा था ना, उससे पहले एक बार और दिखा था उसको। अच्छा, तो उसी उसको को दिख रहा है क्या सिर्फ? हाँ, उसको ही दिखा था। एक बोलते हैं ना, जिसका ऑरा तासीर हल्का सा कमजोर होता है, उसको ही दिखता है ये सब। तो उसको एक बार पहले भी दिखा था, लेकिन उस दिन उसने, वो हाई था उस दिन, तो उस दिन हम लोगों ने गाली वाली देखी। मतलब हमने यहाँ पर ना डरावनी कहानियों को इतना नॉर्मल बना दिया कि लोगों को डर ही नहीं लगता है। हमने पहले तो सुनते लाइट जलाना पड़ती थी, डर लगता था ना कि तीन लोग दी जाए, तो वो एहसास हो जाता था कि भाई अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, जिसके घर पे बैठा हूँ, जिस कमरे में बैठा हूँ, क्या पता यहीं तीन लोग दिख जाए, है ना, ये भी कुछ डर लगता था। तो पहले ये सब लगता था,
तो अब नहीं लगता है वो वाला। पता नहीं कैसी स्टोरी सुन के हमें डर लगेगा, शायद हमने भूतों को भी नॉर्मली ले लिया है। अब शायद यही है जिन लोगों को भी नॉर्मल लग रहा है, मैं चाहता हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है नॉर्मल, मैं चाहता हूँ जिन लोगों को नॉर्मल लग रहा है उनका जल्द ही भूत से सामना हो, ताकि उनके अंदर वो डर वापस आए और स्पेस सही में डरे लोग सुन के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, धन्यवाद विक्की भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं भाई। विक्की के बाद हमारे साथ है एक ओल्ड हार्ट बीट्स डॉक्टर पेरडोस। अच्छा राहुल यादव काफी समय से, तो राहुल आप पहले कंटिन्यू कर सकते हैं। राहुल आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल यादव आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओल्ड भाई आप म्यूट कर लीजिए, ओल्ड हार्ट बीट्स हिंदी सॉन्ग पहले इनको सुन लेते हैं, फिर आपको सुन लेंगे। राहुल यादव जी आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका माइक। आपका कुछ नेटवर्क इशू है क्या राहुल जी? ठीक है राहुल भाई, मैं आपको एक बार रिमूव कर रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइन कर लेना। जब तक ओल्ड भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो नीचे रिक्वेस्ट डाले हुए हैं भाई, मैं एक एक स्पीकर जब हटाते जाऊँगा तो आपको ऐड करते जाऊँगा। जिसमें एक बिंदास किशन जाट भाई है, भाई आपको जरूर ऐड करूंगा मैं भी यहाँ से स्पीकर एक हटाने के बाद। चलिए ओल्ड भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं अपनी कुछ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि जो है मैं पहली बार यहाँ जब आया था, मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी, तो मैं लखनऊ आया। कहाँ पर आए थे सर आप? लखनऊ। अच्छा लखनऊ। तो वहाँ पर पहले जब रूम लिया पहले दिन वहाँ, तो मतलब फ्लैट पूरा खाली था, कोई नहीं था, और एक जगह और सब जगह देख रहे थे रूम मिल नहीं रहा था, तो हमने कहा कि खाली है मकान, और हम तीन चार लोग थे वहाँ, दो कमरे थे, हमने कहा सही है, मतलब मकान मालिक रहती थी, लेकिन वो जो है कुछ समय पहले तक रहती थी, हमको पता चला कि जो है, तो वो शाम को मतलब दिन में तो थी, शाम में जो है निकल गई, वो गांव चली जाती है। फिर हमने जो है हम सोचा कि गांव क्यों चली जाती है, अपना पूरा घर छोड़ के, और हम पहले दिन रहने आए तो हमको जो है चाबी दे के चली गई। तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के मन में डाउट जरूर होता है कि कहीं कुछ क्या कारण हो सकता है, क्यों छोड़ गई इतना बड़ा मकान, हमको पहले दिन ही चाबी दे के चली गई। तो हमने फिर ने जो है देखा तो वहां पे कम से कम जो है 50-60 गमले रखे हैं, उससे ज्यादा ही मैं कह रहा हूँ, नीचे बालकनी में ऊपर, लेकिन एक में भी फूल नहीं है सब, लेकिन पौधे लगे हैं लेकिन सब सूख गए हैं। अब इसका क्या कारण? फिर हमने जो है आसपास पूछने की कोशिश की जो है क्या कारण है भाई, तो जो है आसपास से पता चला कि जो है इनका उस समय पहले लगभग 5-6 महीने पहले इनका एक ही लड़का था, तो वो नहीं रहा, तो इस वजह से ये लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं, ये लोग घर रहते हैं, मतलब अपने गांव रहते हैं। तो अब इस तरीके से हमको पता पड़ा स्टोरी, तब हम लोग अब 2-3-4 लोग थे, तब भी हम लोगों को इतना मतलब डर टाइप का लगा, रात को अकेले एक पहली बार हमने ज्वाइन किया नौकरी की, ये घटना घटी हमारे साथ। इसके बाद जो है रात को अब वो नहीं होता है हवा चलती है, तो जो है बाहर का गेट जो है लोहे का था, वो एक दूसरे से टकरा के बहुत सारा आवाज कर रहा था, वो लग रहा है कुछ हो तो नहीं रहा है। और शांति के माहौल में बहुत ज्यादा है इस चीज को जो है, जब आपको ऐसी स्टोरी सुनने को मिले तुरंत ही, और रात को फिर क्या स्थिति गुजरती है कोई भी, ये चीज है। तो हमने रात भर उसको फेस किया, और रात को यहाँ तक किसी है, हम लोग रात को 11 बजे माचिस ढूंढने गए, रात को माचिस की जरूरत, ऐसा नहीं कुछ हो जाए भाई। इस तरीके से हमारी स्टोरी रही, और फिर हमने वो किसी तरह गुजारा रात, पूरी रात हमने वो लिया कि हम जो है कल छोड़ देंगे रूम। फिर उस तरीके फिर हमने जो है फिर धीरे धीरे क्लियर हुआ, फिर आंटी को बात की तो कह रहे ऐसा बेटा कुछ नहीं है, ये सब वो है। फिर हम तो कुछ दिन रहे, हम 15-20 दिन, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था आगरा। हाँ बस यही स्टोरी थी मेरी।
ये मतलब पहला पहला नौकरी लगा और इस पहली नौकरी के साथ पहले दिन ही ये घटना घट गई। अच्छा सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए आपका। ठीक ठीक, धन्यवाद आपका भी। चलिए भाई, तो सर की स्टोरी मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आने के लिए और बताने के लिए अपनी कहानी। तो केशु, केशु वो तेरे साथ कोई आने वाला था आज आया? हाँ, ऋषभ, ऋषभ भाई आने वाले थे, लेकिन आज वो ट्रेवल कर रहे हैं तो आज नहीं आ पाएंगे, बोले नेक्स्ट सैटरडे आएंगे वो अपनी। यार मुझे एक बहुत ही लड़के ने एक बहुत ही अच्छी डरावनी वो करी है, तो बहुत ही मतलब मुझे अच्छी लगी पढ़ के भी वो, तो मैं उसको पूछता हूँ। आकाश भाई अगर आप आ सकते हैं, आके सुना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम ही नरेट करें आपकी स्टोरी। आप मुझे एक बार डीएम कर दीजिए जो भी हो। तो इसके बाद पहले इनको सुन लेते हैं, बिंदास किशन जाट भाई। भाई आप बोल सकते हैं। हेलो बिंदास भाई, छात्र नेता वो नहीं है शायद, वो माइक तो अनम्यूट कर रहे हैं यार जोधपुर, वो खैनी बना रहे हैं शायद, पीछे से खटखट की आवाज आ रही है। नहीं जोधपुर वगैरह में तो वो ज्यादा चलता है ना अफीम वगैरह। ये पैराडॉक्स भाई जो है ना, इन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी हुई है, तो ये अगर सुनाना चाहे तो आप भाई सुना दो, अगर आप सुनाना चाहते हो तो। डॉक्स आपको आवाज आ रही है? हाँ भाई आवाज आ रही है भाई, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ सुनाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये मतलब रियल इंसिडेंट ही है, मेरे कजिन के साथ हुआ था, मामा के लड़के के साथ। अच्छा। तो आज से दो साल पहले 2021 में मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो अपने दो फ्रेंड के साथ वो इंदौर से जो है झांसी आ रहे थे अपने होम टाउन में। अच्छा। तो उनका कार से एक्सीडेंट हुआ एंड काफी मतलब उनको ही जो मेजर इंजरी थी उन्हीं को आई थी, बाकी उनके फ्रेंड्स को उतनी नहीं आई थी। तो वो एडमिट थे वहीं झांसी में, और फिर उनका मतलब वही ट्रीटमेंट वगैरह एक आध महीने तक उनका वहां पे होता रहा। तो उनको जो बाकी इंजरीज थी मतलब बॉडी पे, वो सारी तो उनकी ये हो गई थी, रिकवर हो गई थी। उनको पैर में एक इंजरी थी कि जो थोड़ी सी ये थी, तो फिर उनको एक महीने के बाद जो है डिस्चार्ज करा के उनके मतलब होम टाउन ले आए थे घर पे। तो क्या था कि जब उनको डिस्चार्ज करा के लेके आए थे, मतलब उनके पैर में इंजरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको मतलब ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए बोला था एंड मेडिसिन वगैरह दी थी कि ये लगानी है, ये ऐसे करना है। तो बोला कि मतलब हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो फिर घर आ गए भैया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब घर आए तो उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो मतलब मेरे छोटे मामा हैं उनके इधर रुकवाया गया, क्योंकि मतलब उनका जो घर था वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था, तो उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रुकवा दिया कि अभी मतलब इंजरी है तो इनने, और उन्होंने भी थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि यहीं पे रुकवा दो। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब फिर यहाँ से थोड़ी चीजें उनके साथ स्टार्ट हुई होना कि उनको मतलब सपने में उनको क्या है कि दो तीन लोग दिखते थे उनको सपने में, कि जब भी वो सोते थे तो उनको दो तीन लोग दिखते थे सपने में, कि जैसे एक कोई लेडी है जिसका पूरा ऐसा चेहरा कटा हुआ है, और एक कोई बूढ़ा आदमी है जिसका हाथ ऐसा टूटा हुआ है, मतलब ऐसा एक्सीडेंट के उस टाइप के। और वो मतलब उनको ऐसे बताते थे कि मतलब जहां पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है वहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली वहां वो एरिया में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। तो इस टाइप का उनको सपने में मतलब दिखते थे, और उनके जहां पे पैर पे एक चोट आई थी उनको सपने में वो लोग जो थे जो भी दिखते थे दो तीन लोग, वो लोग क्या करते थे सपने में ये अपने हाथ में कील लेके दिखते थे उनको, और वो जो थे उनके पैर में बार बार वहीं जहां पे उनको लगी थी चोट वहां पे उनको बार बार मारते थे, तो उनको खूब मतलब ऐसे दर्द होता था, सपने में भी होता था, फिर वो जब मतलब नींद नहीं उनको लग पाती थी सही से तो उनके मतलब पैर में दर्द होता था उनको। तो वो ये सब चीजें मतलब मम्मी को और इन सबको बताते थे कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। तो मतलब सही में उनका जो घाव था पैर का, वैसे उतना कोई मेजर नहीं था घाव, लेकिन वो उसमें खूब मतलब ड्रेसिंग करे, खूब बैंडेज करे,
सब कुछ करे, लेकिन वो मतलब ठीक ही ना, उनको इतना दर्द हो और वो फिर मतलब बढ़ता ही जा रहा है ऐसा हो रहा था। तो मतलब ये एक इनके साथ ये इंसिडेंट हो रहा था, इनको नींद नहीं आती थी और मतलब ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब सपने आते थे, फिर ये मतलब बताते थे कि इनको ये ऐसे लोग दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते थोड़े दिन निकले, उसके बाद इनको ये फिर सपना आता है कि जो जो लोग इनको सपने में दिखते हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं कि बस अब 3 दिन ही बाकी हैं, तो 3 दिन बाद ये है ये अमावस्या की होगी, तो 3 दिन बाद फिर हम इसको ले जाएंगे, ऐसा करके उसको बोल मतलब सपने में बात कर रहे हैं वो लोग। तो ये चीजें बताई। और मतलब बीच में क्या हुआ कि बीच में फिर इन लोगों ने डॉक्टर से भी किया कंसल्ट वगैरह, और मतलब पंडित जी वगैरह से भी बात किया इनके जो मतलब घर के उनमें थे, तो उन्होंने भी यही बताया कि जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था वहां पे मतलब काफी सारे लोगों की हुई है, तो उसी के कारण इसको थोड़ा ये मतलब ये हो रहा है। तो ये एक दो चीजें होती रही उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो 3 दिन बाद जब उन्होंने जो बोला था सपने में, 3 दिन बाद ही उनको रात को अचानक से बहुत मतलब सीवियर पेन हुआ है। तो अब अच्छा, अब ये चीज थी कि इनको इनको क्या है कि बीच में ये बोलते रहते थे, भैया जो थे ये बोलते रहते थे कि मतलब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, मुझे घर पे नहीं रहना, क्योंकि जब से ये घर पे आए थे इनको बहुत मतलब एकदम सो नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं क्या, एकदम बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था जब से घर में थे ये। तो ये बोलते रहते थे कि मतलब हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, वहीं करा देंगे ये वो। लेकिन जो इनके छोटे ये थे, चाचा थे जो इनके, मतलब मेरे छोटे मामा, ये थोड़ा ये इसको अपोज करते थे, कहते थे कि नहीं नहीं इसको इसने बहुत खर्चा करवा दिया है, ये है वो है, तो घर पे ही रखो इसको। तो वो मतलब हमेशा जो है बोल के टाल देते थे, ठीक है। तो फिर 3 दिन बाद क्या हुआ कि उनको रात को बहुत सीवियर पेन हुआ, तो इन लोगों ने सबने जो है एम्बुलेंस किया और ये लोग निकले एम्बुलेंस से उसको लेके कि चलो अब इसको एडमिट करा देते हैं। तो जैसे ये लोग निकले उसको लेके, रात को ही उसको मतलब कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई। और जब उसको मतलब फिर जब हम लोगों को पता चला, तो जब उसको लेके आए हैं बॉडी को, मतलब जब मतलब मैं नहीं गया था उनके उसमें लास्ट राइड में, लेकिन हमारे घर से गए थे मम्मी लोग और ये लोग, तो जब उसको लेके आए हैं वापस, तो उसका पूरी जो बॉडी थी वो पूरी नीली पड़ गई, उसकी पूरी बॉडी जो थी वो पूरी नीली पड़ गई। और ये लोग मतलब मम्मी लोग बताए थे कि जब उनको देखने गए थे ये लोग, तो उनके कैसा था कि बाकी पूरा ठीक था, बॉडी में कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन जहां पे वो बोलते थे कि उनको पैर में दर्द होता है, पैर में जो घाव है, बोल रहे थे कि वो पूरा मतलब पैर ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब पता नहीं क्या ऐसा किसी ने खोद खोद के कील से वैसा करके पूरा ऐसे निशान बने हुए थे, और पूरी नीचे से ऐसा ब्लड से पूरा वो हुआ, मतलब जिस बेडशीट वगैरह उसमें जाए तो पूरा ब्लड से वो फिल था पूरा ऐसा। तो मतलब बहुत बुरी उनकी कंडीशन थी ये। फिर वही है कि फिर ये सब हुआ उनको, फिर ये सब हुआ, ये सब किया। उसके बाद फिर एक दो इंसिडेंट हुए कि मतलब उनको कहीं से पता चला कि उनके जो ये छोटे वाले चाचा थे, इन्होंने ही इसके ऊपर जो है कुछ मतलब टोटका या जो ब्लैक मैजिक या जो भी है, तो इसको ही करवा रखा था, और अपने इनके घर पे ही इनने कुछ करवा रखा था कि जब से वो इनके रूम में आया था, फिर वो फोर्स भी कर रहे थे कि नहीं इसको नीचे ही रुकवाओ यहाँ पे वहाँ पे, और खूब इसको मतलब मना भी किया, उसको जाने नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं रिकवर नहीं होने दिया, ये करने नहीं दिया। तो फिर इनको बाद में पता चला कि उन्हीं ने कुछ करवाया था, बट वही है कि कोई उनके पास ऐसा प्रूफ नहीं था, उन्होंने भी मतलब कहीं से पता किया किसी मतलब ऐसे पंडित या इन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि उनने किया है करके। और फिर ये एक दो उनके घर पे इंसिडेंट हुए कि उनको जैसे वो जो भैया थे जिनकी डेथ हो गई, उनकी क्या आदत थी कि वो शाम को मतलब क्या रहता था कि जैसे वीकेंड्स वगैरह में जॉब वगैरह करते थे, तो वीकेंड्स में वो शाम को जो है नहा धो के सब कपड़े वगैरह धो के पूजा वूजा करते थे शाम को। तो एक दिन ये लोग घर पे ही थे, तो इनको ऐसा लगा जैसे एकदम मतलब जैसे शाम को इन लोगों ने अचानक से देखा, तो पूजा घर जो था वहां पे मतलब जैसे अगरबत्ती जल रही है, और एकदम ऐसा नहीं क्या जैसे उनको लगा कि जैसे वो भैया ही करके गए हो, मतलब ऐसा सब अगरबत्ती जल रही है पूरा ऐसा माहौल वैसा है करके। तो मतलब ये एक बस एक ही छोटा इंसिडेंट था जो मतलब हुआ था उसके बाद, और बस उसके बाद फिर मतलब उससे रिलेटेड कुछ नहीं हुआ, फिर वही वही था कि मतलब फिर सब अपने अपने इसमें हो गए।
तो यही एक इंसिडेंट था भैया। थैंक यू सो मच भाई आपकी स्टोरी के लिए। एक एक भाई और थे जिनने मुझे डीएम किया था, अगर आप हो स्पेस में तो आप भी रिक्वेस्ट आपकी डाल दो। काफी सारी रिक्वेस्ट है भाई, अभी जिनको ऐड करना है कर लो और पैराडॉक्स को रिमूव कर देता हूं मैं। हेलो भाई, मैं सुनाऊं एक कहानी आपको, जेम्स ऑफ ट्विट्स, आपने तो सुनाई थी शायद पिछली बारी। ये रवि भाई, रवि भाई बोल रहा, रवि शर्मा। अच्छा रवि शर्मा बोल रहा, हां हां रवि भाई भी सुनाएंगे बिल्कुल जी भाई। भाई मेरे पास वैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब वही आप जैसा जो जो आपकी जो एकदम तो एकदम बेस्ट हो ना, जो एकदम डरावनी हो, बेस्ट हो आपके हिसाब से वही सुनाना भाई। यार डरावनी ना, तो अब जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि अब डर नहीं लगता, ऐसा हिसाब हो गया अब मेरे पास है। चलो आपको मैं एक तो सुनाता हूँ, फिर अगर और मौका मिलेगा तो और सुनाऊंगा। तो ये ना मेरे फ्रेंड की बात है, वो उत्तराखंड का, तो वो उसने ना ग्रेजुएशन वहीं से करी थी, कोई ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, अगर आपने सुना होगा तो। और फिर मास्टर्स दिल्ली आके करा था उसने डीयू में हमारे साथ, तो वो बता रहा था कि वो लोग ना वो गढ़वाल एरिया से है उत्तराखंड के। हेलो आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ हाँ भाई आ रही है। अच्छा ठीक है, तो वो गढ़वाल रीजन से है, तो उसके दो और दोस्त थे, वो स्कूल में थे, कैसे थे वो लोग, देहरादून में रहते थे, मतलब तीनों दो उस टाइम देहरादून में रहते थे। तो वो दोनों लोग ना, जो बाकी दो दोस्त थे उसके, वो ना जौनसार एरिया से रहते थे, जौनसार एरिया उत्तराखंड का ही, और जो भी कोई उत्तराखंड का होगा ना उसे आइडिया होगा कि जौनसार इलाके में काला जादू वगैरह ये सब बहुत होता है, ऐसा उसने मेरे को बताया। तो वो तीन दोस्त थे, तो एक तो रहता था अपना देहरादून में ही पहले से ना, तो वो अपने घर पे रहता था, और बाकी दो थे वो अपने किसी एक क्लासमेट के साथ ना एक रूम फ्लैट पे, वो फ्लैट रेंट आउट करा उन्होंने तीनों ने। तो कौन था, एक लेडी थी जो उनको उनकी वो थी मकान मालिक, और उसका एक बच्चा था जो फिजिकली थोड़ा सा हैंडीकैप था, मतलब हाँ, और मेंटली भी थोड़ा सा, तो ना वो दोनों ही रहते थे, और वो लेडी भी थोड़ी सी ओल्ड एज थी, मतलब 45-50 साल की होंगी वो। तो वो उन्होंने रेंट ले लिया, और थोड़ा कम ही रेंट था, ऐसा भी नहीं था, अब उन्होंने अपना बार्गेन वगैरह करा होगा, स्टूडेंट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनका मिल गया। तो क्या होता था कि ना रात को जब भी वो सोते थे, या रात को जैसे रात होती शाम को, तो नीचे से ना आवाजें आने लग जाती थी, ठक 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 ऐसे कुछ कुछ, तो वो दो तीन बार उन्होंने ना इग्नोर करा। फिर एक दिन पूछा उन्होंने, आंटी क्या होता रहता है ये वो, तो फिर उन्होंने आंटी ने ना टाल दिया कि ये बच्चा देखो ना ये ऐसा है, थोड़ा सा दिमागी संतुलन इसका, तो कुछ कुछ करता रहता है, अब इसको कितना रोकूं, मेरी भी उम्र हो गई है। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है, वो तीनों सोए हुए थे रात को, नहीं शायद एक पढ़ रहा था और दो सोए हुए थे, रात के यही 12 या 1 बजे के टाइम की बात थी। तो अचानक से ना उनका जो फ्लैट का मेन एंट्रेंस थी उस पे ना खटखट होने लग जाती है, बहुत तेज, ऐसे लग रहा होता है कोई पीट रहा होता है पीछे आगे से। तो जो पढ़ रहा होता है उसकी तो थोड़ी सी फट सी जाती है कि ये अचानक से क्या होने लग गया, तो उन्हें बाकी दोनों को उठाता है कि देखो यार कोई हो रहा है। तो जब वो गेट जाके खोलते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्हें ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ ही नहीं था कि वो डरे या ऐसा कुछ हो, तो जैसे खोलते हैं तो वो जो ओल्ड लेडी थी ना उनका बेटा उनके गेट पे ना खटखट खटखट मारे जा रहा है, मतलब अपने सर मार रहा है, वो हाथ वात भी नहीं मार रहा, अपने सर मार रहा है। अब उन्हें कैसे पता लगा सर मार रहा है ये तो वो जाने, पर हाँ कह रहे कि सर हिला रहा था तो शायद सर ही मार रहा, तो उन्होंने रोका। अब वो उसको नीचे लेके गए, तो जैसे क्या था ना, जैसे दिल्ली वगैरह में इन सब में रूम होते हैं, घर होते हैं कि रेंट आउट जो फ्लोर होते हैं उनका ना एंट्रेंस बाहर से होती है। अरे भाई कैसी आवाज निकल, तो वो बाहर से था, तो जैसे वो नीचे गए तो बाहर एक खिड़की थी, खिड़की से ना उन्होंने देखा कि ओल्ड लेडी ना कुछ धुआं धुआं काला हो रखा है रूम पूरा, उनका जो स्पेस था अंधेरा था मतलब, और धुआं धुआं हो रहा है, और आंटी ना कुछ कुछ हवन सा कर रही है रात को। तो उनकी थोड़ी सी उन्हें लगा कि पता नहीं ये रात को क्या हो रहा है ये सब, तो उन्होंने लड़के को ना गेट बजाया और लड़के को छोड़ के चले गए वो तीनों। उनको थोड़ा डर वर लगा, फिर वो घर ऊपर आए, फिर ऊपर आके उन्होंने बात बात करी कि कल आंटी को कन्फ्रंट वगैरह करेंगे। तो सुबह उठे, वो
सुबह उठ के तो उन्होंने बात करी कि क्या कर रहे थे आप आंटी वगैरह, आंटी बहुत ही वाहन मार रही है, मतलब उन्हें भी आइडिया हो गया था, जैसे मैं बता रहा था कि जो दो दो जोन सार वाले एरिया से हैं उत्तराखंड के, तो उन्हें आइडिया हो गया था कि ये कुछ गड़बड़ है, उन्होंने अपने घर वगैरह पे बताया होगा, तो उनके मम्मी पापा ने कह दिया होगा छोड़ दो, मतलब कहीं और रेंट आउट कर लो, तो उन्होंने ऐसा ही करा, अगले दिन ही उन्होंने ना सारा खाली कर दिया। खाली करने के बाद शायद उस टाइम ना, जैसे मैं बता रहा था कि वो पढ़ रहा था रात को, तो एग्जाम टाइमिंग चल रही थी उनके, एग्जाम टाइम्स थे, सेमेस्टर एग्जाम थे शायद, तो जैसे उन्होंने एग्जाम वगैरह दिए, और उनका ना बीच में तबीयत वगैरह भी खराब होने लग गई थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ वो बैठ के मतलब पढ़ गए हैं, बेड रेस्ट हो गया उनको, पर हाँ उनके साथ थोड़ा सा माहौल खराब होने लग गया था उनके तीनों। तो ऐसे ही टाइम जब एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो घर गए अपने, तो एक तो देहरादून का ही था और बाकी दो अपने जोन सार निकल गए। तो अब वहां उस एरिया में ऑलरेडी काला जादू हो रहा है, तो ज्यादातर हर घर में या मोस्टली घर में ना किसी को इस चीज का आइडिया होता है कि ये कैसे होता है या इसका तोड़ कैसे होता है। तो एक जैसे एक लड़का था उन दोनों में से, एक लड़का गया, वो घर की एंट्री बस घर में घुसा ही था, उसकी मम्मी उसको देख के बोलती है तो पीछे किसको लेके आया जो गेट के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा। वो अंदर क्यों नहीं आ रहा, शायद जैसे कहते हैं ना माता आती है, देवी माँ आती है किसी किसी में, जैसे हमारे गाँव में भी एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है, जैसे जागरण वगैरह कराएं तो वहां पे उनमें हमारी जो कुल देवी है वो आती है, तो ऐसे उसकी मम्मी में भी आती थी। तो उन्होंने उसको सीधा ही बोल दिया कि किसको लेके आया तू, जो तेरा पीछा नहीं छोड़ रही, अब गेट के बाहर खड़ी है क्योंकि मैं हूं इसलिए अंदर नहीं आ पा रही वो। ऐसा हुआ। फिर जो दूसरा लड़का था वो मतलब अब ऐसा नहीं था कि वो पड़ोसी थे, वो थोड़ा दूर रहता होगा, गाँव तो काफी बड़ा होता है, तो गाँव जा रहा था, वो जैसे वो मतलब घर पहुंचने वाला हो या रास्ते में कोई गाड़ी आई उसे उड़ा गई, उसे दिख भी नहीं रहा, ऐसा भी नहीं था कि है ना मतलब एकदम ही कट था कि आते हैं, उसे पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, बस वो घर पहुंचने वाला था, उसे गाड़ी उड़ा। अब ये जो दूसरा था जिसकी मम्मी ने इसको टोक दिया था कि हाँ तेरे साथ किसी को लेके आया तू, तो ये भी डर गया कि अचानक से क्या हो गया ये। उधर देहरादून, देहरादून वाले के साथ देहरादून वाले की तबीयत खराब होने लग गई, वो 2 महीने तक बेड रेस्ट पे था, मतलब लगा लो ये तीनों ना अच्छे खासे वो थे, हेल्दी थे। तो वो तो जो देहरादून वाला था वो तो एकदम ही मतलब मान लो आप जैसे 60 या 70 kg वेट होगा तो 40-45 के समथिंग आ गया, एकदम पेल, मतलब पीला पड़ जाता है ना, आप जैसे अपना ये देखोगे हाथ देखोगे थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना आप, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ऐसा पड़ गया वो, मतलब एकदम ही बेड रेस्ट। और जो ये तीसरा था जिसकी मम्मी ने टोका था, ये 3 महीने तक घर से नहीं निकला था इसी डर से कि उन दोनों के साथ ही हो गया, कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। 3 महीने बाद जब इसकी शायद छुट्टियां उठियां, 2 या 2.5-3 महीने बाद, जैसे ही बाहर निकला कोई सिक्योरिटी आई इसको उड़ा गई, फिर इसके भी पैर वैर में लगी, पैर शायद फ्रैक्चर हुआ था क्या हुआ था। फिर इसकी मम्मी और जो दोनों दोस्त थे जो जोनसार एरिया से थे, इनके घर वालों ने हवन वन कराया, वहां तांत्रिक वांत्रिक थे, तब पता चला कि उस बुढ़िया ने इनके पीछे कोई प्रेत छोड़ दिया था। तो ये कहानी थी थोड़ी, और थोड़ी मैं नरेट भी सही से नहीं कर पाया, काफी पुरानी। कोई बात नहीं रवि भाई, थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी के लिए। अच्छा मेरे पास अगर आप और भी, नहीं नहीं मैं सुना नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ अगर मौका मिले तो अभी और सुना दूंगा। अच्छी थी आपकी स्टोरी भाई, भैया इससे भी अच्छी अच्छी है मेरे पास, ठीक है ये भी सुनेंगे भाई, बिल्कुल सुनेंगे ये भी। अच्छा मैं मेरे पास एक स्टोरी आई है, ठीक है, मैंने पढ़ा था उसको, मैंने उसको पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो मैं आप लोगों को, आप फिर की भाई बोलो, मैं सुना दूँ स्टोरी, काफी मुझे थोड़ी ठीक लगी वो, मतलब मुझे लगा कि हाँ सुनाने लायक है, ठीक है, तो मतलब स्टोरी सुनाना। हाँ मैं डिटेल में समझाता हूँ। हुआ ये था कि एक बंदा है जिसका दोस्त था, उसकी शादी थी, ठीक है, एंड गांव देहात में कैसा होता है शादी का, जब भी स्टार्ट होता है तो 2-3 दिन पहले से ऐसा होता है कुछ पूजा वगैरह होती है जिसमें लड़की भी घर से बाहर नहीं जा सकती और लड़का भी घर से बाहर नहीं जा सकता। लड़के के भी हाथ में कुछ पहनाया जाता है आम के पत्ते वगैरह का, और लड़की के भी जब मेहंदी होती है उसी टाइम पे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि बहुत सेंसिटिव टाइम होता है वो, उसमें आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो
हुआ ये था कि लड़की के यहाँ पे जब लड़की की मेहंदी हुई और हल्दी मेहंदी का टाइम होता है वो सब के टाइम पे ही ऐसा हुआ कि रात में एक दिन मतलब 9-10 बजे 11 बजे की बात थी, गांव का मतलब देहात एरिया था पूरा कम्प्लीटली, तो वहां पे उसको बोला गया था घर से बाहर मत निकलना तुम, बट वो ऐसे अंदर रहती थी। एक दिन अचानक से रात में 11-12 बजे की बात है, खाना खाने के लिए किसी पर्पज से उसके घर वाले सब बाहर बैठे हुए थे, और थोड़ा घर के सामने कैसा था कि पूरा बगीचा टाइप या ऐसा लोकेशन था जहाँ पे मतलब बहुत रिमोट लोकेशन था, लोग ज़्यादा आते जाते नहीं थे, तो उसके भाई लोग बाहर कहीं बैठे हुए थे, तो वो घर से निकल के थोड़ा बाहर चली गई, और बाहर चली गई बुलाने के लिए भाई को अपने, ठीक, किसी से बिना पूछे चली गई वो, और उसने जाकर के भाई को खड़े होकर के मतलब थोड़े दूर पे बैठे थे वो लोग कहीं पेड़ वगैरह के पास में, वहाँ पे उनका कुछ दालान टाइप था, तो वहाँ पे उसने 2-3 बार अपने भाई को आवाज़ दी, और आवाज़ दे करके वो घर आ गई, ठीक है। और घर आई उसके बाद शादी की तैयारी वारी सब हो चुकी थी, उस लड़की की शादी हो गई, और शादी हो करके जैसे ही वो लड़की अपने घर लौट रही है मतलब अपने ससुराल आ रही है, उस दिन से उस लड़की की और जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उन दोनों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, मतलब उन दोनों को मतलब एकदम कंटिन्यूस फीवर रहने लगा, बुखार रहने लगा, और तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी, अजीब अजीब सपने आने लगे, ठीक है। तो उनके जो लड़के के घर वाले थे उनने किसी लोकल पंडित को बुलाया, और इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो होती है ना कि भाई पता करें कि क्या हो गया, ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ पैर कांपने ये सब तमाम दिक्कतें आने लगी थी रात रात में, तो लड़के ने ये सब सिम्टम्स बताए जब अपने फैमिली में, तो वहाँ पे लोकल पंडित वगैरह को बुलाया गया, तो उन्होंने बताया कि इसके बॉडी में ना कोई मतलब ये है, कुछ है इसके साथ, कोई दिक्कत है। तो उन लोगों ने बहुत गुस्सा किया और उस लड़की को ले गए वापस उसके घर छोड़ाए कि भाई हमारे बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दोगी तुम, वापस ले गए उसको उसके यहीं पे छोड़ के आ गए। जिस दिन उसको वहां छोड़ा उसके मतलब मायके में ले जाकर के छोड़ दिया, उसी रात से लड़के के साथ एक बहुत अजीब इंसिडेंट होने लगा। जैसे वो तो अपने घर चली गई, मायके चली गई, वहां भी उसकी तबीयत खराब है, बट लड़के के साथ यहाँ क्या हो रहा है कि लड़का जब भी रात को जा रहा है सोने के लिए 11-12 बजे, कोई उसके पास आ रहा है और उसके पास आकर के बैठ जा रहा है बेड के बगल में और उससे बातें कर रहा है। मतलब ये लड़की को भी दिखाई दे रहा है कि वो बात कर रहा है, लड़का भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बोल रहा है, सब कुछ बता रहा है, ठीक है। ये चल रहा है लगभग 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन तक ये चला, जिसमें कोई एक औरत आती थी रोज रात को उसके पास बगल में बैठ जाती थी, उसका एक टाइम खाने का मतलब 11-12 बजे 1 बजे के आसपास आती थी और बैठ जाती थी, बोलती नहीं थी, एंड देन उसके बाद जब वो उठ जाता था तब वो उससे बात करना शुरू करती थी, बोलती थी कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, अब जो हूँ मैं ही हूँ तुम्हारी, ठीक है। तो वो लड़का मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, मतलब बिल्कुल सूखने लगा, तो उसने डर की वजह से अपने घर में ये चीज़ बताई 10-12 दिन जब निकल गए कि मुझे 10-12 दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कोई एक औरत आती है रात को 11-12 बजे और मेरे पास आकर के बैठ जाती है, कुछ बोलती नहीं है, मुझे देखती रहती है, और उसके बाद जब मैं कुछ सामने से पूछता हूँ तो ही वो बोलती है कोई चीज़, और सबसे बड़ी बात वो किसी और को नहीं दिखती, सिर्फ मुझे दिखती है। तो उसने जब बताया अपने घर में तो उसके घर वालों ने पता किया, ठीक है, तो पूरी बात पता चली। फिर ये लोग उसके ससुराल लेकर के गए, वहां पे किसी बड़े पंडित ओझा से मिले, तो इनको पूरी स्टोरी पता चली कि जिस रात वो लड़की गई थी इसको इसके भाई को बुलाने के लिए, उस रात कोई आत्मा इसके बॉडी में आ गई थी, ठीक है। और ये भी वहां गया था, मतलब इसकी फैमिली भी वहां गई थी, लड़के की भी फैमिली वहां गई थी, तो वहां पे ये लोग बैठे थे, तो उस लड़के ने देखा कि उसके घर में एक बड़ी सी फोटो लगी है जो किसी तीर्थ स्थान की है, मतलब कहीं कोई दर्शन वगैरह करने गए थे, वहां पे पूरी फैमिली की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, और उस फोटो में पीछे एक औरत खड़ी थी। लड़के ने उसको पॉइंट करके पूछा कि ये कौन है, तो उनके घर वालों ने बताया कि ये उनकी एक चाची है जो अब नहीं है। तो उसने पूछा कि ये इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ये आज से 11-12 साल पहले उनके घर के पीछे एक तालाब था जिधर वो बुलाने गई थी, वहीं पे वो डूब के मर गई थी और उसी में उनकी डेथ हो गई थी, मतलब बेसिकली। तो लड़के ने बताया कि जो औरत मेरे पास हर रात आती है वो यही औरत है, यही आके मेरे पास बैठती है और यही औरत आकर के मुझसे बात करती है, मतलब उसने कभी देखा नहीं था उनको हालांकि। उसके बाद फिर पंडित ओझा सब बुलाया गया, वैद्य सब, मतलब जो भी होता है उनका जो भी प्रोसेस होता है भूत प्रेत वाला, फिर उस वो औरत आती है उनके ऊपर, तब उसने बताया कि जिस रात ये गई थी बुलाने के लिए तो उस रात ऐसी बॉडी कुछ होली होती है तो उसने पकड़ा उसको
और वो कह रही है कि मेरी अब तुम्हारे साथ शादी हो गई है, उसी मतलब उसी सेम मंडप में मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली थी, मतलब मैं इसके शरीर में थी तो अब मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं सुहागन हूँ और ये हूँ ये हूँ। उनका बहुत भूतों का बहुत चक्कर होता है इन सब चीज़ों पे कि मैं सुहागन हूँ, मेरी शादी हो चुकी है तुम्हारे साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उनको, लेकिन फाइनली बहुत टाइम बाद, मतलब एक बहुत टाइम लंबा अरसा निकल गया, मतलब 3-4 साल निकल गए उस पूरे टाइम में, तब जा करके वो औरत ने उन दोनों को छोड़ा और फिर उसके बाद चीजें ठीक हुई। बहुत टाइम लग गया, मतलब बेसिकली ऐसा हुआ था। ये एक भाई ने भेजी थी स्टोरी। हाँ भाई, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसकी पढ़ के भी। इसने बताया था कि भाई ये जो, और कहानी जो ये जहाँ की थी उसने ये जगह भी उसने दी थी कि कौन सी जगह की, बीकानेर के आसपास की हाँ, कोई बीकानेर साइड की थी, राजस्थान की कोई कहानी है। कोई रिमोट लोकेशन का स्टोरी था, मतलब कोई रिमोट लोकेशन था। ये एक भाई आए हुए हैं ओजस, इनके पास भी एक स्टोरी है, इनने मुझे भेजी थी लिख के, तो अगर आप सुनाना चाहो ओजस भाई तो आप सुना सकते हो। हाँ अनम्यूट कर लीजिए ओजस भाई। अरे हाँ जी, हाँ ठीक है, सुनाते हैं स्टोरी। तो ये हुआ, ये था जैसे मेरी मम्मी ने बताई थी ये मुझे, क्योंकि उनके घर में मतलब भाई छोटी आप थी। अगर हेडफोन पे, तो हेडफोन निकाल दीजिए ना, थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपकी आवाज। अच्छा हाँ, 1 मिनट। भाई ये हाँ ओरिजिनल लगे। हाँ जी, हाँ जी रजत भाई। हाँ, जी जी भाई। तो हुआ ये था कि मम्मी तब छोटी थी और नाना थे मेरे, तो नाना ने मतलब अकेले लड़के थे, तो उनकी मम्मी जो थी वो गांव में रहती थी, तो मतलब उनके पास पैसा तो खूब था लेकिन ये था कि मम्मी नहीं रहती थी उनके साथ, तो उनकी मर्जी थी कि वो उनके साथ में रहें। मतलब वो बहुत कोशिश करते थे कि आओ मेरे साथ रहो शहर में, लेकिन उनकी मम्मी मना कर देती थी, लेकिन नहीं हमें मतलब गाँव में ठीक लग रहा है, नहीं आते थे। तो मतलब होता है ना एक रिश्तेदारी में कि कोई ना कोई हो रहा होता है, ये टेंट गंट में शामिल होता है, तो वो वहां पे जाते हैं उनके पास रिश्तेदारी में, एक आंटी थी कि कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी मम्मी मेरे साथ रहने लगे। तो वो उसी दिन उनको कुछ चीज देती है कि ये अपनी गांव पे जाओ और मम्मी के घर पे ये मतलब बस फेंक देना जाके, तुम अगले दिन ही मतलब आ जाएंगी तुम्हारी मम्मी। वो जाते हैं मिलने अपना, जैसे नॉर्मली गए मिलके आ गए, और वो चीज भी वहीं पे उनके घर पे छोड़ आए। अगले दिन मतलब सुबह होते ही ये सब कराए, फिर सुबह होते ही वो मम्मी डायरेक्ट उनके घर पे ही आ गई, वो भी उस चीज में आई, मतलब उनको लकवा मार गया, पैरालाइज हो गई थी। तब नाना को तो ये पता नहीं था कि मतलब ऐसे आएंगी, अल्टीमेट तो यही हो गया कि उनके घर पे आ गई, लेकिन आई वो ऐसे करके। तो नाना परेशान हो गए, तो उनसे बोला आंटी से, तो बोला कि अब तुमने ही तो कहा था, अब वो चीज जैसे भी करी वर्क, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्हें खूब इलाज कराया, मतलब फिर उनकी मम्मी को उल्टी सीधी चीजें दिखने लगी घर में ही। तो उनको ये भी पता था कि मेरे बेटे ने ही करा है, तो वो बेटे को भी वो करनी थी कि मेरे बेटे ने ये कर दिया तो इसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे करते करते वो तो खत्म हो गई। फिर घर पे कुछ अजीब गरीब मतलब चीजें होने लगी। पड़ोसी बताते थे कि छत पे जब सब सो जाते, छत पे आवाजें आने लगी नाना के घर पे कि कुछ हो रहा है, आवाज आ रही, मतलब जैसे भूत जो भी चीजें आवाज आती हैं वो आ रही थी। तो सब मतलब डरते, नाना भी कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, हमको तो कुछ ऐसा नहीं दिखता। फिर मम्मी और मामा तब छोटे थे, तो मम्मी तो मतलब ठीक थी, मम्मी को नहीं कुछ ऐसा दिखा। मामा को मतलब वो स्कूल से आए, घर पे कोई नहीं था, तब उनको लगा कोई है, मतलब साफ साफ दिखा, कोई स्टोर में गया, कहीं कुछ लगा। तो ऐसी चीजें होती रही होती रही। फिर नाना को सपने आने लगे कि घर में, घर के नीचे कुछ खजाना है, तुम्हारी मम्मी नहीं छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, खोदो यहाँ पे। तो खुदवाया, नहीं मिला। फिर सपने आए, 3 गड्ढे करवा दिए, ऐसे ही करते करते तब भी नहीं, और तब तक ये चीजें बढ़ने लगी। मम्मी को मतलब कुछ दिखने लगा, सपने आने लगे, नानी को कुछ दिख रहा छत पे कहीं कुछ, तो ऐसा सब होने लगा। एक दिन मौसी आई, वो जैसे ही घर में घुसी, मतलब जैसे ही घर में घुसी वो एकदम मम्मी के ऊपर, वो होता है ना कि कुछ माता आता जाती हैं, तो मम्मी के ऊपर वो हुई। तो मम्मी बताते हैं कि मम्मी को मंदिर में किया गया, तब जाके मौसी नहीं आ पाई, तो मतलब मौसी एकदम चिल्ला के बोलने लगी कि नहीं हम इसके साथ आए हैं और इसको मारने आए हैं, बाहर से भेजा गया है ऐसा कुछ। तो बोला नाना चलो पूजा कराते हैं। तो जब पूजा कराई तो
तो पंडित जी ने बताया पूरा सब करा के कि हाँ इस घर में मतलब है कुछ चीजें शक्तियां, वो भी ऐसी हैं कि वो इस घर से तो अब कभी नहीं जाएंगी। तुमने अपनी मम्मी के लिए बोला था ना कि वो तुम्हारे घर पे आ जाए, अब वो चीजें तुम्हारे घर पे भी आ गई उनके साथ, तुम्हारी मम्मी के साथ, अब वो घर से तो कभी नहीं जाएंगी। और जो तुम्हें ये सब दिखता है ना, तीन गड्ढे करा दिए, अभी तुम्हें और सपने आएंगे, तब तुम चार नहीं करा लो गड्ढे घर में ही, और चार लोग हैं तो वो गड्ढे तुम्हारे लिए हो रहे हैं, जो जिन बाबा का भी वो आ गया था तो उनको सपने आते थे कि यहाँ खजाना है, तो फिर वो घर छोड़ा उन लोगों ने, तब घर छोड़ दिया, तब तक नाम रहा तब तक प्रॉब्लम्स आती नहीं, तब तक नाम भी दूसरे से कर दिया, बेच दिया। अब जब भी वहां पे मतलब अभी भी वो वहां पे घर है, जब भी कोई रहता है तो वहां पे मतलब होती है गड़बड़ चीजें, वो मोहल्ला ही पूरा ऐसा हो गया जब से उस घर में वो चीजें हुई। तो बस यही थी स्टोरी भाई। ओके ओके, थैंक यू भाई ओजस आपकी स्टोरी के लिए। ओके भाई, विक्की भाई के कोई दोस्त हैं जो स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप विक्की भाई उनको बोल दो सुना दें, फिर उसके बाद मतलब आप कह रहे थे वो सोने वगैरह जाने वाले हैं तो उसके बाद फिर हम लोग बाकी लोगों से सुन लेंगे। हाँ जी भाई, जिनको भूत दिखी थी ना वो हाँ हाँ। उनके पास एक स्टोरी भी है और वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बता देंगे अपना। ओके ओके, हेलो फिरकी भाई, आवाज भाई। हेलो यार, ये अभी ने विक्की ने आपको कहानी सुनाई होगी हमारे प्रीवियस वाले फ्लैट की। हाँ जी हाँ जी। तो वाला सीन हिसाब क्या था कि हम उधर रहते थे, तो ये एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब खराब सी थी तो मैं रुक गया। अरे दोपहर की बात है, ठीक है, इसके पहले भी एक दिन हुआ था तो मैंने सोचा कि बुरा सपना होगा तो मैंने टाल दिया कि भाई चलो ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं रुक गया घर में, तो दोपहर की बात है तो एक छोटा बच्चा और एक माँ और उसका पति था, आई डोंट नो कौन था, तो ये तीनों दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अच्छा। और ये मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। बच्चा वो बार बार मेरे पास आ रहा है, मुझे खींच रहा है कि अच्छा। चल 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 चल। अब भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ, उठना चाह रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मेरे पसीना पसीना पूरा बॉडी में, एकदम मैं एकदम फटी में सो रहा हूँ, ठीक है। और वो उसके बाप और जो माँ थे जो भी थे वो मेरे को बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे, वो बच्चा बार बार मेरे ऊपर कभी चढ़ रहा है कभी कुछ कर रहा है, ठीक है। और ये लगभग एक घंटा चला मेरे साथ, ये भी हुआ। हाँ, ये चीज मैंने इन लोगों को बताई, इसके बाद हमने तो वो फ्लैट खाली ही कर दिया। तो ये चीज मेरे साथ 12th क्लास से चलती आ रही है, मतलब मैंने 12th में जब मैं जिस स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल में था, हॉस्टल में था मैं वहाँ पे, तो वो एकदम सुनसान एरिया में है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ और अगर आपने शहडोल के बारे में सुना हो। हाँ जी भाई। ना, मैं उधर से ही हूँ, तो वो थोड़ा काफी ट्राइबल एरिया है और जंगली एरिया है वो, तो वहीं पे मेरी स्कूल थी। ये क्लास 12th की बात है, ये दिसंबर या जनवरी का टाइम था, हमारे एग्जाम आने वाले थे 12th बोर्ड, तो हम रात को पढ़ते थे, मतलब 12-12 12:30 1-1 बजे रात तक पढ़ते थे। तो हमारा जो हॉस्टल था वो दूर था, मतलब आप मान लो कि इधर राइट साइड पे हमारा हॉस्टल है और काफ़ी दूर में लेफ्ट साइड स्कूल है, तो हम स्कूल के ही एरिया में पढ़ते थे। तो करीब 12:30 बजे के करीब मेरे दोस्त और मैं सब बैठे पढ़ रहे थे, धीरे धीरे लोग सब आ गए, हॉस्टल आ गए, अब बचा मैं उधर पढ़ रहा था। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जो एक वो लगा था फिल्टर, वाटर फिल्टर, तो वो स्कूल के ही साइड पे था, तो मैं उधर गया। जब वहाँ पे पानी भर रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई तो खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एकदम टॉप फ्लोर में हमारे स्कूल के बिल्डिंग पे। तो जब उस टाइम स्कूल और हॉस्टल दोनों सेम जगह पे थे, तो वहाँ पे जो एक मैम थी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो ऐसा कहते हैं कि वो अभी भी हैं वहाँ पे, अब पता नहीं क्या है, बट मेरे को कोई तो दिखा वहाँ पे, तो मैं बहुत गंदा डर गया। तो मैं चुपचाप वहाँ से भाग रहा था और ऐसा लग रहा था वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं वहाँ से डर के एकदम भागता भागता हॉस्टल आया और आके अपने बेड पे लेट गया। और इसके बाद मेरे को कुछ नहीं आइडिया कि क्या हुआ। अब मेरे दोस्तों का साइड बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि मैं जोर जोर से चीखे मार रहा हूँ और मतलब खूब भयंकर आवाज़ें निकाल रहा हूँ, बेड से कूद रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ। तो जो एक मेरे वार्डन थे वो मेरे ऊपर लाके बाइबल लेके आ गए, वो क्रॉस व्रॉस लेके आ गए, क्या करके आ गए। तो रात में उन्होंने मेरे को ठंडा किया, मतलब मेरे को शांत किया और रात में मेरे को सुलाए। फिर नेक्स्ट डे मेरे को चर्च लेके जब गए,
तब वहाँ पे जब प्रेयर वेयर हुई और वहाँ पे पूरा जो वो करते हैं, उन्होंने मेरे सर में हाथ वाथ रखा, क्या किया, मैं वहाँ पे गिर गया, फिर वहाँ पे उनका प्रोसेस हुआ जो भी है भूत प्रेत का, तब उन्होंने बताया कि वो मैम की ही रूह थी जो मतलब आ गई थी मेरे अंदर, और वो मेरे को काफ़ी टाइम तक परेशान किया उन्होंने, मैं काफ़ी परेशान था, चर्च में भी दिखाया, फिर एक जगह गया तो मतलब मेरे मम्मी पापा एक गाँव है वहाँ अमरपाटन करके, वहाँ पे काफ़ी एक सिद्ध बाबा हैं, उनके पास लेके गया तो उन्होंने उनको गाड़ा वाड़ा कहीं क्या किया पता नहीं, तब से तो मतलब अभी एक ताबीज वाबी दे रखी उन्होंने, तब से अभी मेरे को राहत है, और आज इतना 29 साल का हो गया भाई, अभी तक मैं किसी के साथ ही सोता हूँ, अकेला नहीं सो पाता। अच्छा शादी कर लो भाई फिर। शादी हो गई भाई। ओके ओके तो हेलो। हाँ हाँ तो आप इन लोग के साथ सोते हो, आपको कभी ऐसा फील होता है मतलब अभी रिसेंट में लास्ट टाइम कब ऐसा लगा था? मैं जब भी अकेला होता हूँ ना तभी मेरे को फील होता है, अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मेरे को ऐसा फील होता ही है कि कोई तो है मेरे पास, क्या खड़ा है, कोई देख रहा है, घूर रहा है मेरे को ऐसा, और मैं अगर अकेला हूँ तो मैं सुबह 5 बजे 6 बजे ही सोता हूँ। ये तो अभी भी किसी को हो सकता है ऐसा, ऐसा बहुत फील होता है यार, कोई खड़ा है, कोई है ना, कई बार होता है। ये अभी जब जब कोई हॉरर स्पेस होता है यहाँ पे मतलब हम लोग का, और बढ़िया स्पेस हो जाता है ना, इसमें अच्छी स्टोरी जाती है, तो मुझे खुद ऐसा लगता है कभी कभार। हाँ ठीक ठाक है वैसे स्पेस, अच्छी स्टोरीज है। आप अगर आप जनरली बात, मैं कोई मूवी भी नहीं देख रहा हूँ भूत वाली, कोई कहानी भी नहीं सुन रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी मेरे साथ होता है, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करूंगा ही, ऐसा है, मैं अकेला नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। दिन में भी होता है आपको? दिन में रात में कभी भी अगर मैं अकेला हूँ तो ऐसा होता ही है। अभी मैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी मई में, तो हॉस्पिटल में भी मैंने पर्सनल प्राइवेट रूम नहीं लिया था, शेयरिंग में ही किया था। रात में ही हुआ था हम लोग सबका ही एक्सीडेंट हो गया था, बच गए। ओके ओके ठीक है भाई, तो आपका ध्यान रखो आप। बिल्कुल धन्यवाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी रजत भाई हैं, ओजस भाई हैं, कौन सुनाएगा भाई अपनी कहानी? ओजस ने तो अभी एक स्टोरी सुनाई, ओजस की तो हो गई ना, रजत रजत हाँ। है भाई, अगर मैं, हेलो आ रहा है वॉइस? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी आ रही है। दोनों को नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं अगर सुना दूंगा ना तो मे बी कंपनी मुझे केस ठोक देगी और रात में। क्यों मतलब आप इसमें हो ना माइक्रोसॉफ्ट में, तो बिल गेट्स का भूत है क्या मतलब, या उसकी बीवी बीवी का किसी का रिश्तेदार का उसके? नहीं रजत भाई आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी अल्ट अकाउंट से आके सुना सकते हैं। हाँ यार मतलब मत रिस्क मत करो। कोई दूसरे अकाउंट से आकर के सुना दो आप। और जब भाई रजत ये आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो इतनी बड़ी ब्रांड में, तो जब आपको यही बोलना था तो आप डीपी चेंज करके आते? नहीं तो नाम नहीं बताते कंपनी का? नहीं अगर ये है ना क्रॉस है मतलब ये जो मैंने लिया है ब्लू चेक मार्क, सो डीपी चेंज नहीं हो सकता। ओ हाँ ओके हाँ ये तो नहीं, ऐसा नहीं है मतलब जो अभी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, पहले 100 एकड़ कुछ लैंड था ठीक है, अभी जो 20 एकड़ ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है ना ऑफिस वालों ने किया है, मतलब ज़्यादा एरिया स्पेस ऑफिस थोड़ा और बड़ा होने के लिए, सो वो जो ऑफिस बन रहा है ना वो 20 एकड़ का ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला वो थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा जी अभी रिसेंट मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं अभी रिसेंट जो हमने जो एक फ्लैट चेंज किया ना, हम 5 लोग हैं, तो वहाँ पे ना भाई मतलब अजीब है पूरा। अब ऐसा नहीं मतलब आप रात के 9 बज गए, अर्ली नाइट की बात कर रहा हूँ मैं, 9 बज गए ना, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे माहौल थोड़ा ठंडा 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 आपको फील होगा कि हाँ ये भाई अपार्टमेंट गलत है, ऐसा होता है क्या? होता है भाई किसी किसी जगह पे ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं कि आपको ऐसी वाइब्स आती हैं,
नहीं आप डीएम कर सकते हैं तो हम उसको यहाँ अगर कोई इंसिडेंट कोई इंसिडेंट हो धन्यवाद चलिए थैंक यू भाई अभी कौन सुना रहा है भाई हाँ युला ने मुझे एक मैसेज किया था युला भाई आप सुन रहे हो क्या उन्होंने तो ये कहा था ना कि उनके पास नेटवर्क नहीं आता मैं स्टोरी भेज दूंगा आपको भाई उन्होंने बहुत मतलब समझो कि मुझे लगता है कि अगर पेज पे लिखोगे तो कम से कम 6-7 पन्ने की स्टोरी भेजी है मुझे अच्छा हाँ बहुत बड़ी स्टोरी है तो हाँ भाई आप सुन रहे हो क्या युला रेट करते जाना मैं जब तक हाँ चलो कोई नहीं नीरज सिंह आप सुन रहे हो क्या नीरज भाई हाँ केशु भाई कैसे हैं आप बढ़िया मैं एकदम अच्छा हूँ बोलिए अच्छा केशु भाई मेरे पास एक स्टोरी थी मतलब मैंने सुनी हुई स्टोरी है गुड़गांव की है ये एक्चुअली एक बहुत ही फेमस स्टोरी है तो मैं बता देता हूँ अगर सबने सुनी है तो फिर नहीं सुनाऊंगा तो ये स्टोरी बेसिकली एक लड़की की है जो गुड़गांव में एक MNC में काम करती थी उसके रिगार्डिंग है तो मैं ये वाली स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ अगर नहीं सुनी हो तो सुना देता हूँ मैं सुनाइए भाई सुनी भी होगी तो हम बोल देंगे बीच में गए तो सुनिए तो क्या होता है कि गुड़गांव एक्चुअली जो था ना पहले बहुत ही खाली एरिया था तो यहाँ पे क्या हुआ अचानक से थोड़ा डेवलपमेंट चालू हुआ और बहुत सारी कंपनियां बननी शुरू हुई तो उस टाइम पे कॉल सेंटर्स आए स्टार्टिंग में सबसे 2002 के आसपास में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था गुड़गांव में तो वहां पे कॉल सेंटर था और उस कॉल सेंटर में जो एक लड़की थी वो काम करती थी तो वो अपने कॉल सेंटर में बोलते हैं कि वो लड़की का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कंटिन्यू उसको जो होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वो वाले अवार्ड्स मिले थे उसको इतनी सही बंदी थी वो तो उसकी टीम लीडर उसके मैनेजर सब उसको बहुत बहुत ही फेवरेट थी वो सबकी तो चूंकि उसका काम कॉलिंग वाला ही था तो एक दिन क्या हुआ कि उसका ना एक कॉल आया और वो उस कॉल पे कम से कम 2 घंटे थी नीरज भाई आपका माइक अनम्यूट कर लो गलती से म्यूट हो गया था कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये काफी ओल्ड स्टोरी है और लोगों ने सुन रखी है अच्छा ठीक है फिर मैंने सुना था ये वाली हाँ ये मैंने भी सुनी है किसी ने मतलब हमारे स्पेस में सुनाई थी किसी ने स्टोरी अच्छा हाँ वो बेसिकली उसमें यही था कि वो जो लड़की थी वो मतलब गायब हो गई थी काम करते वक्त फिर उसके TLVL सबने उसको ढूंढा तो वो मिली नहीं वो बकायदा रिकॉर्ड में थी सब कुछ था तो बाद में उसके TL ने बोला कि उसके घर पे जाके पता करो तो जब उसके घर पे गए पता करने के लिए तो पता चला कि ये लड़की तो ऑलरेडी उसके घर वाले ने बताया कि 7 साल पहले ये तो उसकी डेथ हो गई है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था इन सारी चीजों पे तो फिर बाद में यही पता चला कि गुड़गांव में वो जो बिल्डिंग बनी थी उसके नीचे मतलब बहुत सारी लाशें वाशें जो गड़ी थी तो उसकी वजह से शायद ऐसा कुछ था ठीक है केशु भाई यही स्टोरी थी मेरे पास ठीक है नीरज भाई ओके थैंक यू सो मच सैफ आप सुन पा रहे हो क्या मुझे भाई कुछ और सुनाओ डर नहीं लग रहा बक भोसड़ी के हाँ मैं कह रहा हूँ कि सैफ भाई आपको आवाज आ रही है क्या हाँ भाई मुझे आ रही है आवाज भैया आपके पास कोई स्टोरी है क्या जो आप सुनाना चाहते हैं हाँ मैं 5 मिनट में सुनाऊंगा ओके भाई ठीक है सतीश चौधरी भाई आप हो क्या राम राम भाई हम सब बढ़िया आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो भाई ये किसके माइक पे इतना डिस्टरबेंस है हेलो सतीश बोलिए सतीश सतीश का तो मैंने रिमूव कर दिया भाई इसीलिए हाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे हाइजनबर्ग हैं हाइजनबर्ग आपको आ रही आवाज हाइजनबर्ग अनम्यूट करके बोल सकते हैं भाई आप अगर आपके पास स्टोरी है तो चलिए रिमूव करिए भाई जो नहीं बोल रहे उनको रिमूव करो हाथों हाथ मोहम्मद वसीम आपको आवाज आ रही मोहम्मद वसीम भाई अनम्यूट करके अपनी स्टोरी सुना सकते हैं आप अगर आपके पास है तो स्टोरी
मैं ही सुना देता हूँ। ओके हाँ जी आप ही सुनाइए भाई, इनको भी रिमूव कर दूंगा मैं। एक्चुअली मैंने मेरे को ये स्टोरी मेरा एक दिल्ली वाले फ्रेंड ने बताया था। दिल्ली और गुड़गांव जाने के रास्ता में ना, मतलब एक कोई मतलब जगह है, ठीक है, एक 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 बंदा था जिसका बिजनेस था, उसका बिजनेस में ना काफी लॉसेस हो रहा था, मतलब नुकसान बहुत हो रहा था। तो उसको ना एक मतलब जो काला जादू वगैरह, जो पाखंडी वगैरह नहीं होते जो करते, तो उसने बोला कि ये जगह है दिल्ली टू गुड़गांव के बीच, वहां पे मतलब एक मतलब पुराना घर टाइप है, उसमें एक औरत रहती है, वहां पे तुम जाओ, तुम जाके बोलो तुमको क्या चाहिए, और बदले में वो तुमसे कुछ मांगेगी। और लेकिन इसने पहले क्या मांगी कि वो नहीं बोलेगी, वो कुछ भी मांग सकती है, ठीक है, तो तुम जाके कुछ भी बोलना तो वो बदले में तुम्हारा काम कर देगी। तो वो गया उसके पास, तो उसको जाके बोला कि मेरा बिजनेस में ये सब लॉस हो रहा है और मेरा जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, तो इसको प्लीज दोबारा से ये कर दो। तो उसने बोला ठीक है जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने तब उससे कुछ नहीं मांगा, तो वो वापस गया, फिर जो उसका बिजनेस ठप हो गया था वो दोबारा अच्छे से चलने लगा। ओके, उसके जितने क्लाइंट्स वगैरह थे सब उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो उस वो जो औरत थी ना, उसने उसको बुलाया था कि तुमको कुछ दिन के बाद मेरे पास आना है जब तुम्हारा वापस से कारोबार वगैरह चलना चालू हो जाए। तो वो बंदा गया नहीं, तो जैसे वो नहीं गया ना, तो वापस से उसका लॉस होना चालू हो गया, मतलब वापस से उसका बिजनेस ठप होना चालू हो गया। तो वो दोबारा गया उसके पास, तो जब दोबारा गया तो उसने बोला, उसने एक मतलब कि एक ग्लास दिया और बोला तुम इसमें अपना खून दो, और वो भी अच्छा खासा बड़ा ग्लास था, उसने उससे खून मांगा अपना, तो उसने खून दिया अपना वहां पे, ठीक है। उसके बाद वो गया, वो दोबारा वहां पे गया तो वो ठीक हो गया, लेकिन वो औरत उसको हर वीकली बुलाती थी कि हर वीकली उसको जाना है और जाके उसको अपना खून देना है। अब आप सोचो एक बंदा के बॉडी पे कितना खून होता है, तो वो हर वीकली जाके उसको वहां पे अपना खून देता था, ठीक है, और उसका काम बिजनेस वैसा चलता था। आहिस्ता आहिस्ता एक महीना हुआ, दो महीना हुआ, और तीन महीने के बाद ना वो काफी वीक हो गया, मतलब एकदम आप सोचो ना, तीन महीना तक वो डेली हर वीक अच्छा अच्छा खासा एक बड़ा ग्लास में अपना खून दे रहे, तो वो काफी वीक हो गया। तो उसने डिसाइड किया ना कि वो अब और जाएगा नहीं उसके पास, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो वो उसके पास गया नहीं, वो नहीं गया ना, तब भी उसका ख्याल आता था नींद में, कुछ भी वो सोच रहा है वहां पे भी उसका ख्याल आ रहा है, वापस उसका बिजनेस ठप होना चालू हो गया, ठीक है। तो फिर वो वापस दोबारा गया वहां पे, वो वहां पे खून दिया और वो वहीं पे मतलब कि, और वो वहां से आ नहीं सका, वहीं पे मर गया, क्योंकि वो कमजोरी इतना हो गया था, नहीं जाता तो कोई और चॉइस भी नहीं था। तो अभी भी ये बोला जाता है वो औरत उसी रास्ते पे रहती है कहीं, और कोई उसके बारे में अगर सोचता भी है ना, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो बोला जाता है उसको पता होता है, अगर कोई उसका बात सुन भी रहा है या कोई उसके बात कर भी रहा है, वो औरत को पता रहता है, वो अभी भी वहां पे रहती है, पता नहीं अब वो क्या चीज है। तो यही एक चीज था कि मतलब ऐसा ऐसा मतलब होता है, वो काम कर देती है लेकिन बदले में खून मांगती है। अगर अगर आप इतना खून देते जाओगे तो वही बात है, एक बंदा के बॉडी पे कितना खून होता है। तो यही एक बात था, तो उसके बाद वो बंदा और बचा नहीं, और वो औरत अभी भी वहीं रहती है, और जो उसका बात करता है उसको पता रहता है, या जो सुनता है वो भी उसको मतलब की पता चलता है। अच्छा भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी के लिए। तन्मय भाई, मैं ऑडिबल हूँ आप लोग को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक्चुअली मेरे पास दो स्टोरी है, मतलब मुझसे रिलेटेड है, मैं वाराणसी से हूँ। तो एक मेरी बचपन की है कि जब मैं लाइक तीन साल का था, हेलो हाँ जी हाँ, तो लाइक मैं जब तीन साल का था तो मैं ऐसे सोया हुआ था अपने रूम में, और मेरे को पता नहीं था काफी एक मिनट रुको, तन्मय भाई सुनो, अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं ना तो उसको निकाल दो, और आपके फोन लो, मैं बाद में सुनाता हूँ, इसके नेक्स्ट पास सुनाता हूँ मैं। ठीक है भाई।
डॉक्टर श्रीराम बिश्नोई भाई, आप हो क्या यहाँ पे? डॉक्टर श्रीराम बिश्नोई, आपको आवाज आ रही भाई? अनम्यूट कर दीजिए आपको माइक, दो तीन बार ऐड किया है इनको मैंने, इनकी बार बार रिपीट कर दिया। रुद्र आपको आ रही है क्या? आपका थोड़ा सा माइक सही कर लो। अरे यार इको इनकी माइक में भाई नीचे। नहीं आ रही यार कोई बात नहीं, वापस ज्वाइन कर लो, मैं नए लोगों को ऐड कर दो भाई, इतनी सारी रिक्वेस्ट पड़ी नीचे। ओके एसबी, आपको आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। ओके तो आप जो स्टोरी सुनाना चाहते हो सुना सकते हो भाई। ऊपर नीचे हो सकती है, बस कहानी रियल है तो थोड़ा ना नीचे जो अगर कोई बच्चे हैं तो मजाक वजाक मना ले, सही नहीं रहेगा भाई। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, पहले ही बता दूं ये स्टोरी का मजाक मत उड़ाया करो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ये ऊपर नीचे बहुत बार पड़ जाती है चीजें, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं। हां पहले ही उन्होंने कर दिया, किसी का जो भी लिखता है उल्टा सीधा वेलू, खासकर से तू लिख रहा है, जब से देख रहा हूँ कल से तेरे ऊपर कोई भूत चुड़ैल लग जाती है, उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, मतलब ना इसमें दो किरदार के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। एक हमारे आज से 30-40 साल पहले, मैं नहीं था पापा के समय की बात है, डेथ मतलब पहली बार किसी ने सुसाइड कमिट की थी गांव में। उन्होंने मतलब ऐसी कास्ट में शादी की, तो गांवों में ब्राह्मणों का गांव है तो अलाउड नहीं होता था ये सारी चीजें, तो मोटा मोटा कहते थे उनसे। तो गाँव आए तो उन्होंने क्या कहते हैं फांसी लगा ली पेड़ पे। तो पहले जब ना तो ऐसा कुछ था कि टॉयलेट वॉयलेट थे लेटरिंग वेटरिंग करने के लिए, तो लोग जाते थे खेतों पे। तो उन्होंने ऐसा पहली बार देखा कि किसी ने सुसाइड करी है और आंख बाहर है, और मतलब वजन 150-200 मतलब अच्छा 120-150 के किलो था उनका करीब। ठीक है, तो वो कुछ दिन चला तो पूरा गांव साथ सोने लगा, और वो मतलब गांवों में कुत्ते मरने लगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी जिनसे सब परेशान होने लगे। तो उनको थोड़ी जगह दे दी गाँव के अलग और उनको रहने दिया। तो भी थी अभी मैं जब ग्रेजुएशन पास आउट कर रहा था फर्स्ट ईयर में, तो एक चाचा हमारे एक और डेथ हुई जहाँ पे चाची पकड़ ली उनके पति ने, ऐसा कुछ हुआ था और उनकी मतलब गर्दन काट दी फावड़े से। आज वो आदमी जेल में, एक चाची मतलब चाची बोलते थे गांवों में, जैसे सभी औरतों को चाची बोल दिया जाता। तो जैसे ही पता चला मैं चौपाल पे बैठा था, मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंचता हूं, तो मैं देख रहा हूं 9 मीटर दूर एक डेथ बॉडी है और सारा खून खून हो रहा, और वो बॉडी की मतलब अलग लाश पड़ी है और अलग मुंडी पड़ी है। सारी फैमिली थी मतलब और भी लोग थे गांव के, तो हमने देखा तो हमारे लिए काफी अलग था। पहली बार किसी ने ऐसा कोई मर्डर कमिट किया, थोड़ा साइकोपैथ वाला, तो पुलिस ले गई उसको। तो मैं काफी स्ट्रेस में आ गया, एज ज्यादा नहीं थी 18-19 साल एज थी। घर आया पहले दिन सोया, ये भी कुछ यूनिक हो गए गाँव के बच्चों ने देखा नहीं, अभी भी 15-10-5 साल पहले की बात है। अगले दिन सोता हूँ, उससे अगले दिन कोई मूवी देख रहा था रात में, तो मतलब देखता हूँ पर्दे के साइड में कुछ ना कुछ एक चीज हुई है, तो रिएक्शन एक साथ निकला। फिर मेरी मतलब ऐसी की तैसी होगी भाई, कुछ ना कुछ कहानी खराब है। फिर दोबारा पर्दे के साइड में से मुझे कुछ आवाज सी आ रही है, कुत्ते वत्ते भौंकने लगे, तो और ऐसी की तैसी हो जाती है कि आप दिमाग में आपके में वो चल रही है कि हाँ परसों डेथ हुई है, और ऐसी डेथ हुई है कि सोच भी नहीं सकते आप। जब अगर लाश की मुंड अलग हो पड़ी है बॉडी, और वो कुछ अलग सा ही सीन, तो मैं स्ट्रेस में सो गया रात को 3 बजे, भारी डर में ना नीचे जाऊं ना ऊपर जाऊं, बस मैं कमरे में पड़ा हूं रहा। मुझे ये लग रहा मैं कैसे भी नीचे पहुंच जाऊं, बट मैं जा नहीं रहा हूं और मैं लौट गया हूं। तो रात को ऐसा हो रहा सपने में, बिल्कुल सोता जा रहा हूं। उस वक्त ऐसा लग रहा कोई साइड में बैठा। धीरे धीरे जैसे सो गया हूँ तो मुझे दोबारा वहीं वो अपने साथ उसी जगह ले गई है सपने में, साइड में बैठ के चलो। और मैंने पर्टिकुलर पूरा सिनेरियो देखा कि वहां कैसे हिसाब से रस्सी से उसको बांधा गया और कैसे उसकी गर्दन काटी गई है, वहां क्या क्या सीन हो रहा। सुबह उठाऊं तो बिल्कुल कम पसीना पसीना हो गया हूं, पूरे दिन ऐसे बिता दिया। अगले दिन फिर रात को एक कहानी हो रही है कि बाहर ट्रैवलिंग चल रही है थोड़ा सा, 2-3 बजे चाचा के पास आके सो गया हूँ डर के मारे, साइड में बैठी है बिल्कुल, मैं सोया पड़ा हूँ बिल्कुल आवाज आ रही है चलो। मैं दोबारा साथ पहुंच गया हूँ, दोबारा वही सिनेरियो देख रहा हूँ सीधा सीधा कि ये सारी चीज हो रही है।
अब स्ट्रेस बन गया, चार पांच बंदों को अपने दोस्तों को सब बता रहा हूँ कि यार बड़ी परेशानी हो रही है, वो चाची अब जो डेथ हुई है 2-3 दिन पहले, रात को डेली दिमाग खराब हो रहा है, वो इसे नहीं जो दिख रहे हैं, सपना भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बताया चलो कोई बाबा जी के पास ले चलते हैं, सालों के चक्कर में पहुंच गया मैं उनके साथ ही। तो रात को 2-3 बज रहे शमशान पहुंचे गए, हाँ वो बाबा से बात हुई है, वो अपने थ्रू हमें अपने साथ ले जा रहा, ध्यान दिया नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, जब इतनी क्यूरियोसिटी भी होती थी कि हाँ देख लेंगे कुछ हेल्प कर देगा, तो पहुंच गया हूँ। अब साथ में 2-3 दोस्त भी हैं, तो बाकायदा भाई वो तो अंदर जैसे तांत्रिक घुसा शमशान में, वो तो राख मले अपने और बहुत सारे चीज करे, अब हमारे ऐसे तैसे यहाँ रहना नहीं है बहन, कुछ और ही कर रहा। तो उसने तो अपने बॉडी में से ही जो चेता भी तानी जलती फिर की भाई, उसमें से ही राख उठा रहा, वो तो राख मंड रहा अपने पूरी बॉडी में और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहा। अब डर लग गया, हम चलो यहाँ से भैया यहाँ से निकलो, ये तो कुछ और ही कहानी है, मदद नहीं करेगा ये तो कुछ और फेरा देगा आदमी को। उठे वहां से, उसने कह दी गाड़ी तो हिलेगी नहीं, कार की कोशिश कर रही, धक्के मार ली कार नहीं चल रही, और उसने तो जिस जिसके सिर पर हाथ रखे तो चारों में ऐसा उसने तो वो बॉडी से दिखा दी हमको कि हाँ यहाँ तो आसपास चीजें घूम रही हैं, आप जिस जगह खड़े हो, रात को तो पेड़ भी आवाज करते हैं चर चर चर, मतलब बहुत जब अंधेरे में और बिल्कुल ऐसे जगह पहुंच जाओ जहाँ कोई भी चीज नहीं है, पेड़ आवाज कर रहे हैं और मेरे दिमाग में 3-4 चीजें चल रही हैं, वो कहानी चल रही है वहां डेथ हुई है 3-4 दिन से, पसीने पसीने हो गए, उठने की इच्छा हो रही है, भागने की इच्छा हो रही है पर भागा नहीं जा रहा ना, उठने की मतलब वहां से निकला जा रहा, बाहर कदम रखा तो कुत्ते भी इकट्ठे हुए पड़े हैं और साले रो रहे हैं तेज तेज, और गाड़ी चला नहीं सकते, अब तुम फंस चुके हो। उस टाइम हमें लगा कि अब कहानी खत्म है, जहाँ तुम आ गए हो ना परिवार है पता, रात को 2 चूतियों के चक्कर में यहाँ आ गया उनके साथ कि यहाँ कुछ मदद मिल जाएगी, जो 2-3 दिन से कहानी चल रही है गाँव में। उसने अब साथ बैठा ली है अपने, तो उसने पहले मतलब एक तो उनके चक्कर में आ गया कि हाँ वो कह रहा अब तुम्हें मैं सिद्धियां देना चाहता हूँ, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता, तो दो बोल पड़े हाँ हम कर लेंगे सिद्धि, चार उसने मुझे भी दी, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं स्पेस है ऐसी जगह ही नहीं है डिस्कस करने का, ये सब चार चीजें उसने मंत्र वंत्र मुझे भी बताया। उसने बताया गांव में कोई डेथ हुई है, मैंने कि हाँ चार कुत्ते मर गए, मैंने कि हाँ रात को तेरे पास आ रही है, हाँ 4-5 लोगों के पास वो चीज और भी गई है, तू अकेला नहीं है, तेरा भी रिएक्शन निकला तो एक तरह से तूने उसमें उत्सुकता दिखाई तो तेरे पास आके बैठ गई है, उसको इस समय मदद चाहिए, ना उसको जगह दी है ना उसको क्रियाक्रम मिला है, और उसके साथ युवती के साथ अच्छी थी, बहुत गलत चीज हुई है। मैंने हाँ में हाँ मिलाई, मैंने कि हाँ अच्छी तो थी स्वभाव की, पर पति तो जेल में है, उनको क्यों नहीं परेशान कर रही है, मुझे गाँवों के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा। तो बोल रहा है कि उन्होंने तो अपने घर के बाहर नक्कस वक्कस और धागे पूरा सीन करवा लिया है, और उसकी जो आने मतलब सास है कुछ टाइम में उसको वो तो अपंग होने वाली है, और पति जेल में ही रहेगा, और उनके घर को इसलिए अटैक नहीं कर रही है, और सारे गांव में वो इसलिए मंडराती डोल रही है। वो रात को भी जो तू पर्दे के पास जो तेरा एक साथ तूने उत्सुकता दिखाई कि कोई चीज आई है मदद मांग रही है, तो तूने उसके साइड देखा, इस वजह से उसे लगा कि ये तो कुछ तेरी हेल्प कर पाएगा, और तू पहला शख्स था जो वहां पहुंचा था बॉडी के पास। मैंने कि हाँ आप सही, फिर तो बात मैं जब आपकी बात कोई करने लगता सुनने लगता कि हाँ आप किस मन की बात कह रहा, तो आपको लगता सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हो रही हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है बंदा। तो मैंने भी उसकी मतलब बात में विश्वास कर लिया, आजकल भी बाबा जी काफी हैं उसी तरह से। तो 2-3 चीजें उन्होंने मुझे भी बताई, 3-4 चीजें और दोस्तों को बताई, एक उनके चक्कर में पड़ गया मैं तो सिद्धि लूंगा ही लूंगा। तो भाई वो कुछ पेठे किसी सेब का निकालता है और उसमें उल्टी कर देता जब कि सिद्धि और गुरु बनाना तो उसका पहला नियम है, मैं अगोरी मुझसे दीक्षा लो, ना मुझे कोई पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, 40 सिद्धियां दूंगा, 40 सिद्धियां पालोगे तो किसी पे भी विजय मतलब मन पे तन पे धन पे और जीवन से तुम्हारा वो उठ जाएगा इन चीजों से जो मेटलिस्टिक चीजें हम मानते हैं। मैंने कि मेरे को तो बहन चो ना सीखनी, उल्टी देखती तो पसीना पसीना, एक तो बेहोशी होगा साला देख के, दो था उनमें से एक तैयार हो गया कि हम मैं लगातार 40 दिन तक आऊंगा, 40 सिद्धियां पूरी लूंगा। हम कैसे कैसे उसने वहां से छोड़े, 2-4 चीज उसने मुझे बताया कि हाँ कल से तुझे तो परेशानी नहीं होगी, नेक्स्ट डे मैं पहुंचना हूँ घर, ठीक है। मैंने घर तो किसी को डिस्कस किया नहीं है, कोई बात करने की नहीं थी कि मैं कहीं रात को गया हूँ मारते, और 2-3 दिन सोए रात को भाई। अब एक सुबह 4 बजे उठने की हमेशा से आदत थी, सुबह 4 बजे उठ के जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ चौपाल पे 4 कुत्ते सीधे स्ट्रेट में मरे हुए हैं,
अब डेली ये कठिनाई, पुलिस वुलिस बुलाई, पुलिस को बताया कि गांव में अजीब और गरीब चीजें हो रही है, कहीं पशु मर रहे हैं, कहीं परेशानी लोग महसूस कर रहे हैं। तो पुलिस ने भी 2-4 दिन पहरा दिया, तो पुलिस वाले भी अब क्या ही करें, पहरा दें उनको भी, हवा तो ऐसी है, हवा घूमने लगती है तो फिर ये और भी चीजों को खींच लेती है, चला मतलब जो भी हम चीज सुनते हैं वो झूठ तो होता नहीं है, तो इन चीजों का स्पेस बनता, तो मैं इसलिए आता भी नहीं, मुझे लगता डर। तो ठीक है, ये पुलिस वाले भी बहुत दिन पहरा दिया उन्होंने भी, एक दो पुलिस वालों ने भी ये अप्रिय घटना मतलब देखी अपने पास, कुछ ना कुछ होता हुआ, कभी पेड़, कभी आवाज आती हुई, कुछ ना कुछ चीजें होती हुई, पीछे से कुछ हो रहा है मतलब। फिर तो ऐसा होने लगा कि सब अपनी परछाई से भी डरने लगे, पूरे गांव में ये स्थिति मतलब धीरे धीरे उत्पन्न हो गई। एक दिन मैं खेतों पर जा रहा था, फिर दोबारा मैंने मतलब वो थोड़ा देखा, पर मैंने कुछ वो मंत्र गया वो मंत्र सा पढ़ा तो मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ। बट फिर सिनेरियो ऐसा हुआ, जो 40 साल पहले वो जिसने सोसाइटी कमिट की थी वो भी मतलब गांव में प्रवेश आ चुका है, और दोनों साथ उन्होंने उत्पंग मचाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को जैसे भागने लगते हैं तो भागने लगते हैं, पड़ोस में औरतें 2-3 कभी रात को उन पर चढ़ती हैं, तो वो तो रो रही हैं, रोए तो वो इतना रोए, रोता ही चला जा, रोता ही चला जा, हंसे तो इतना हंसे कि हंसता ही चले जा, हंस। और ऐसा वाला रोना नहीं जो भांग के पीट गया होता है कि हा हा हा, या हू तेज तेज हूँ जैसे कुत्ते रात को रोते हैं, इस तरह की कुछ रो भराट गांव में मतलब चीजें होने लगी। तो सुबह और भी मतलब मेरी बहन, उसने देख एक उसके साथ भी ऐसा ही, वो सुबह उठ रही है 4 बजे, उसने देखा कि भाई पर्दे के यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ अब इच्छा हो रही है, उसने भी सपने में देखा, तो वो भी सीधी वहीं पहुंच रही है कि हाँ। तो सबने मतलब एक एक वो अपने सपने या अपने किसी ना किसी तरह वो डेथ देख ली, शायद वो कुछ डेथ के बारे में करना चाह रहे थे। तो बाद में पुलिस वालों से भी कुछ बात नहीं बनी, तो कुछ बाबा और कुछ चीजें हमने योगदान करी, गांव ने मिलकर सुझाव लिए, 2-4 तांत्रिक और चीजें बुलाई, तो उन्होंने बताया इनको कोई जगह चाहिए, तो उनकी जगह का फिर सॉल्यूशन करा और एक पर्टिकुलर जगह उनको दे दी गई कि हाँ यहाँ पे अब इनको स्थान दे दिया, अब ये परेशान गांव को नहीं करेंगे। तो अभी 2 साल पहले मेरी चाची एम फेम अब तो घर की ही वो है, हम शादी वादी से आ रहे थे, तो वो पैदल 100 मीटर तो घर जब रह जाता तो उतर गई, और हम अपना कार से मैंने कार पर पार्क करी, तो कुछ ना कुछ चाची के साथ एक्टिविटी हुई उस रात, वो घर आ गई, मैं भी आ गया। अगले दिन मैं घर आता हूँ तो भाई 1/2 किलो रसगुल्ले ले आइयो, मैंने कि चलो ले आऊंगा, अगले दिन मैं 1/2 किलो रसगुल्ले ले गया, फिर अगले दिन फिर 1/2 किलो रसगुल्ले ले आइयो, मैंने कि ठीक है ले आऊंगा, 1/2 किलो रसगुल्ले चाची डेली खाने लगी। 3-4 दिन तक ये सिलसिला चला, मैंने कहा चाची के गल को परेशानी तो नहीं, डेली 1 किलो 1/2 किलो रसगुल्ले न मांग रही है। मेरी जब सगी चाची है वो तो एक गांव की थी, तो अच्छी मतलब स्वभाव की काफी अच्छी नर्म सारी चीजें, चाची में कोई मतलब कमी नहीं हमारी में जो बीच वाली चाची। तो मैं तो यहाँ से गुड़गांव रहता हूँ, तो गुड़गांव आ गया वो चाची गांव में, तो मैंने रात को एक सपना देखता हूँ, मुझे ये आभास हो जाता आज अब मतलब ऐसा है मेरे साथ सीन के मेरे आसपास या साइड में कोई चीज है, तो अब मुझे आभास हो जाता है कि कोई चीज घूम रही है, बस मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ। तुम्हारे भी जैसे आसपास अगर वो तुम्हारे ऊपर है, यहाँ भी जितने स्पेस में बहुत बार उनके साथ भी कि किसी को मदद पड़ जाए रात को, ये चीजें होती हैं, एग्जिस्ट सब करता है जिसका नाम है। तो जैसे अब केसेस हो रहा है या कोई भी फिर केस हो रहा है, तो मतलब इनके भी आसपास कुछ हो सकता है, बस ये कि रिएक्शन दें ना दें, ऊपर नीचे कहीं भी मतलब वो आपको रिगार्डिंग है कि किसी को मदद पड़ रही है, बस ये बिलीव अंधा ना करें कि कुछ नहीं है, सब कुछ है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो हाँ मैं कहा था चाची, अपनी चाची पे, तो मैं नेक्स्ट डे गुड़गांव आ गया, तो सुबह सपना आ रहा मतलब कि रात चाची बहन के यहाँ, हमारी बहन वहाँ रसगुल्ले और पेप्सी खा रही पी रही है। तो हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि लड़के हुए यहाँ खा पी लें, अभी कल्चर वो वाला इतना वो कल्चर आया नहीं, थोड़े कस्टम कल्चर गांव वाले ही हैं। तो मैंने कह ये तो कुछ अलग है, वहाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर का मतलब मम्मी आए पापा चाची बहन के यहाँ कुछ खाए आए, कोई मतलब ही नहीं, कुछ अजीब सा लगा। लास्ट ग्रेजुएशन का लास्ट एग्जाम था, मैं सुबह गांव पहुंच रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि चाची ने अपनी क्या कहते हैं चूड़ियों से हाथ बात काट लिए हैं, और चाची हॉस्पिटल में, मैंने मम्मी से पूछी क्या कहानी हुई रात सपना सा आया, मम्मी ने कि पता ना भैया हम रात को सभी बैठे थे साथ में चाय वाय पी रहे थे, गाँव की लेडीज आई हुई थी, तेरे चाची की तुझे पता किसी से फालतू बोला भी नहीं, अचानक कुर्सी पर से उठी है और सीधी भागी घर कमरे में,
और कमरे में एक गलत तेज तेज हंसना, मतलब कि अल्लाह हाथ मारना शुरू कर दिया, चूड़ी वूड़ी टूट रही और आवाज आ रही है। और हम चार पांच लेडीज थी, हम पहना गेट भी खोला और चार पांच पे अकेली मतलब बिल्कुल भारी पड़ गई आज तो। और मेरे से तो आज तक फालतू ना बोली है पूरे जीवन में, बस हमें सम्मान करा। आज तो कप वप सब फेंक दिए, प्लेट व्लेट, और कौन दीदी और कौन जेठानी कुछ नहीं पूछा। उसके बाद क्या कहते हैं, ठीक है ये सारी कहानी सुने मैंने की कुछ ना कुछ तो भाई बड़ी परेशानी है, तो उस परेशानी को सॉल्व करो। अब ये डॉक्टर सोच रहे हैं कि ये तो दहेज उत्पीड़न या ऐसा कोई मामला, डॉक्टर्स तो वो ही मानेंगे, बट थोड़ा सा कनेक्शन बैठाया, उनको समझाया, जब वो नर्स पे भी थोड़ा सा हा हु मतलब इस तरह से मतलब उनकी माई घूरने लगी और ग्लूकोज व्लूकोज फेंकने लगी, तो उनको भी लगा कि ये कुछ और चीज है, साइंस वाली चीज है ही नहीं। उन्होंने वहां से पट्टी वट्टी करके घर भेज दिया, दो तीन दिन नॉर्मल रही। अब उन्होंने पूछा, उन्होंने कुछ किया क्या, मैंने उल्टा सीधा, हमने कि नहीं नहीं अपने आदमी को कौन बताता, हमने कि बिल्कुल कुछ नहीं किया वैसे ही, बट आपने अपने चोट लगा ली, आप सीढ़ियों से गिर गई थी, जब ऐसे उनको बताया नहीं कि आप ये सारा कुछ हुआ। तो चार पांच दिन ये चीजें चली, ठीक है मैं दोबारा शिफ्ट हो गया, घर के बच्चे थोड़े डरने लगे, तो घर के बच्चे भी अलग अलग हमने रिश्तेदारों में भेज दिए। तीन चार दिन बाद देखने फिर दोबारा चाची के साथ शाम रात को एक गल हंसना उन्होंने शुरू किया, उनपे मतलब कोई ना कोई तो चीज थी, अब ये नहीं पता था क्या था। सबने कनेक्शन बैठाया कि वो जो चाची जिनकी डेथ हुई थी, गर्दन वर्दन काट दी थी फाफड़े से, वो ही है उन्हीं का, मतलब कोई ना कोई उनका सीन है, बट ऐसा था नहीं, बट हमने ये अंदाजा लगाया। तो ये सारी चीजें हो रही थी डेली, चाची कभी कुछ कर रही है, कभी कमरे में भाग रही है तो वहां चूड़ी बूढ़ी कर रही है, कभी क्या कह रहे हैं अपनी चुन्नी बांध ली है गर्दन से और मतलब अंदर कंबल के बंद कर लिया कंबल, वो कमरे में जा रहे हैं चीजें उखाड़ रहे हैं तो देख रहे हैं। और हाँ भाई परेशानी परेशान, हॉस्पिटल जाना और ये हमारे मतलब रेगुलरिटी में घर में ये चीज हो गई कॉमन। एक मुझको लाड़ लड़ा रही थी उस टाइम पे, और मतलब किसी से बात पहचानना बंद कर दिया, मम्मी को चाचा तक को पहचानना बंद करती, अपने बच्चों से कहने लगी है किसके बालक है मजदूरों के, ना यहाँ घर में मत कुछ नहीं तो। और कुछ अजीब ही होगी, बिल्कुल साइकोपैथ से साउंड करने लगा, जो ज्यादा डॉक्टर है समझदार आ जाते हैं तो वो डिप्रेशन में है या फिर साइकोपैथ है ये सब कहने लग रहे, तो कहानी गांवों में तो कहानी बनने लगी। एक दिन वो थोड़ा सा उन्होंने सही महसूस करके दिखाया, तो हम उन्हें ले गए अपने साथ शादी वादी में ले गए, शादी में से खा के आ रहे तो ड्रेस तो सभी अच्छी पहनते ही है, तो बाबा चौपाल पे बैठे थे, जैसे ही गाड़ी से उतरे तो चाची एक साथ भागती हैं, 100 मीटर है हमारे घर से चौपाल हमारे गांव की, और वहां तेज तेज जैसे गरबासा होता ऐसे उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, तो नाच रही है पूरी तेज तेज, मतलब पूरा गांव देख रहा और बीच में एक औरत नाच रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की स्थिति उस टाइम घर की हो गई, कि क्या हो रहा, पहला आज तक देखा नहीं, और तेज तेज हंसना, पिताजी हमारे यहाँ ससुर को पिताजी बोलते हैं, तो पिताजी पिताजी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तो मतलब मम्मी अम्मा सभी मतलब बिल्कुल ही पसीने पसीने में हो गए, बिल्कुल सबके हाथ पाथ सब, कहानी बिल्कुल खराब, मैं भी बिल्कुल किसको समझ नहीं आ रहा क्या होगा, रो रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। फिर वो उन्होंने वहां से बेहोश होके लास्ट उनका ऐसे होता था वो मतलब कंट्रोल में, मैं तो खूब अच्छा जिम विम पहलवानी के बाद हमारे गाँवों में भी ठाड़े बच्चे हैं खूब कोशिश कर लेते थे, किसी के कंट्रोल में आते नहीं थे, लास्ट कंट्रोल यही होता था कि वो बेहोश होकर गिर जाए, तो वो बेहोशी का इंतजार करते थे कि हम कब तक, थोड़े दिन ही थोड़ी देर तक ये करेंगी और फिर ये एक गल बेहोश होके नीचे गिरेंगी। तो जैसे वो बेहोश होकर नीचे उसमें नल में जाके लगी उनका सर, वहां से फिर हम घर ले गए। 2 हफ्ते तक यही चला, तो सब मैंने कहा कि हमने पापा ने कहा गाँव में कहानी बनने लगी है बहुत ज्यादा, और ये आसपास के गांव के लोगों तक भी जाएंगे, तो इससे अच्छा है ना यहाँ से शिफ्ट करो गुड़गांव। तो गुड़गांव वाले हम अपने घर पे उन्हें ले आए, वहां से फिर हम दो एक बाबा यहाँ किसी ने बताया कोई मुल्ला जी मंत्र पढ़ देते हैं वहां ले जाओ। अब जब आदमी परेशान होता तो वो हॉस्पिटल भी जाता, तंत्र मंत्र भी जाता, सब जगह जाता, तो उनको लेके हम ऐसी भी जगह गए। उन्होंने वहां से दो तीन चीजें बताई कि वहां तो इनके ऊपर एक ही थी कोई, उन्होंने बताया समथिंग सुनीता करके नाम बताया, वो उस हवा को ही अच्छी लगी कि अच्छी लेडीज घूम जा रही है, अच्छा सेंटमेंट परफ्यूम सज धस के जा रही है, तो चल इसके साथ में हो लेती हूँ, तो उनके साथ कोई कहानी थी उनके साथ वो होली। तो हम पहुंचे घर, सारी चीजें उन्होंने फिर हमसे दोबारा रात को, तो दोबारा उन्होंने हंसना शुरू कर दिया सैटरडे का दिन था कि 7वें शनिवार को तुम्हारी चाची को ले जाऊंगी,
कहानी लास्ट में कि सातवें शनिवार को इस औरत को मैं ले जाऊंगी, तेज तेज उसने ये कहना शुरू कर दिया। मतलब कह चाची नहीं रही है, कह अंदर से ही कोई रहा, बट वो तेज तेज जब अपने घर का आदमी कह रहा तो आप समझ नहीं सकते कि आपको क्या हो लग रहा। मैं तो सातवें शनिवार को ले जाऊंगी, अब तक तो हंसी ठिठोला कर रही हूँ, सातवें शनिवार को ले जाऊंगी, अब तक तो हंसी ठिठोला कर रही हूँ, इस तरह की बातें वो करने लगी। जो कर रही है तो ठीक भाई, चाची इस तरह की बात कर रही है, सातवा शनिवार मुख पर एक ही चीज है, सातवा शनिवार। और ये मैं चार कोशिश तो कर चुकी हूँ, तुम्हें आधी तो पता भी नहीं है कि मैं कैसे कैसे मैंने मरने की कोशिश करी है। वो तुम्हारे को देव देवतान के कर्म है जो ये औरत बचती जा रही है, और मुझे तो मेरे पति ने बहुत तड़पाया और मुझे यही इसी बॉडी से मुक्ति मिलेगी। तुम क्रियाकर्म सही करोगे अपने परिवार की जवानी का, तुम पे सही पैसा। वो तो इस तरह की बातें करने लगे कि तुम पे तो सही पैसा, तुम क्रियाकर्म बिल्कुल बढ़िया कर दोगे। तो अब डर लगने लगा घर में, और बिल्कुल सब काम किया, कुछ भी मतलब रास्ता सूझ नहीं रहा। तो बाद में एक और बाबा जी के पास वहां भी गए, उन्होंने भी कुछ अपने तरह का नुस्खा बताया कि हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पैसा उसने भी हमसे 50,000-1,000 खींच लिया, पहले वाले ने भी अच्छा पैसा खींच लिया, वहां से भी आ गए, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, सारी चीजें दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। पर चाची पे कोई वो नहीं आ रहा कि हाँ भाई कोई निखार आ रहा हो या परेशानी से सब वो निजात मिल रही हो। तो एक दिन रात को भाई 2 बजे मैं हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मैंने बुला रखे थे कि कोई भी रात को समस्या आ रही, भीड़ पड़ जाए तो आप साथ ही रहो। तो वो भी ऊपर वाली फ्लोर पे, तो एक गलों रात को उठ के 2 बजे भागी तेज और गेट में जाके सिर मारा। हम उल्टे लेके आए, चाची क्या होगा, चाची क्या होगा, कुछ नहीं, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। मेरी गर्दन पकड़ ली, क्यों रोक रहा, जा रही हूँ बिल्कुल गर्दन कि आज कर देगी मेरा तो काम। मैं तो समझ गया आज मेरा, मैं तू तेरा काम फिरा देगी आज, तो तू आगे चक्कर में, तेने पूछ ली कहाँ जा रही। उस गेट वेट खोला, बाहर को वो लड़के बात कर रहे हैं, तो लड़के अंदर आए, तुम जो ये बात कर रहे हैं अभी कुछ भी वो जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज बता दी उन्होंने। तुम क्या सोच रही हो अकेली हूँ क्या, अकेली नहीं हूँ, अंदर 3-4 और लेके बैठी हूँ, जो ये बाबा जी इनके ढोरे मुझे लेके जा रहे हो, हर कोई एक एक हमें पावरफुल ही कर रहा, हर कोई हमारे पास और ही शक्ति बढ़ा रहा, इन्होंने भी हमारे पास 2-3 इकट्ठे कर दिए, अब हम एक हवा ना 4 हवाएं जहाँ तुम घूम रहे हो वो मुझे और ही शक्तिशाली करने, और ऐसे नहीं जाऊंगी, 7 शनिवार को तो लेके ही चली जाऊंगी, इस तरह की उन्होंने कहने। और जो बाहर बात कर रहे थे तो उन्होंने सारी बात एग्जैक्ट बता दी, जो गली में बाहर बात होने लगी वो अंदर अंदर बता रही हैं, कभी उनके अंदर कुछ है कभी नहीं है, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा घर में क्या कहानी चल रही है। उठे हैं डेली, यही 2-3 हफ्ते तक डेली चलने लगा। तो 7वां जैसे ही सातवें वीक के में शनिवार का दिन हुआ, तो हमने 20-25 लौंडे अच्छे तगड़े बुला लिए कि आज ये कि इनके बीच और हमारे बीच एक फैसला ही हो जाए। तो रात को सोई है 7वें शनिवार को, एक गल रात को तेज उठी है, बेड में मारी है, उस बेड में सिर मारा और मतलब चूड़ी वूड़ी और सब फेंक दिए। मैंने एक हाथ पकड़ लिया, सब ने हाथ पकड़ लिया, उठा दिए उन्होंने, ऐसा लगा लो कि हम 10-15 लड़के एक गल उठा कर फेंक दिए और भागी और छत से एक गल कूदी है नीचे ले गई है। लास्ट में उनका फंद मेहंदीपुर बालाजी में कटा, पता लगा कि उनके पास उनके ऊपर भाई 5 जिंद थे, जिनमें से एक जिंद था और 4 मतलब हवाएं थी, जिनमें से 2 तो उन्हीं बाबा जी और तंत्र मंत्र वाले तांत्रिकों ने छोड़ी थी, जिनके पास हम उनको सही करवाने ले गए थे इस थॉट में कि उल्टे आते रहेंगे। 2 गांव वाले थे, जो बुढ़ा किरदार था जिसने फांसी लगाई थी, चाची जिसको फाफड़ा लगा था, और एक उनके साथ जो खिचकाई थी सुनीता, उस वैसा कुछ फील करा और सारी चीजें हैं। तो उसी बाबा तांत्रिक से पता चला कि रिएक्शंस बहुत मैटर करते हैं आसपास में, इन चीजों पर हंसना बहुत मैटर करता, मैं करता था, गाड़ी भी नहीं चलती, आदमी पर काम नहीं होते। इस रिगार्डिंग एलविश यादव को भी तुम जानते हो, मैं हमने कार इंटीरियर का काम करवाया था, वो उस दिन उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी आया था, तो मैंने उससे पूछा था, होटल हवेली में गया था तो कोई कहानी हुई थी क्या, तो ये उन्होंने भी ब्लॉग में भी कवर कर रखा, हाँ होटल कहाँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इनका मजाक ना ही बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा, तंत्र वंत्र इंसान कब किसको क्या चीज कहाँ से अफेक्ट कर जाए। तो ये मेरी नजर में ऐसा ही है, बाकी आप सब कंटिन्यू रखें चीजें बातें करते रहें। अब भी रहा ऐसा लग रहा है। थैंक यू भाई एसबी भाई, आपकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप बहुत ज्यादा तेज बोल रहे थे, मतलब
समझ रहे, ऐसा लग रहा था आप खुद ही से बात कर रहे हो। अच्छा नहीं, मैं ऐसा स्टोरी बता नहीं रहा था, और ना मैंने मतलब ये कोई ऐसी चीज थी, तो मैं एक अपना ही कुछ डिस्कस कर रहा था, अपना ही मतलब अपने ही घर की बात बता रहा था, तो शायद तेज चला गया। हाँ मतलब आराम आराम से बता दे तो और अच्छे से हो जाते। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू आपकी स्टोरी के लिए। अगला अभी मैं ऑडिबल हूँ क्या, मेरा बैकग्राउंड सही है? नहीं, आप सही। हाँ 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 जीतन मैं बोलूँ, उसके बाद रुद्र आप बोल। तो अभी ऑडिबल हूँ ना मैं? हाँ आ रही है। ठीक है ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअली दो स्टोरी है, और हॉरर जॉनरा में तो आप नहीं रखोगे, मतलब उतनी भी डरावनी नहीं है, बट रियल इंसिडेंट है। तो ऐसा क्या था कि जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे सोया हुआ था अपने रूम में, और उस टाइम मेरे अगल बगल कोई नहीं था, और मेरी मम्मी जस्ट मेरे बगल में थी। मैं 3 या 4 साल का रहूँगा, और जब मैं सोया और जस्ट आधे घंटे बाद मेरे को जब नींद लगी, तो सपने में मेरे को देखा कि मेरी बुआ और उनका एक छोटा सा बच्चा, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि छत पे ऐसे घूम रहे हैं, पानी पूरे छत पे फैला रहे हैं, और मैं दरवाज़ा खोल के छत पे जा रहा हूँ और उनसे बोल रहा हूँ कि बुआ आप क्या कर रहे हो। तो वो अचानक से हवा में उठती हैं और मतलब एक 2 माले की बिल्डिंग है उसके ऊपर जाके चढ़ जाती हैं, और फिर वहाँ से अपने बच्चे को धकेलती हैं, और फिर बड़ा बड़ा आग दिखा के मेरे को घूरती हैं, और बाल उनके पूरे हवा में उठ रहे, जैसे फिल्मों में जैसे दिखाते हैं वैसा ही हो रहा है। और फिर उसके बाद वो मेरे को देखती हैं, और मैं डर के वापस कमरे में जाता हूँ, और सपने में ही मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी मम्मी मुझे जगा रही हैं, और जब लाइट खुलती है तो देखता हूँ कि मेरे बगल में मेरी बुआ और उनका बच्चा लेटा हुआ है, और जब मैं सोया था उस टाइम पे कोई नहीं था। तो ये तो बचपन का इंसिडेंट था। और फिर क्लास 6 की बात है, मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे 4 बिल्डिंग थी, मतलब 4 ब्लॉक थे, ABCD ब्लॉक जो था वो काफ़ी ओल्ड था, और बी ब्लॉक नया था, तो हमारी क्लास बी में चलती थी, ए में क्लासेस नहीं चलते थे अब। तो ए में जो क्लासेस चलती थी वो छोटे बच्चों की प्राइमरी की चलती थी, वो सिर्फ पहले वो फ्लोर तक चलती थी, सेकंड थर्ड फ्लोर पूरे खाली रहते थे। और यहाँ पे क्या है कि आप स्कूल लो चाहे हॉस्पिटल लो, हमेशा एक कहानी होती है कि वहाँ पे किसी भूत का साया है, मतलब ऐसे ही लाइक बिल्डिंग बन गई तो किसी लेबर में दब गया, ऐसे हो गया। तो हमारे स्कूल में भी यही था कि जब ओल्ड बिल्डिंग बन रही थी तो वहाँ पे जो एक मजदूर था उसकी बीवी वहाँ पे दब गई थी, तो उसी के ऊपर बिल्डिंग बनी है। तो हम लोग कभी बिलीव करते नहीं थे चीज़ पे, बट होता क्या था कि जब हम क्लास करते थे तो बिल्कुल जो उसका टेरेस होता था, सुबह में भी धूप में भी जब होती थी तो वहाँ पे दिखता था हमें कि कोई अगल बगल जा रहा है, तो हमें लगता था कि होगा कोई ऊपर छत पे काम करता होगा। तो हमें चेहरा तो नहीं दिखता था, लाइक पीछे का दिखता था कि कोई आ रहा है, 5 मिनट बाद फिर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि बारिश हो रहा था और हम ऐसे ही कैंटीन में जा रहे थे, मैं था और मेरे 2 दोस्त थे, उनमें एक लाइक जो जिसके ऊपर स्टोरी आई है वो ब्राह्मण था, शुक्ला था। तो फिर हम ऐसे ही कैंटीन में हम मोमोज खा रहे थे और बारिश होने लगी, तो हम जो हमारा बिल्डिंग जो था क्लास था वो काफ़ी दूर था, सबसे पास में ओल्ड बिल्डिंग थी। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला कि चलो इसी के अंदर चलते हैं, तो पहले तो मेरे सेकंड वाले फ्रेंड ने मना किया कि नहीं यार थोड़ी दूर पे चल लेंगे, इतने भीगेंगे नहीं। तो फिर बोला नहीं नहीं चलते हैं, पास ही में बगल में। तो और ये जो शुक्ला था ब्राह्मण था, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि बनारस में, हम बनारस के हैं, तो हम बचपन में कहीं क्लासेस बंक करते थे तो फिर हम ऐसे घाट वगैरह घूमने जाते थे, हम 80 घाट पे जाते थे, दशाश्वमेध जाते थे। बट वो क्या करता था कि चला जाता था या तो मणिकर्णिका या तो यहाँ पे हरिश्चंद्र, क्योंकि उसे लाइक एक उसकी फैंटेसी थी कि उसे जो लाशें जलती हैं उसे देखना काफ़ी पसंद था। तो और ये क्लास 6 के बच्चे की बात है, तो बचपन से ऐसा था वो। तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं उधर ही चलते हैं, तो फिर हम गए। तो उसने बोला कि भाई अब यहाँ तक आ ही गए तो चलो छत वाली मिस्ट्री भी देख लेते कि क्या है वो। तो पहले तो हमने मना किया कि नहीं यार रहने दो, बट वो बोला, जब वो इंसिस्ट किया काफ़ी ज़्यादा, तो मैं मेरा दोस्त हम 3 लोग थे, तो हम 2nd फ्लोर तक गए। फिर उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम बोले कि नहीं रहने दो, काफ़ी ऊपर है वो, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो बट उसने बोला कि चलो ठीक है तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले जा रहा हूँ। तब वो ऊपर चला गया और मैं और मेरा जो 2nd फ्रेंड था हम सीढ़ी पे बैठे थे, तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से उसकी चीख सुनाई दी हमें। तो
हमारी फिर भी हिम्मत नहीं हुई तो हम बस वेट करने लगे। हम कहते कि चलो 5 मिनट वेट करते हैं, नहीं आएगा तो किसी को कॉल करेंगे, लाइक किसी को बुलाएंगे स्टाफ वगैरह को, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। बट वो फिर आने लगा, फिर खुद ही वो नीचे आ गया। तो भैया उस टाइम का जो उसका चेहरा था काफ़ी डिफरेंट था, मतलब वो हंस रहा था, खुश था बिना किसी बात के, बट उसके आँख से आंसू आ रहे थे, उसके नोज उसको उसका जो नोज़ था वो ब्लीड हो रहा था, नाक से खून निकल रहा था। तो हमने पूछा कि क्या हो गया, तो फिर कह रहा कि कुछ नहीं मैं गिर गया था बस। तो फिर मेरा बोला कि जो तुम गिर गए थे तो फिर इतना टाइम क्यों लगा, बट उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो उसने बोला कि रहने दो कि चलते हैं, वेट करते हैं छुट्टी होने का। तो छुट्टी जब हुई तो फिर उसने बोला कि मुझे मीट खाने का मन कर रहा है। तो मैं बोला कि यार तुम तो ब्राह्मण हो, तो फिर कह रहा है कोई बात नहीं मेरा मन है। तो हम लाइक हम बच्चे थे, हमारे पास पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, किसी के पास 20 का नोट है, किसी के पास 50 का नोट है। तो लकीली उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे सर जा रहे थे तो उन्होंने दिला दिया चिकन बिरयानी, और वो उस टाइम पे वो बैठ के खा रहा है, मैं और मेरे दोस्त देख रहे हैं चुपचाप कि वो क्या कर रहा है, इतना डिफरेंट क्यों हो गया। और ऐसा, और जब हम उसे घर छोड़ने गए, वो बोला कि मेरे साथ ही चलो, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो हम जब उसे घर छोड़े, उसके वो आखिरी दिन तक जब हमने उसे देखा था, और नेक्स्ट डे हम जब स्कूल आए, हम वेट किए कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि आ जाया कि नहीं आया, तो उस दिन नहीं आया। और फिर मेरे फ्रेंड ने बोला क्या कहते हैं कि सबको बता देते हैं एक बार। तो फिर मैंने बोला कि नहीं रहने दो, फंस जाएंगे। तो फिर थर्ड डे भी ऐसा हुआ, तो उस थर्ड डे भी नहीं आया। फोर्थ डे में क्या हुआ, असेंबली हो रही थी जब हमारी, तो उस टाइम पे टीचर्स ने बोला कि 2 मिनट का मुझे ही आवाज नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही भाई? नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है तन में। अभी आ रही है जी। तो आपने कहाँ तक सुना था भाई? मुझे तो आवाज ही नहीं बंद होगी आपकी, 1 मिनट पहले से ही मुझे लगा बाकी लोगों को आ रही है। नहीं तो आपने लास्ट टाइम क्या सुनी? तुम्हारा दोस्त चिकन खा रहा था, तुम देख रहे थे। चिकन मांग रहा था, तुमने बोला तो, ब्राह्मण है और ऐसा कुछ। हाँ तो उस टाइम पे लकली क्या था कि हमारे जो सर थे कंप्यूटर साइंस के सर थे, वो वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने दिला दिया। हमने उनसे बोला कि सर इसे भूख लगी है, तो उन्होंने दिला दिया था हमें, तो वो खा रहा था, हम देख रहे थे। फिर उसने बोला कि चलो मुझे घर छोड़ दो, तो क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। हम साइकिल पे ही थे, तो एक फ्रेंड ने उसका साइकिल कैरी किया, मतलब साथ ही साथ चलता रहा, और मैं उसका हाथ पकड़ के लिए चल रहा था। और फिर वो आखिरी दिन था जब हमने उसे देखा था, मैंने और मेरे फ्रेंड ने। नेक्स्ट डे वो स्कूल नहीं आया, और उसके नेक्स्ट डे भी नहीं आया। तो हमने सोचा कि घर चलते हैं उसके, या फिर कॉन्टैक्ट करते हैं, बट मेरे फ्रेंड ने बोला कि रहने दो, फंस जाएंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि बीमार वीमार पड़ गया होगा। तो फिर फोर्थ डे क्या हुआ, जब असेंबली चल रही थी, हमारी असेंबली हो रही थी, स्कूल में प्रेयर्स हो रहे थे, तो टीचर्स ने बोला कि आप 2 मिनट के लिए शांत रहो, सारे के सारे बच्चे। फिर हम शांत थे, और जब क्लास में गए तो क्लास मॉनिटर से पूछा कि क्या हुआ है, क्यों शांति क्यों हो रही थी ऐसी। तो फिर क्लास मॉनिटर ने बोला कि लास्ट डे जो तुम्हारा फ्रेंड प्रशांत है, उसकी गंगा में लाश मिली है। तो उसके बाद मतलब वो आखिरी दिन था जब ने उसे देखा था। उसके बाद अब ये तो पता नहीं कि उसके साथ ऊपर क्या हुआ था, बट वो उसका चेहरा काफ़ी अजीब था जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, हंस भी रहा था, रो भी रहा था, और नाक से खून भी निकल रहा था उसके। बस भैया इतना ही। तन्मय भाई थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी के लिए। मैं सुनाओ केशव भाई। हाँ जी रुद्र सुनाओ। मेरा ऐसा है कि मैं क्लास 12th में था, तो मतलब 12th खत्म हो गई थी एग्जाम वगैरह देके, तो हम लोग मेरा प्लान बना कि मैं भाई बेसिकली यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ, तो हमारा ये प्लान हुआ कि गांव चलते हैं। गांव मेरा भाई गोरखपुर है, तो मैं गांव चलते हैं, अपना गांव घूम के आएंगे। तो हम लोग गए भाई गांव, तो गांव में ना मोस्टली क्या था कि 2016-17 में करीब गांव में, मतलब 16 में लाइटें नहीं आती थी, अच्छी खासी लाइट नहीं रहती थी। तो ये रहता था कि अगर लाइट आ गई तो लोग नीचे चले गए, और नहीं आई तो ऊपर सो रहे छत पे। तो हम लोगों को मतलब लाइट नहीं आई हुई थी। हम लोग खाना वाना खाए, खाना वाना खाने के बाद भैया थोड़ी देर बैठे, बैठने के बाद ये हुआ कि
चलो एक काम करते हैं, हम छत पे चल के सोया जाए। मैं कहा चलो ठीक है, तो छत पे ना जैसे नीचे की तरफ गद्दे बिछा के अपना जो भी घर पे बनाए रहते हैं हम लोग, तो अपना छत पे बिछा के सो गए। अब जब सोए तो एक रात हो गई, एक रात सोए, दो रात सोए, तीन रात सोए, 3 दिन वहां लाइट नहीं आई। तो ऐसा हुआ कि भाई चाचा लोग हमारे जाके कंप्लेन डाले उसमें कि भाई लाइट ऐसी ऐसी हो रही है, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है गाँव गाँव में और दिक्कत हो रहा है लोगों को। तो बिजली मैन ने मतलब हमारे यहाँ क्या हुआ था, ट्रांसफार्मर फूक गया था, तो बिजली मैन ने आके वो सब कुछ सही किया। उसके बाद वो ये हुआ कि हम लोग सब छत पे सोए हुए थे, तो रात को मेरी आंख खुली तो देखा गया कि लाइट आई हुई है। तो मैंने सबको जगाया कि भाई चलो नीचे चलें। तो छत पे ना उस दिन हवा बढ़िया चल रही थी, तो कोई नीचे जाने को मना नहीं, सब मना ही बोल कर दिए कि कौन नीचे जाए, अभी गर्मी होगी, लाइट का कुछ भरोसा है नहीं, कब भाग जाए कब आ जाए, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि कोई गया नहीं भाई नीचे। अगले दिन हम लोग ठीक ठाक से सब उठे उठे अपना गए घूमने, घूमे हुए गाँव में। फिर शाम को आए भैया, तो शाम को ना शाम को 6 बजे लाइट आ गई वहां पे। लाइट जब आ गई तो ये हुआ कि भाई अब छत पे कोई नहीं जाएगा, अपना यहीं पे सोएंगे नीचे ही। तब सब लोग सोए, हम लोग नीचे जब सो रहे थे तो फिर लाइट आ गई, तो मतलब लाइट चली गई। हम लोग कहा कि भैया ऐसा है ऊपर चल पड़ो, अब ऊपर चल के सो जाया जाए, लाइट का आपको भरोसा है नहीं, गर्मी में परेशान हो जाएंगे। लोग ऊपर चल के भाई सो गए। तो क्या हुआ कि जब मैं ऊपर आया, मैं सोया और मेरे ताऊ का लड़का भी सो गया। तो जब हम ताऊ का लड़का सोया तो क्या होता है कि मैंने उससे बातचीत की थोड़ी बहुत, बातचीत करने लगे तो ये हुआ कि बज गए हम लोगों को 3 साढ़े 3 बज गए भाई। उससे बातें करते ऐसे ही गांव गढ़ी की लोगों की थोड़ी बिचिंग और बकचोदियां करते करते हम लोगों को 3 साढ़े 3 बज गए। फिर हम लोग कहे कि भाई चलो अब सो जाया जाए, फिर सुबह अभी दादाजी उठा देंगे अभी। मगर तुम तो कहे ठीक है सो जाया जाए, सो गए हम लोग। सोने के बाद भैया सुबह हुई जब, तो मैं उठ गया और वो थोड़ा सा उठा नहीं। तो जब मैं नीचे आया, तो जब मैं सो के उठा तो छत पे कोई नहीं था भाई। मैं नीचे आया तो मैंने कहा कि भाई तुम इतनी जल्दी लेट उठ के और इतनी जल्दी कैसे सो गए भे? इतनी मतलब इतनी जल्दी लेट सोने के बाद इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो कह रहा है कि मैं तो भाई रात नीचे ही सो रहा था, अपना आराम से बढ़िया नींद आई है। मैं कहा तू नीचे सो रहा था बहन, मैं ऊपर किससे बात कर रहा था यार? कह रहा है तुम डरा रहे हो, गाँव में नए नए आए हो अभी, तुम हमको डरा रहे हो। मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा हुआ कि सुबह कि गांड तो मेरी फट गई, कि जब वो बोला कि नहीं मैं तो नीचे ही सोया था, तुम लोग तुम ही सोए होगे ऊपर भाई, क्योंकि लाइट तो रही है, पता नहीं मेरे साथ छलावा हुआ क्या हुआ। फिर ऐसा हुआ गांव में, हमारे जो थोड़े गांव में ना एक मतलब थोड़ी शेड्यूल कास्ट है एक, तो उनमें क्या था कि जैसे गेहूं वगैरह गांव में कटते हैं ना, तो गांव उन्होंने क्या किया कि अपनी लड़की को कहा कि जा तू ना गेहूं देख के आ, और कट रहा होगा तो थोड़ा मदद मदद करवा दे। तो पैसे वैसे मिलते थे उन लोगों को उस टाइम पे भाई। तो उन्होंने क्या कहा, उसकी लड़की गई नहीं, तो उसका बाप जब वहां से गेहूं उठवा गया तो तिल मिलाया हुआ वैसे था धूप में। अब भोसड़ी का काम क्या किया, वो अपनी लड़की को काट के तो वहां पे दाब दिया, उसमें क्या कहते हैं गांव के बाहर एक पोखरा है उसके अंदर दाब दिया। तो भाई उसकी लाश जब सड़ गई, बदबू आने लगी लोगों को, जो लोग उधर जाते थे गाँव शौच वौच करने के लिए, तो उन लोगों को उसकी बदबू आई। तो वो लोग लाश जब ये सब हुआ पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ, तो पता चला कि ये इसकी लड़की थी। खान करने लगी और बहुत ज्यादा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा भाई हम सब लोग मिलके छुपन छुपाई खेलने लगे भाई, आइस पाइस। तो हम लोग गांव के मतलब ऐसे ही गांव के बाहर थोड़ा वो एक पेड़ होता है यार, देखो उस पेड़ का नाम भूल गया मैं, सॉरी भाई नाम भूल गया हूँ। तो उस पेड़ के मतलब हम लोग
आइस पाइस खेलने लगे भाई। तो मेरे जो ताऊ का लड़का है बड़े पापा का, वो छुपा, तो मतलब सब लोग, मतलब ये हो गया कि सब लोगों को जिसने ढूंढना था उसने ढूंढ लिया, वो ना मिले यार उसको ढूंढने, तो पूरे गांव में भाई हम लोग उसको ढूंढने लगे ढूंढने लगे, वो मिले ही ना कहीं। हम लोग परेशान हो गए भाई, ताऊ का लड़का था, मैं रोने लग गया कि यार अभी क्या हो गया, ये मिले ही ना पूरा, तो हल्ला हो गया भाई, सब लोग घर के परिवार के सब लोग आ गए तुरंत ढूंढने लगे उसको, भाई वो मिला ही नहीं। तो जब वो मिला 3 दिन बाद, भाई उसकी पूरी पीठ, पूरी पीठ पे उसके नाखून के निशान, पूरा मुंह उसका, वो कान के नीचे का भाई थोड़ा सा हिस्सा है उसका अलग हो गया था कट के। तो मिला वो बेहोशी, मतलब ठीक मिला, पुलिस वालों ने लाके हम लोगों को बताया कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो उसको हम लोग जब घर लेके आए भाई, तो कुछ दिन रहा वो, उसके बाद जब ठीक हुआ वो थोड़ा सा, तो बैठा वो तो बताने लगा। उसने बताया ये कि जब हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, हाँ देखो भाई बसवारी बोलते हैं, बसवारी उस पेड़ को बसवारी बोलते हैं, तो कहा कि भाई मैं जब बसवारी के पीछे छुपा तो गुज्जी आई, और भाई गुज्जी वही थी जिसने जिसको उसके बाप ने काट के दाब के मार दिया था। मैं बोला कि भाई वो गुज्जी आई और मुझे मेरे गर्दन को पकड़ा, और मुझे उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है भैया, इतना याद है कि गुज्जी आई उसने मेरा गर्दन पकड़ा और मुझे कहाँ ले गई मुझे कुछ नहीं पता इन्होंने। अब भाई हम लोगों ने सुना तो गांव में हल्ला वल्ला हो गया, तो हम लोग गए उसको जो था उसको गरिया वरिया क्या है कि साले तूने तेरी पाप पूरा गांव भुगत रहा है ये वो मतलब, तो बहुत लंबी भाई भाई अखबार अखबार में भी निकल गई थी बात। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसके घर परिवार वाले को पूरा धमकाया कि तूने ये करवा पूरा गाँव, तो भाई उन्होंने क्या किया अपना मतलब घर वर वो सब उसकी आत्मा की शांति पाठ वाठ करवाने के लिए उसकी अस्थियों का पहले वो मतलब जो भी था उनके पास थोड़ा वो कुछ भी बचा हो वो सब जलवाया, और उसके बाद क्या कहते हैं ये उसका क्रियाकर्म वर्म किया, तब जाके भाई गांव शांत हुआ। 3 लोगों को तो ऑलरेडी मार चुकी भाई, एक को तो पानी में डुबा के मार दिया था। बस यही मेरी कहानी है केशव भाई। थैंक यू सो मच भाई कहानी के लिए। ओके अपने पास नेक्स्ट में 2 लोग हैं, क्यूरियस जी हैं, स्वाति जी हैं, कोई सुन रहा भाई है? रुद्र रुद्र की भी कहानी सुनना है, इसका स्पीकर सही हो गया। रुद्र कौन सा वाला रुद्र? एक तो सुना गया अभी, एक रुद्र और ये जो लॉक लगा हुआ है जिसका काम था। हेलो यही है, इसने ही सुनाई स्टोरी, सुना दी उसने। हाँ जी स्वाति मैम बोलिए। मैं सुना सकती हूँ अपनी स्टोरी अभी? हाँ जी, हाँ जी मैम सुना सकते हो आप। तो ये स्टोरी मुझे मेरे रिलेटिव ने सुनाई थी, और ये उनकी किसी फ्रेंड की स्टोरी थी, और बहुत रिसेंटली उन्होंने मुझे सुनाई है। तो ये 1994 या 1995 का इंसिडेंट है। मेरी रिलेटिव की फ्रेंड, उस टाइम बहुत रेयर होता था कि कोई किसी लड़की को अपने स्टेट से बाहर भेजे पढ़ने के लिए और किसी हॉस्टल में रखे, क्योंकि मैं सहारनपुर से आती हूँ, तो वहाँ पे इतना इतना फॉरवर्ड नहीं थे उस टाइम पे कि यू नो फॉर फीमेल एजुकेशन। तो उस टाइम पे बहुत रेयर था कि वो आई, उनकी फ्रेंड आई दिल्ली में, और दिल्ली में वो एक पीजी में रही क्योंकि वो कोचिंग कर रही थी बीए के बाद आईएएस का। तो वो आई डोंट थिंक राजेंद्र नगर में रहती थी, बट वो कहीं दिल्ली में ही कहीं पे रहती थी जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स रहते थे उस टाइम पे। और तो वो रह रही होती है, आती है वो सहारनपुर से, उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन वगैरह करा के जाते हैं एक अकेडमी में। अकेडमी जो होती है वो, उसमें जो टीचर होते हैं वो थोड़े फमिलियर होते हैं उनके, तो उनके कॉन्फिडेंस पे वो छोड़ के जाते हैं कि आप प्लीज देखभाल कर लेना, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसा भेजना, फाइनेंशियली भी हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बट प्लीज आप देखभाल करना इसका। तो वो आती है रहना शुरू कर देती है। उसकी रूममेट एक सीनियर होती है जो कि 2-3 महीने बाद उसका एग्जाम होता है, तो उसके बाद वो चले वेकेट करने वाली होती है अपना जो उसका रूम है। तो वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है अपने इंस्टीट्यूट में, और जो उसके जानने वाले होते हैं अकेडमिक्स डिपार्टमेंट में वो इंस्टीट्यूट के, वो भी उसको बहुत अप्रिशिएट करता है, सपोर्ट करता है, उनको बाकी टीचर्स से मिलाते हैं, तो वो फमिलियर हो जाती है उनसे भी, और सब लोग थोड़ा एक्स्ट्रा
जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो ब्राइट भी होती है तो, और एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आती है, जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं तो सब सही चल रहा होता है। लेकिन एकदम से ना वो क्लासेस में इंस्टीट्यूट में आना बंद कर देती है। पहले थोड़ा स्पोरैडिक होता है, धीरे धीरे एक हफ्ते में 2-3 दिन नहीं आई वो, फिर अचानक से ही वो बिल्कुल बंद कर देती है और एग्जाम देने आती है जो मॉक टेस्ट होते हैं, बट उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता उसका, तो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि क्यों ऐसे कर रही है ये। और जो उनके रिलेटिव होते हैं उसको बुला के बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, कुछ इशू है तो मुझे बताओ, तो वो नोटिस करते बहुत डिस्ट्रैक्टेड सी है वो, और वो रोने लगती है, बोलती है कि नहीं मैं बहुत प्रेशर में हूँ और अभी थोड़ा मुझे थोड़ा और चांस दो, मैं आई विल गेट बैक। बट ये कंटिन्यू रहता है और जब हद पार तब हो जाती है जब वो अब टेस्ट में भी नहीं आती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी देने नहीं आ रही होती है। तो अपने किसी भी मतलब अब उस टाइम पे फोन्स वगैरह मोबाइल फोन्स भी नहीं रहते, तो अपने घर पे भी जो है पहले वो यू नो हफ्ते में 3-4 बार बात कर लेती थी घर पे, बताती थी उनको क्या सब चल रहा है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी इंकलिंग रहता है ये कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है उसके साथ। तो एक दिन क्या होता है कि जो उसके रिलेटिव ही होता है ना, वही फोन कर देते हैं उसके पेरेंट्स को कि भाई ये पहले तो इंस्टीट्यूट में कम आना शुरू कर दिया इसने, फिर अभी ये एग्जाम्स भी देने नहीं आ रही है और इसका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप देख लो इसका जो भी है। तो उसके पापा तुरंत अगले दिन आते हैं और जैसे ही मतलब वो पहुंचते हैं उधर, वो दरवाजा नहीं खोलती है रूम का, तो बहुत कोशिश करते हैं वो कि आवाज लगाएं नीचे से जाके, फर्स्ट फ्लोर पे उसका रूम है तो नीचे जाके एकदम उसके बिल्डिंग के पीछे उसको आवाज लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इवेंचुअली जो वार्डन रहती है हॉस्टल की, उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई वो रूम नहीं खोल रही है, आप कुछ करें। तो एक स्पेयर की बहुत देर बाद अरेंज होती है, वो रूम खोलते हैं, दिखते हैं कि खाना पड़ा है बहुत सारा, कुछ खाया कुछ आधा खाया कुछ बिल्कुल पैक्ड, और सड़ने की स्मेल आ रही है, खाना सड़ने की स्मेल आ रही है, और वो एक कोने में बैठी हुई है, वो सो भी नहीं रही है, बैठी हुई है और आंखें खुली हैं उसकी, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है कोई भी आवाज जो वो दे रहे हैं उसको, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसके पास जाके उसको ऐसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बहुत डर जाता है वो, और वाइब भी उनको अच्छी नहीं आ रही होती है उस रूम से। तो वो उसको लेके चले जाते हैं, मतलब सहारनपुर लेके चले जाते हैं उस टाइम पे, और कुछ दिन में वैसे भी थोड़ा उसके जो फर्स्ट एग्जाम उसका होता है, उसके लिए छुट्टियां होती है, सेल्फ प्रिपरेटरी हॉलीडेज, तो ऐसा रहने का उसको कोई पर्पस भी नहीं था वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि वो इंस्टीट्यूट जाएगी या कोई मॉक टेस्ट देगी, इसलिए ले जाते हैं उसको घर पे, कन्वीनियंट होता है उनके लिए। तो जब लेके जाते हैं तो देखते हैं वो कि वो सो नहीं रही है, मतलब दिन में 2 घंटा सोएगी, सोएगी भी तो फिर यू नो एकदम उठ जाएगी चिल्ला के कुछ तो, और खाना नहीं खा रही है, अजीब बिहेव कर रही है। उसको डॉक्टर्स के पास लेके गए, उस टाइम पे ऐसा कुछ मेंटल इलनेस के बारे में भी कुछ इतना नहीं रहता था अवेयरनेस, तो उनको ये तो नहीं लगा, बट उनको ये भी नहीं लगा कि इसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, उनको यही लगा कि पता नहीं प्रेशर में है, कुछ तो इसके साथ हुआ है जो बता नहीं रही, अभी किसी ट्रॉमा में है, लेकिन शायद थोड़ी टाइम में सही हो जाएगी, बस इसको एग्जाम का प्रेशर है, ये इतने टाइम से मॉक टेस्ट में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो धीरे धीरे ऐसे चलता जाता है, उसका वेट ड्रास्टिकली अब ड्रॉप हो चुका है। और एक दिन उसको कॉल आता है, उसके पेरेंट्स को कॉल आता है एक दिन कि वो जो दूसरी लड़की है उसके पेरेंट्स का, कि हम आए हैं अपनी बेटी का सामान वगैरह लेने, तो आप हमें कीज दे दो, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेयर की थी वो भी यूटिलाइज हो गई है, और आप देख लो आपका, आपको आना है अभी रहना है देखने के लिए कि हम क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं, तो यू नो मेक श्योर कि कोई रहे वहां पे जब हम आए, तो इस दिन हम आएंगे। तो वो चले जाता है कि भाई अब वो सीनियर है उसकी, उसका वेकेट करना ही है, तो चले जाता है वहां पे। और ऐसे भी हो सकता है कि उनको इसलिए भी जाना था क्योंकि उसके बाद जब वो एग्जाम्स के बाद वापस आती लड़की,
उसको कोई और रूम एलोकेट होता, वो रूम एलोकेट नहीं होता। तो वो जब जाते हैं उस लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं और बोलते हैं कि कैसा चल रहा है उसका एग्जाम का प्रिपरेशन, कैसे चल रहा है हमारी बेटी का, तो शायद इस बार वो स्किप ही करे। तो बोलते हैं कि हमारी बेटी तो मतलब 3 महीने पहले उसका डेथ हो गया, 3 महीने पहले जब वो आई थी घर पे, तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं गई है। तो उनके लिए बहुत शॉकिंग होता है, उसके पेरेंट्स के लिए, कि भाई ये क्या हुआ, ये तो हमें बताया नहीं किसी ने, ना तो हॉस्टल में किसी ने बताया, ना इंस्टीट्यूट में पता चला, ना हमारी बेटी ने बताया हमें, क्योंकि 3 महीने पहले तो सब सही था उसके साथ। तो वो कहते हैं कि नहीं, उसके साथ ना शी कमिटेड सुइसाइड। तो इवेंचुअली जब वो सुनते हैं बात तो बहुत शॉक्ड होता है वो, लेकिन फिर अभी क्या ही कर सकते हैं, वो उनके दिमाग में ये भी नहीं कुछ आता कि यू नो दिस कुड बी कनेक्टेड। तो वो जब आए होते हैं रूम वेकेट करने के लिए, तो उसका सारा सामान वो पैक कर रहे होता है, और जब उसका बेड के पास जाते हैं समेटते बेड को, तो वो नोटिस करते हैं कि उसके गद्दे के नीचे बहुत सारे ऐसे पुड़िया पुड़िया है और बहुत सारे फिगरीन्स है, और एक मतलब एक में तो मतलब एक हैंड रिटन भी कुछ था, और वो जो हैंड राइटिंग वाला जो है वो अपने पास रख लेता है कि भाई क्या ही है ये, किसने किया होगा, व्हाटएवर, यू नो दे डोंट नो येट कि किसने किया होगा। वो उनके दिमाग में ये भी नहीं आता कि शायद वो लड़की जिसका डेथ हुआ है वो कनेक्टेड हो। तो इवेंचुअली जब वो सामान वगैरह निकाल लेते हैं अपना सारा, और वो रूम वेकेट कर देते हैं, शायद वो जो बेड भी होता है ना, उस बेड को भी हॉस्टल वाले जला देते हैं, कुछ तो करते हैं कि इस डर से कि भाई आगे रूम कोई लेगा भी या नहीं। तो धीरे धीरे वो जो लड़की रहती है उसकी भी हालत थोड़ी सुधरने लगती है, थोड़ा थोड़ा यू नो बेटर फील करने लगती है वो। तो फिर जब वो एकदम ठीक हो जाती है, तो वो बताती है कि वो सीनियर थोड़ा जाने से पहले बहुत उससे एनवियस होती थी कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये एक बार वो उसने चिल्ला भी दिया था कि यू नो नॉट एवरीबडी इज एज प्रिविलेज एज यू, नॉट एवरीबडी यू नो गेट्स अ सेकंड चांस एंड ऑल दैट। तो यही स्टोरी था कि बहुत एनवियस होती है वो उससे, और वो कुछ तो कर रही होती है उसके साथ, वो उसको लगता है कि ये मेरे ब्लैक मैजिक से भी कुछ हो नहीं रहा है। तो इवेंचुअली शी कमिट सुसाइड, एंड जो ब्लैक मैजिक से नहीं होता वो बाद में, क्योंकि उसकी स्पिरिट में भी वहां पे रहती है, रोम करती है उस रूम में, ऑल्दो उस लड़की को नहीं पता होता है कि वो मर गई है, बट सम हाउ शी फाइंड्स अ वे टू यू नो एक्ट ऑन हर एनवी। दैट्स माय स्टोरी। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। भाई ये रोहित है, और हाँ रोहित भाई आप बोल सकते हैं, क्यूरियस भी हैं हमारे साथ। भाई मैंने गुटखा खाकर अभी बोल रहा हूँ थोड़ी देर से। ठीक है भाई, आप खा लो गुटखा आराम से। चलो क्यूरियस भाई आप बोल सकते हैं। या हेलो भाई, तो मेरी मतलब थोड़ी सी कहानी है, लेकिन थोड़ी अलग है वो, तो उसमें मेरे साथ खुद ही हुआ था पर्सनली। तो पंचमढ़ी करके जगह है एक, तो वहाँ हम लोग गए थे, स्काउट कैंप था हमारा बेसिकली। तो हमारे साथ सर थे, बेसिकली मेंटर थे हमारे, और हम लोग 8 लड़के थे। तो सर ने बोला कि शाम को 5 बजे की समोसे खाने चलते हैं। तो हम लोग ने चलो, तो पंचमढ़ी में क्या होता है कि थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, और वहाँ पे गाड़ी वगैरह कम चलती है, क्योंकि थोड़ा व्हीकल कम ही चलती है उस एरिया में। तो निकले हम लोग, तो जाते वक्त हम थोड़ा पैदल गए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है, तो थोड़ा पैदल गए। आगे जाके हमने रोड पे एक बस जा रही थी वो पकड़ ली, तो बस ने हमको कहीं ड्रॉप किया, क्योंकि वहाँ पे समोसे मिल रहे थे, तो हमने खाए दबा के, फिर हम लोग हमने सोचा वापस आते हैं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो करीब करीब 7-7:30 बज गए थे, और काइंड ऑफ हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, मतलब काफ़ी हद तक अंधेरा हो गया था। तो हम लोग आए, तो हम लोग रास्ता पूरा भटक गए, संभाव भटक गए रास्ता, क्योंकि किसी ने ध्यान दिया नहीं कि जो बस से हम पहुंचे हैं वहाँ पे वो किस टाइप, मतलब कौन सा रास्ता, और नई जगह थी एकदम, पहला दिन था वहाँ पे। तो रात भर हम लोग घूम रहे हैं, और पूरा जंगल वाला एरिया है वो, तो जंगलों में घूम रहे हैं हम लोग पूरा, और बार बार हमको
कुछ 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 दिख रहा है अलग अलग सा, मतलब कभी कुत्ता दिख रहा है, कभी आदमी दिख रहा है, और दूर दिख रहा है हमेशा, और ये बहुत देर तक हो रहा है, ठीक है। और रात के करीब करीब 1-1.5 बज चुका है, लोग मतलब 4 घंटे से घूम ही रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि पूरा जंगल था, जो भी कच्चा रास्ता मिल गया उसे पकड़ लिया। वो टाइम पे GPS वगैरह वो सब मोबाइल वगैरह का सिस्टम नहीं था, मतलब थोड़ा पुरानी बात है ये, 2008 या 2009 की बात होगी मुश्किल से, तो उतना नहीं था उस टाइम पे। तो हम लोग घूम रहे हैं, मतलब भटक भटके हुए हैं, 1 बज गया 2 बज गए रात के, कुछ मिल ही नहीं रहा। और कभी कुछ आदमी दिख रहा है दूर पे, वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, कभी कुत्ता दिख रहा है उसकी आंखें चमक रही हैं, जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो स्काउट वाले थे, तो हमारे पास टॉर्च वगैरह रहती थी, तो हम लोग थे 8-9 लोग थे मिला के, तो सब लोग सर्कल बना के चलते थे, सर्कल बना लिया था सबने, मतलब 360 डिग्री सर्कल, तो सब तरफ रोशनी मारते थे हम लोग चलते वक्त। लास्ट में जाके हमको एक बाबा मिला, मतलब सुकड़ा था एकदम। तो बाबा को हमने बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, और मतलब वो बाबा मतलब ऐसा, मतलब कुटिया थी छोटी सी, और मतलब कहाँ पता नहीं ऐसे बैठे हुए थे। तो हमने उनको बोला, तो बाबा बोले कि एक काम करो चलते जाओ, और बस इतना बोला उन्होंने, चलते जाओ, और फिर वो कुछ नहीं बोले, फिर चुप हो गए एकदम। तो हम लोगों की फटी पड़ गई एकदम बुरी तरह। तो और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे ऐसी, कि जो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, पैंट में मूंद दिया था लोगों ने काफ़ी। तो फिर बाद में हमको लास्ट में एक कुत्ता मिला काले कलर का, और मतलब वो आया पास में, और उसको हमने फिर फॉलो किया। तो हम फिर रात, फिर हम 3:30 बजे पहुँचे बेसिकली अपने कैंप में समहाउ, और पूरे कटे छिले थे। और अगले दिन हमको जाना था छोटा महादेव करके जगह है एक वहाँ पे, तो वहाँ हमको जाना था। तो जब हम वहाँ गए तो सेम आदमी हमको वहाँ भी मिला, तो वही सेम बाबा हमको वहाँ भी मिले एकदम। और वो बाबा वहाँ मिले तो हमने, मतलब सर ने बोला कि थैंक यू बोलते हैं इनको ऐसा कुछ, तो गए बात करने तो बात ही ना करें। तो वो बहुत ही इनकाउंटर था, मतलब अलग टाइप का बहुत ही। तो लेकिन मेरे को लगता है कि वो जो हम देख रहे थे कि आदमी वगैरह दिख रहा है, कुत्ते वगैरह दिख रहे हैं चमकते हुए, वो सब मेरे को लगता है इल्यूजन था, क्योंकि हम लोगों की फट गई थी इसलिए। बट मतलब ये थोड़ा इनकाउंटर मेरे को थोड़ा लगता है लाइफ का, बाकी तो वो सब मेरे को लगता नहीं है, बाकी सब इलॉजिकल लगते हैं कि वो शमशान वगैरह वाले सब। तो यही है बस। ओके भाई, थैंक यू आपकी स्टोरी के लिए। अभी नेक्स्ट कौन है जो सुना सकता है? हाय। हेलो हेलो, मैं सुना दूं? हाँ जी मैम, आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है, आप हेडफोन्स लगाए आपने तो उसको निकाल दो। आप ईयरफोन्स तो नहीं लगाए मैंने। पंखा वगैरह चल रहा है क्या? बंद कर दो। फैन चल रहा है। बंद कर दो। ओके, अब सही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये कहानी मेरे दादी जी ने मुझे बताई थी, तो उनके मतलब वो जब यंग थी तो उस टाइम की स्टोरी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है, आप सुनाते रहो। ओके, तो दादी जी ने मुझे कहानी बताई थी, तो वो जब यंग थी तो उस टाइम पे ऐसे गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो बैलगाड़ी से सब लोग आते जाते थे, टांगे से बैलगाड़ी से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक हमारे मतलब जहाँ पे मेरी दादी जी रहती थी वहाँ पे एक शादी हुई थी, और दूल्हे का जो गाँव था वो थोड़ा मतलब काफ़ी दूर था। तो वो लोग शादी वादी किए और निकले अपने अपने बैलगाड़ी, कुछ 3-4 बैलगाड़ी थी, 3-4 बैलगाड़ी में बैठ के वो लोग सारा वरहाड़ बोलते हैं उसको हमारे मराठी में, तो वो लोग निकले, 3-4 बैलगाड़ी भर के दूल्हा दुल्हन और सब लोग निकले। और जैसे कि दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगती है तो बीच में कहीं रोकना नहीं होता है, ऐसे मानते हैं कि जब हल्दी लगती है तो भूत वगैरह ये लोग सब ज़्यादा परेशान करते हैं, तो कहीं पे रोकना नहीं होता है बीच में रास्ते में, बस चलते जाना होता है जब तक कि आपका घर ना आ जाए। तो वो लोग सब निकलते हैं और चलते जाते हैं, तो अंधेरा हो जाता है और इन लोग को भूख वूख भी बहुत लग जाती है। तो चलते 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 रास्ते में हर तरफ ऐसे खेत वगैरह ही होते हैं, तो अंडर डेवलप्ड एरिया होता है ऐसे
विलेज के जैसा। तो फिर सामने जाते जाते उनको रास्ते में एक आदमी दिखता है और उसके हाथ में एक ऐसे लंबी सी छड़ी होती है, उसको उसके ऊपर ऐसे घुंघरू बंधे हुए होते हैं और वो उनको हाथ हिला के ऐसे बोलता है कि रुको रुको इधर आ जाओ करके, ऐसे रुक जाओ। तो इन लोग को लगता है कि कौन ही है और क्या बोल रहा है ऐसे करके, तो ये लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बहुत ही ऐसे उसकी डंडा, वो जो हाथ में डंडा लिए होता है वो घुंघरू से आवाज़ करके वो लोग उसको आवाज़ करके इनको बुला रहा होता है। तो फिर एक पहले जो बैलगाड़ी होती है वो रोकते हैं और उसकी तरफ देखते हैं वगैरह। तो पहले तो सामने उनको ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक ही आदमी दिखता है, लेकिन थोड़ा वो आदमी उनसे बात करने लगता है कि रुको आराम कर लो ऐसे करके। तो ये लोग रुकते हैं और बाजू में थोड़ा वो आदमी के साथ साथ वो आदमी चलने लगता है इनके बैलगाड़ी के साथ साथ। फिर जाके सामने देखते हैं तो एकदम से वो बंजारों का जो तांडा ऐसे रहता है ना, बंजारी लोग ऐसे रास्ते के बाजू में झोपड़ी लगा के वैसे रहते हैं, वैसे टाइप्स वो थोड़ा सा रहता है। तो बहुत सारे लोग फैमिलीज करके वहाँ पे दिखते हैं इन तीन बैलगाड़ी पे, जो जो लोग होते हैं फैमिली शादी वाले, जो सारी फैमिलीज होती हैं उनको दिखते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। और वो बत्ती होती है रॉकेल वाली, तो बहुत सारी रोशनी भी होती है वहाँ पे, दिखता है इनको कि है करके। सारे फैमिलीज रुके हुए बंजारी फैमिलीज खेत में अपना अपना घर वगैरह लगा के, वो थोड़ा सा झोपड़ी टाइप्स लगा के, तो ये लोग को बुलाने लगते हैं कि आ जाओ खाना बनाते हैं, खाना खा लो हमारे साथ वगैरह वगैरह। तो इन लोग को भूख भी बहुत लगती है और अंधेरा भी बहुत हो गया होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो रुक जाते हैं। तो फिर ये लोग रुकते हैं उनके साथ, खाना वाना खाते हैं। और फिर इनमें से जो शादी वाले जो लोग रहते हैं ना, उनमें से एक लेडी जो होती है वो उन लोगों वाली बंजारों वाली जो लेडी है उनके साथ थोड़ा हाथ धोने जाती है थोड़ा सामने बाहर। तो जब वो हाथ धोने लग जाती है ना, तो उसका ध्यान जाता है पैरों की तरफ वो लेडी के, तो उसको दिखता है कि उसके पैर उल्टे हैं करके। तो फिर तो वो घबरा जाती है बहुत, लेकिन वो उसके मुंह की तरफ भी नहीं देखती और कुछ बोलती भी नहीं है, बस अपना हाथ चुपचाप धोते रहती है और ऐसे ही पीछे चली आती है अपने जो उनके साथ वाले जो लोग हैं उनके पास जाती है और जाके अपने साथ वाले एक आदमी को बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है एकदम चुपचाप से, तो हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। तो सबको वो लोग फटाफट वो लोग रुकने को बोलते हैं बंजारा लोग कि रुको रुको रुको, बट ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हमें जाना होगा। तो ये लोग अपने बैलगाड़ी में सब सामान वामान भरते हैं जो भी निकाला था और सब लोग को चढ़ाते हैं और फिर एकदम से निकल पड़ते हैं। तो पीछे बिल्कुल भी नहीं देखते, तो मतलब चलते रहते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसे एक 100-150 मीटर जाने के बाद देखते हैं पीछे, तो बिल्कुल भी लाइट भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता इन लोग को। तो एकदम से डर जाते हैं, तो एकदम जोर से भगाने लगते हैं फिर अपनी बैलगाड़ी और बस ये फिर बात अपने गाँव जाके सबको बताते हैं ऐसे हुआ था। तो फिर गांव वाले बताते कि हाँ ऐसे ये रोड पे ऐसे इंसिडेंट्स तो होते हैं करके। तो यही स्टोरी थी बस। ओके ओके प्यू मैम, थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। दुआ लिप्स, आप हो क्या यहाँ पे? हाँ भाई। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा पर्सनल स्टोरी है। अच्छा, ये बात मतलब 2020 की है, लॉकडाउन खत्म हुआ था और 3 नवंबर का ठंड, मतलब उस टाइम ठंड होती है ना, वो नवंबर की कहानी है। मेरी एक क्लासमेट थी, तो मैं उससे बात करता था, मैं पटना में पढ़ता था और वो मेरे मतलब होम टाउन में रहती थी वो लड़की। तो बात करता था, मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उनके भैया या फैमिली, तो बात भी होती थी तो ऐसे रात में होती, उसके पापा ड्यूटी से आते थे तो फ़ोन उन रखते थे, तो उससे कभी बात हो जाता था,
मतलब बहुत कम बात होता था और मिलना जुलना भी बहुत मतलब कम ही होता था। तो हमको रहता था कि मतलब बहुत बार बोले कि तुम यार ट्राई करो ऐसे, अगर नहीं करना है तो फिर हम बात बात नहीं करेंगे रहने दो। तो वो एक बार क्या हुआ कि उस टाइम मतलब उसके भैया और मम्मी शादी था कोई फैमिली में, तो वो चले गए। हम बोले तुम बहाना मान के रुक जाओ, नहीं होता तो हम तुम्हारे घर ही आ जाएंगे। तो क्योंकि पापा रहेंगे तो पापा तो आते तो सो जाते, उनको पता भी नहीं रहता है। तो पहले नहीं मान रही थी, फिर हम जबरदस्ती किए तो बोले ठीक है आ जाना। बोले ठीक है। तो वो जिस दिन शादी में गए तो उस दिन हम मतलब यहाँ से बस पकड़ के चल गए मिलने के लिए। तो हम दिन में पहले बोले थे एक टाइम पे, क्योंकि फ़ोन तो उसके पास था नहीं, तो एक जगह बता दिए थे, मेरा भी होम टाउन वही है तो दोनों को पता था कि वो जगह। और उसका घर ऐसा था कि मतलब उधर कोई आ नहीं सकता, एक होता ना कि रेगुलर रोड है मतलब आना जाना नहीं, जिसका उधर घर रहेगा उधर मतलब आना जाना कम रहता है, सीधा एकदम साइड में उसका घर था टाउन में। तो उधर ही मिले, उसके घर के ही चार पांच घर आगे एक मतलब थोड़ा सा बगीचा टाइप का था और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, मतलब अभी वो बन ही रहा था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो बोले ठीक है उसी में मिल लेते हैं ऐसे ही। तो हम यहाँ से पहुँचे तो मिले, तो फिर बोली अभी तो नहीं जा पाओगे घर क्योंकि अभी तो दिन है, शाम को चल जाना। उसका मतलब घर में ऐसे था कि दो गेट था तो पीछे वाले गेट से चल जाना, लेकिन अभी जाओगे तो अभी दिन में तो कोई भी देख सकता है, तो रात में मतलब शाम होगा अंधेरा होगा तो आ जाना। तो उसके पास फ़ोन नहीं था तो हम अपना फ़ोन उसको दे दिए और हम सोचे कि अच्छा, और हम चल गए दोस्त के घर पे। तो और सोचे कि ठीक है उसी के फ़ोन से हम तुमको फ़ोन कर देंगे फिर हम आ जाएंगे। बोली ठीक है। तो सात बजे का टाइम था तो हम उसको कॉल किए कि हम आ रहे हैं। तो बोली ठीक है आ जाओ। तो हम फिर बोले वहीं पे आते और फ़ोन मतलब फिर हम दोस्त को बोले अरे हम जा रहे हैं और हम निकल गए वहाँ से। तो आए वहाँ पे, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी भाई आ रही है। तो वो वहीं पे फिर से मिलने आई, बोली कि अरे यार मतलब मेरी जो कज़न है वो बोल रही है बगल में ही शादी था, वो उस दिन मतलब बहुत सारा शादी था, वो ऐसा होता नहीं है कि वो ऐसा दिन रहता है जिसमें मतलब बहुत सारा शादी सबका ढेर सारा सा, तो उसमें और एक बगल के घर में था तो कज़न उजन उसको जबरदस्ती चलिए दीदी, तो वो मना नहीं कर पा रही थी कि नहीं नहीं जाएंगे, वो कैसे बताएगी। अब पापा भी बोले ठीक है चलो हम भी जा ही रहे हैं, तो उसको जाना जो ऐसा करो एक दो घंटा तुम वेट कर लो हम आ जाएंगे, हम कोशिश करेंगे हम मतलब पहले ही आ जाएंगे आ जाने का। तो अब फिर क्या ही बोलते, हम बोले अच्छा चलो ठीक है तो अब जाओ। तो हम क्या करें, अब फोन भी नहीं है मेरे पास, तो हम बगल में ऐसे ही पहले मूँगफली वगैरह बेच रहा था तो वही खरीदे, उसके बाद वो जो बिल्डिंग है ना तो उसके सीढ़ी होता है ना, छत नहीं सीढ़ी पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे ऐसे, मूँगफली खा रहे, फ़ोन वोन तो है नहीं कि चलाएंगे। फिर ठंडा सा फील होने लगा क्योंकि सीढ़ी पे था, रात का था और ठंडा भी था उस टाइम, तो हम सोचे ना नीचे चलाए, नीचे रूम में एक टायर रखा हुआ था तो टायर पे बैठ के हम ऐसे ही मूँगफली खा रहे थे और पूरा अंधेरा, कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, वो मतलब घर ऐसा कोई या उसमें रहता वहता नहीं था, वो अभी पूरी तरह से कम्प्लीटली बना नहीं था। और वो सपोर्ट के लिए वो होता ना छत का बांस बांस वगैरह लगा हुआ रहता है, वैसा लगा हुआ था पूरा। तो एक दो घंटा हो गया कभी हम बाहर निकल रहे हैं घूम रहे हैं, फिर डर लग रहा है कि अगर कोई देख लेगा तो हम तो बाहर ही हैं तो अगल बगल में देख लेगा और पूछ लिया तुम कौन हो तो फिर हल्ला वल्ला हो जाएगा, तो सब मोहल्ला वगैरह वाला जो भी रहेगा वो जग जाएगा तो फालतू हो सकता है, इसलिए हम ना डर से निकले भी नहीं, मतलब फिर कभी थोड़ा बहुत निकलते थे फिर सोचे रूम में ही बैठे रहते हैं। तीन घंटा मतलब दो तीन घंटा हो गया और मेरे पास फ़ोन भी नहीं, अब क्या करें,
हुआ ही नहीं अभी तक। तो ऐसे करके हम 7 बजे गए थे, 10:30 या 11:15 के आसपास हो गया होगा, मतलब 11 ही समझिए, 11 बजे। तो एक लेडी आई, ठीक है ना, और वो एकाएक मतलब घर की तरफ मतलब ऐसे घुस गई, और शादीशुदा थी और हाथ में दिया लेके। तो और उसके बाद अब हमको लगा कि यार इसी का घर है और ये हमको घर में देखेगी रात में, मतलब तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में। लगा कि बाहर निकल जाते, फिर लगा कि अगर टोकेगी फिर भी हल्ला होगा तो मोहल्ला वगैरह वाला जग जाएगा। तो एक काम करते हैं, छुप ही जाते हैं, देखते हैं, रिक्स लेते हैं, भागना दोनों में है तो रिक्स लेते हैं, छुप जाते हैं। अगर देखी तो देखी, नहीं देखी तो मतलब फिर हल्ला वगैरह नहीं होगा। तो जितना मेहनत से जो आए हैं हम इतना दूर से, तो फिर हमको मतलब मेरा काम हो जाएगा, ये सोच के हम छुप गए। तो वो ना ऐसे दिया दिखा रही थी, दिया दिखाते ना हम लोग की तरफ, ये होता है ना जैसे ही शाम होता है ना तो दिया दिखाया जाता है, जितना भी रूम है गेट वगैरह छत उत पे सब। तो वो दिया दिखाई सर मेरे रूम में आई, तो हम एकदम पूरा नर्वस थे कि देख ना ले देख ना ले। लेकिन ऐसे गेट पे ही दिखाई, और उसके बाद वो 1-2 मिनट रुकी, उसके बाद वो निकल गई। उसके बाद ना हमको इतना मतलब अंदर से बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसके आधा घंटा बाद फिर मतलब मेरी जो क्लासमेट थी वो आई, बोली ठीक है मतलब चलो। तो फिर हम उसके साथ उसके घर चले गए। तब उसको बताया ये बात कि अरे यार एक आंटी थी वो आ गई, पता नहीं बहुत ही मुश्किल से बचे हैं। तो वो उस टाइम ध्यान नहीं दी, तो ठीक होगा। उसके बाद हम मतलब मिल उल लिया, फिर हम चल गए वापस पटना। तो एक दिन हम फेसबुक चला रहे थे तो एक पोस्ट देखे उसका, तो उसमें वो औरत का ना ऐसे लिखा हुआ था कि आज ना ये आज ये मतलब 11वीं है या 12वीं है, ऐसे 11वीं या 12वीं। और फोटो देखे तो फोटो से हमको लगा कि अरे यार मतलब ये तो देखा देखा लग रहा है ये। तब हम उसको बताया कि अरे यार ये तो मतलब उसी दिन जो बता रहे थे तुमको कि वो जब हम वेट कर रहे थे तो वो आई थी ये दिया दिखाने। तो बोलिए वो कैसे होगी, वो कोई दूसरा होगी, मेड होगी कि ये, वो तो मर गई थी तुम्हारे आने से 2-3 दिन पहले ही। हम बोले नहीं वही थी। तो अब हमको मतलब लगा, बाद में बता रहे हैं कि वही थी। तो ये मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, पता नहीं अब मेड थी या वही थी, पर हमको लग रहा था कि वही थी। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी के लिए। रोहित, आप हो क्या यहाँ पे स्पेस में? जी भैया, जी भैया, तो आप कोई स्टोरी सुनाओगे? जी भैया, भैया सुनाओ। मेरी आवाज आ रही ठीक से? ठीक। हाँ, आ रही है। तो अभी हम पिछले महीने केदारनाथ गए थे, तो वहां पे तब हम 16 जुलाई को पहुंचे थे केदारनाथ, वहां से निकल गए थे हम 17 तारीख को और हरिद्वार पहुंचे थे। ठीक है, तो हरिद्वार में एक होटल है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, अच्छा होटल है मतलब 5 स्टार वगैरह। तो हम वहाँ पे 4 लोग थे, वहाँ पर हम रुके हुए थे, हमारा तीसरे फ्लोर पे रूम था। तो हम वहाँ से आए बढ़िया घूम घुमा के, थक गए थे थोड़ा, तो थोड़ी देर हमने रेस्ट करा, उसके बाद फिर वापस से घूमने निकल के बाहर। फिर हम वापस आए तो बहुत ज़्यादा थक गए, तो हम लोग क्या आते से ना मतलब ऐसे सो गए, सीधा बिस्तर पे पड़ गए आड़े सब सब। तो 10-11 बजे हम सब सो गए थे। फिर जैसे ही रात के 12 या 1 बजे थे कुछ, मेरी एकदम से आँख खुली, मैं मतलब थोड़ा सा नींद में ही था। तो खिड़की के पास में एक पता नहीं कोई, एक सफेद कपड़े में कोई तो खड़ा था वहां पर। मैं नींद में था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना क्या। तो वो है ना मतलब हाथों इशारे दे के ऐसे अपनी तरफ बुला रही थी कि इधर, मतलब हाथ दे के इशारे से बुला रही थी। तो मैं नींद में था, मैं चले गया वहां पे, वो जो मतलब शीशे शीशा रहता उसके आगे पर्दा लगा था वो खुला हुआ था। तो मैं चले गया वहां पे उसको लगाने की साइड, ठीक है, मैंने उसको लगा दिया। वहां पे एक टेबल रखा था, पता नहीं वहां पे मेरा पैर आ रहा और मैं एकदम से नीचे गिर गया, है ना। और फिर अचानक मैं ना एकदम से सुबह उठा,
तो मेरी पीठ पे तक खतरनाक निशान पड़ा था किसी के हाथ का। मुझे पहले तो लगा कि नहीं यार, रात को जो देखा मैंने वो शायद सपना था, लेकिन मैंने अपनी पीठ पे को निशान देखा, फिर मुझे थोड़ा सा इतना खतरनाक दर्द होने लगा, थोड़ा पीठ पूरी लाल हो गई थी, हाथ का निशान पड़ा हुआ था पूरा। मुझे लगा होगा कुछ सपना वगैरह, तो मैंने सोचा कि एक बार खिड़की के पास जाके देखता हूँ। तो खिड़की के पास जब हमने वो कपड़ा हटाया, मतलब पर्दा हटाया, वहां पर लिटरली किसी के पैरों के निशान थे कांच पे, खिड़की के जो कांच है वहां पर। और उस चीज की फोटो मेरे पास अभी भी रखी मेरी गैलरी में, उस पैरों के निशान की वहां पे। मतलब हम तो वहां से भी जैसे हमारा चेकआउट वगैरह करके नीचे उतरे, ऐसा जो सेकंड फ्लोर पे 3-4 लोग वहां रुके हुए थे, उन्होंने भी सेम चीज यही कंप्लेन करी होटल वालों से कि भैया यहाँ पर रात में कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। उन भैया के फोन में उन्होंने वो खिड़की के जो मतलब उल्टे पैरों के निशान, उनके फोन में भी उन्होंने फोटो दिखाई। हम सब तो मतलब इतने बेहतरीन डर गए थे, खतरनाक। आज भी मैं जब ये चीजें देखता हूँ, अपना फोन में मेरे अभी पड़ी है, मैं तब भी वो देखता हूँ तो मुझे अभी भी उतना डर लगता है जितना उस समय डर लग रहा था। और अभी जब मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, हर हर मतलब हर रात मेरे सपने में आती है, और एक चीज कहती है कि तुमने मुझे मक्खी गिरी हुई बटर बटर की आइसक्रीम क्यों खिलाई, सवाल थी। क्या बोलती है? तुमने मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम मक्खी के साथ क्यों खिलाई, सवाल थी। अच्छा, तो आप कोई पंडित वगैरह को दिखा लो भाई। अब यार दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कोई मतलब ऐसा जानकार नहीं हूँ कि आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ। अच्छा ठीक है, अब अभी अभी कैसा है? अच्छा, थैंक यू सो मच रोहित आपकी स्टोरी के लिए। अभी कैसा है कि बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, मतलब कितने, मतलब 650-700 लोग हैं लगभग। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज कर रखा था लास्ट स्पेस में, मैं एक स्टोरी सुनाने वाला था जो मैंने पहले जब ये हॉरर स्पेस शुरू हुआ था, Day 1 पे मैंने वो स्टोरी सुनाई थी। मतलब वहीं से एक्चुअली शुरू ही हुआ था, रेबीज सर भी थे उस टाइम पे। तो मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और मैसेज आया था कि वो स्टोरी आप एक बार रिपीट कर देना। बहुत सारे लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी इसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं सुनी। तो मैं सोच रहा हूँ वो स्टोरी आप लोग को सुना दूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये स्पेस बंद कर देंगे। हाँ भाई, वो कंटिन्यू करो। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टोरी जो है ये मुझे मेरे घर पे पता चली थी, मेरे दादाजी के टाइम पे। क्योंकि मेरे दादाजी के मामा के घर की स्टोरी थी ये, जो उनके मामा जी थे उनके, वो पड़ता है प्रयागराज में, हंडिया साइड उनके मामा का घर पड़ता है। तो वहाँ से 70s के टाइम पे ऐसा होता था कि ना इतना ज़्यादा बिजली होती थी, मतलब बिजली तो थी ही नहीं गाँव में, और मतलब बहुत चीज़ों का अभाव रहता था, कुछ रहता नहीं था घर में, ऐसी मूलभूत चीज़ें भी नहीं होती थी। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम पे एक शादी थी, जो मेरे मतलब समझ लो दादाजी के जो मामा का घर था वहाँ से बारात जाती, और वो जाती सतना। सतना मतलब MP, जो कि प्रयागराज से टच है, कुछ 200-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पता नहीं। और उस टाइम पे बारात जो होती थी वो सारी पैदल जाती थी, रात रात भर लोग चलते थे ऐसे ही, पूरा एक एक दिन, जैसे बहुत दूर की बारात है तो लोग पूरा पैदल चल के जाते थे और पैदल चल के आते थे दुल्हन लेकर के। तो यहाँ से बारात निकली हंडिया से और गई वहाँ पे, शादी वगैरह हुई, और उसके बाद डोली लगती थी, डोली में दुल्हन बैठती थी, और 4 मजदूर रहते थे वो, मतलब 8-10 मजदूर रहते थे वो, चार चार ऐसे उठा उठा के लाते थे अल्टरनेट टाइम पे। तो सतना से निकली थी डोली उनकी, और ऐसे 20-25 लोग उनके घर वाले थे साथ में जो चल के आ रहे थे। तो बीच बीच में कहीं कहीं पे वो लोग रुक रहे थे। रात में 2-2.5 बजे के आसपास वो प्रयागराज के पहले थोड़ी एक जगह थी, बहुत सुनसान जगह थी, रोड थी बहुत ही नॉर्मल कच्ची रोड थी, और वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पे उन्होंने डोली रखी, जो वो लोग, उनको कहार बोला जाता था जो डोली उठाते थे, तो उनको पेशाब लगी। तो उन्होंने क्या किया, डोली वहीं रख दी और वो पेशाब करने चले गए। वो पेशाब किया उन्होंने, पेशाब करके वो आए वापस से, डोली उठाई और डोली उठा करके वो चल दिए। और 1-1.5 घंटे में उनको घर पहुंचना था, तो सब कुछ सुबह के 3 बजे के आसपास, मतलब रात के 3 बजे के आसपास वो लोग पहुंचे हैं घर, और डोली उतरी। फिर उसके बाद लड़की, क्योंकि कच्चा घर होता था, तो कच्चा घर
बहुत बड़ा होता था, मतलब पहले लोगों के कंबाइंड घर थे तो सबको एक एक कमरा मिलता था कच्चे घरों में, उसकी दीवारें बहुत मोटी होती थी बहुत ज़्यादा। तो कच्चे घर में वो गई अपना दुल्हन दुल्हन अपने सास के कमरे में गई और वहाँ उसको बैठाया गया। उसको जैसे ही बैठाया तो वो खड़ी हो गई, तो बोली कि नहीं नहीं मैं मतलब बात इतना करना अलाउड भी नहीं था उस टाइम पे, बात भी नहीं बोलती ही नहीं थी लड़कियां, अलाउड ही नहीं था इतना बोलना। तो खड़ी हो गई, फिर कुछ उसको बोला किसी ने कि बैठ जाओ बेटा, तो उसने सर हिलाया नहीं में कि नहीं मुझे नहीं बैठना। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बारात से आए थे तो कुछ लोगों ने बोला कह रहे उनके लिए कुछ चाय वगैरह ऐसा कुछ गर्म करके, पानी गर्म करके या चाय कुछ बनाने के लिए बोला, कुछ बना दो जा करके किचन में, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं। और वो ऐसे खड़ी है और खड़े खड़े मतलब एक पैर अपना दूसरे वाले पैर पे ऐसे रब कर रही है, रगड़ रही है जोर जोर से। तो उसकी सास ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या तुमको? तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे मुंडी हिलाई कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं ऐसे सर हिलाया अपना। उसके बाद उसकी सास ने बोला कि जाओ बेटा, उसकी जो ये थी ननद थी उससे बोला कि जाओ बेटा बना दो, पापा लोग बाहर बैठे हैं उनको दे दो, पानी वानी दे दो किचन में जा करके। तो जाने लगी तो उसने अपनी ननद का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और फिर उसके बाद वो बोली कि बोली फिर वो कि मैं जाती हूँ, मैं बना देती हूँ अंदर जाके किचन में। तो उसकी सास बोली बेटा अभी तुमको आकर के ज़्यादा समय नहीं हो रहा, अभी जस्ट तुरंत आई हो, तुम थकी होगी। तो बोली नहीं नहीं मैं जाती हूँ, कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ। और सोचो वो इतना बड़ा घर था जिसमें 10 कमरे होते हैं, उसको किसी ने नहीं बताया किचन कहाँ है। वो वहां से सीधा चली, और पहले कैसा था कि एक लिहाज होता था चलने का औरतों का कि मतलब ऐसे चलना है, तुमको एक रूल होता था घर में कि आप बहुत तेज नहीं चल सकते, बट वो एकदम ऐसे मर्दों की तरह चलते हुए गई और सीधा वो किचन में चली गई, अंदर किचन में चली गई। तो उसकी माँ ने उसकी ननद से बोला कि इसकी तबीयत वगैरह खराब है क्या, कोई दिक्कत है क्या, एक काम कर तू भी जा अपनी बेटी को बोला, मतलब उसकी ननद को कि तू भी जा उसके साथ चली जा देख। और उस टाइम पे घरों में उजाला तो रहता, लालटेन रहती थी, दिया रहते थे, दिया भी मतलब वो मिट्टी के तेल वाला छोटे छोटे दिया होते थे। तो तब तक उसको उसकी ननद को किसी ने, वो जा ही रही थी किचन की तरफ तो उसको किसी ने बुला लिया, तो वहां चली गई। और वहां से वो लौटी, फिर उसकी सास ने बोला करे तुझे मैंने बोला था ना कि तू बहू के पास चली जाना, उसको क्या पता सामान कहाँ रखा है किचन में, और जाके देख जरा क्या कर रही है वो। तो तब तक इस इंसिडेंट को 3-4-5 मिनट हो चुके थे। तो वो गई किचन में, गई तो देख रही वहां पूरे किचन में कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो दिया उठा करके देख रही चारों तरफ घूम के, पूरे किचन में कोई नहीं है, बट पूरे किचन में मच्छी जो होती है मतलब मांस और मच्छी, उनके किचन में मांस और मच्छी रखा हुआ था अगले दिन बनने के लिए, पूरे किचन में मच्छी ऐसे गिरी हुई है चारों तरफ, मांस के लोथड़े गिरे हुए हैं और मच्छी गिरी हुई है। तो वो डर गई और दौड़ के मम्मी के पास आई, बोली मम्मी पूरे किचन में सामान गिरा हुआ है और वहां पे भाभी नहीं है। तो उसकी सास भी गई उसके साथ में देखने के लिए कि ऐसा क्या हो गया। जब वो लोग वहां गए तो वहां कोई नहीं था किचन में, पूरे किचन में मांस गिरा हुआ इधर उधर और कोई दिख नहीं रहा। लेकिन इनको किचन के कॉर्नर पे पहले ऐसा होता था कि एक भंडरिया बनती थी, भंडरिया का मतलब ये होता है कि एक मिट्टी का अलमारी होता था छोटा सा जो नीचे बनाया जाता था, तो दूध वगैरह रखने के लिए बिल्ली वगैरह ना पिए, जिनको पता होगा वो जानते होंगे जिनने पुराने घर में जो रहे हैं, हम लोग के टाइम पे था। उस भंडरिया में लकड़ी का दरवाजा लगा था जो कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, ठीक है, और उसमें से किसी के ऐसे पैर में आलता लगा रहता है दुल्हन के, वो आलता वाले पैर उसके दिख रहे हैं, वो अंदर बैठी हुई है और उसने हाथ से दरवाजा पकड़ रखा है, अंदर से बंद कर रखा था बंडरिया को। तो उसकी सास बोली कि मतलब वो डर गई कि ऐसा क्या हो गया अचानक से, और इतना दिए की रोशनी में इतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा। तो वो दिया लेकर के उसकी तरफ बढ़ी, बंडरी की तरफ, और जैसे ही उसने बंडरिये का दरवाजा खोला तो वो देख रही है कि उसकी बहू पूरा उसके मुंह पे सिंदूर लगा हुआ है, आंखों से पूरा पानी निकल रहा है और उसके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ है, मांस के लोथड़े लगे हुए हैं, और वो जैसे कुत्ते बिल्लियां गुर्राते हैं वैसे वो गुर्रा रही थी, ऐसे आवाज कर रही थी हूं करके। तो उसकी सास बहुत डर गई, वो गिर गई वहीं पे, उसकी बहन डर गई, सब डर गए और दौड़ के सब लोग बाहर गए। और उसके बाद उन्होंने घर में चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई, और उसके बाद उसके ससुर आए दौड़ के देख रहे हैं, तो वो पूरा उसको निकाला गया भंडरी में से,
पूरा ऐसे पैर फैला के ऐसे बैठी हुई है और वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ उसके हाथ पैर कांप रहे हैं और वो जैसे कोई जानवर गुर्राता है वैसे वो गुर्रा रही है, जैसे शेर वगैरह गुर्राते हैं ना आवाज निकालते हैं वैसे, और वो ऐसे कर रही थी और पूरे मुंह पे उसके वो, और उसने कच्ची मच्छी खाई हुई थी, कच्चा मांस पूरा खा लिया था, पूरी पूरी बदबू आ रही थी पूरे घर में। उसके बाद उसके ससुर वगैरह ने उसको पकड़ा और किसी से हाथ में नहीं आ रही थी किसी के, तीन तीन चार चार लोग पकड़ रहे हैं, वो सबको उठा के फेंक दे रही है। उसके बाद उसको कैसे कैसे करके तीन चार लोगों ने मिलके पकड़ा, पकड़ के क्योंकि अभी नई नई बहू आई थी तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, उसको पकड़ के बांधा और वो चिल्ला रही है, वो कह रही है कि सबको मैं खा जाऊंगी, फाड़ के खा जाऊंगी, सबको जिंदा खा जाऊंगी मैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, ऐसे चिल्ला रही थी, सबसे बहस कर रही थी। उसके बाद तब तक ये सब होते होते 4:30 बज गया था सुबह का, 6 बजे सुबह उनके यहाँ पे ओझा बुलाया गया, जो ओझा होते हैं वो आया, तो उसके अंदर कोई ऐसी मतलब पावर थी, वो बात कर सकता था कुछ ऐसा, तो उसने उससे बात करी, तो उसने बताया कि रात में 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास जब डोली उतरी थी तो मैं एक पेड़ पे रहती हूँ, मतलब उसके बगल में मेरा गांव था और मुझे भूख से मतलब तड़पा के मार दिया था मेरे घर वालों ने, ठीक है, और जब ये डोली उतरी रास्ते में, जब डोली उतरी थी और ये लोग पेशाब करने आए थे, वो जो डोली वाले थे पेशाब करने गए थे, तो ये लड़की जो है ये उस डोली में से झांक रही थी, डोली को खोल मतलब उसका पर्दा खोल के झांक रही थी, और मैंने इसको तभी देखा और ये मुझे बहुत सुंदर लगी इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया, और अब मैं तभी जाऊंगी जब इसके साथ जाऊंगी मैं, जब तक ये मरेगी नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगी चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद उसको वहां से कहीं पे MP में कोई जगह थी जहाँ पे बहुत बड़े बाबा थे, वहां ले जाया गया और उसके हाथ पैर अकड़ जाते थे, हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और बहुत चिल्लाती थी, खून की उल्टियां होती थी उसको, उसको वहाँ के वहाँ पे ले जाया गया, तो उसको ठीक होने में फिर 1-2 महीना लगा, और लेकिन उसके उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसकी आई साइड वीक हो गई, मतलब उसको दिखना बहुत एकदम डीम हो गया, कम हो गया। ये मेरे दादाजी ने बताई थी मुझे स्टोरी, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, 70s के टाइम की जब शादी वादी उस टाइम पे, और पहले की है दादाजी के टाइम की जब शादी होती थी तब की, तो यही स्टोरी थी, ये मैंने सुनाई थी एक बार रेबीज सर के स्पेस में। फिर की भाई आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो फिर की भाई नहीं है शायद, ठीक है रुको मैं एक आध किसी को, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब स्टोरी तो मैंने सुना दी, तो अभी हाँ तो अभी तो मतलब 2:30 बज गए हैं, तो मुझे लगता है अब स्पेस हमको एंड कर देना चाहिए क्योंकि अगले सैटरडे भी तो कुछ स्टोरीज रहनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है।